यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का डायमेंशनल एनालिसिस वाला सेगमेंट। अगर आपने लास्ट क्लास मेरी की हो तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यूनिट्स डिस्कस कर लिया था, और वहाँ पे मैंने बताया था कि हमारे पास प्लेथोरा ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ का स्पेस बहुत वास्ट है, तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को तीन कैटेगरीज में बांट रखा है। इनफैक्ट बेसिक तो दो ही है, एक फंडामेंटल और दूसरा डिराइव्ड, बट हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए दो क्वांटिटीज़ को सप्लीमेंट्री में बांट रखा है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज, देर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, रिमेनिंग ऑल अदर्स, सेवन प्लस टू नाइन को छोड़ के जितनी भी बाकी बच रही हैं सब की सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, वो फंडामेंटल के टर्म्स में लिख सकते हैं। और वो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जो डिराइव्ड क्वांटिटीज इनके टर्म्स में लिखी जा सकती हैं, तो जब हम डिराइव क्वांटिटीज को फंडामेंटल के टर्म्स में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कुछ ना कुछ पावर आएगी। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं एरिया, तो एरिया होता है लेंथ इंटू विथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, कुछ भी बोले। अब विथ भी एक टाइप की लेंथ होती है, तो एरिया को लिखेंगे लेंथ इंटू लेंथ, भाई लेंथ की भी यूनिट मीटर, विथ की भी मीटर, तो एरिया मीटर स्क्वायर, ये तो यूनिट हो गई। अगर हम सिंबल दे दें, मान लीजिए मैं लेंथ की बात करूं, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, लेंथ को अगर हम एक सिंबल दे दें एल, तो एरिया को अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विथ, लेंथ भी एल, विथ भी एल, तो एरिया बन गया एल स्क्वायर। तो ये बन गया एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। और एरिया में एल स्क्वायर लिखा होने का मतलब क्या है? एरिया का एल स्क्वायर बहुत सारी चीजें बता रहा है। पहले तो ये बता रहा है कि एरिया मास पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, करंट पे डिपेंड नहीं करता, एरिया सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा ये बता रहा है कि एरिया में लेंथ कैसे, एरिया लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, वे ऑफ डिपेंडेंस। एरिया में लेंथ की पावर टू आती है, मतलब जब भी हम लेंथ की यूनिट रखेंगे, जैसे मीटर रखा तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर रखा तो किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर रखा तो मिलीमीटर स्क्वायर, एंगस्ट्रॉम रखा तो एरिया बन जाएगा एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यूनिट फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि यूनिट तो बदल सकती है। अभी मैंने बदला, लेंथ की मीटर रखा, किलोमीटर रखा, मैंने मिलीमीटर रखा, एंगस्ट्रॉम रखा, और एरिया की भी यूनिट बदल रही है, लेकिन नेचर तो वही है ना। हर बार आप एरिया एल स्क्वायर से तो निकाल लोगे, तो बताओ ज्यादा फंडामेंटल क्या हुआ? ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? यूनिट तो बदलती रहती है, देयर आर सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट। जो चीज नहीं बदलती है वो है डायमेंशंस। एरिया जब भी आएगा लेंथ की पावर टू लेके आएगा, एरिया में लेंथ की डायमेंशन टू है, तो ये डायमेंशन कभी नहीं बदलेगी। एरिया इज ऑलवेज एल स्क्वायर, आप कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट ले लो। इसलिए यूनिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है डायमेंशन, और डायमेंशन क्वांटिटीज का नेचर बताती है। ये नेचर है कि एरिया किसी भी तरीके से मास और टाइम पे डिपेंड नहीं करता। आप कोई क्या करो, लेंथ मीटर ही रखो और आप टाइम को सेकंड के बजाय मिनट में मेजर करने लगो, आप मास को किलोग्राम के बजाय ग्राम में करने लगो, तो एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरिया मास और टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का फंडामेंटल नेचर बताने वाली चीज होती है। क्या होती है? तो अब आ जाते हैं डायमेंशन की डिफिनेशन। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन, व्हेन वी रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, देन द पावर्स रेज्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। जब हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखते हैं, एरिया में सिर्फ लेंथ की जरूरत पड़ी, लेकिन हजगे तो ऐसा नहीं है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हमें लेंथ और टाइम दोनों की जरूरत पड़ेगी। हम लोग लिखेंगे फोर्स, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन में लेंथ और टाइम भी आ जाएगा, तो मास, लेंथ, टाइम तीनों की जरूरत पड़ गई हमको फोर्स में। तो हमको अलग अलग क्वांटिटीज में जब हम उनको डिराइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करेंगे तो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर हम एक्सप्रेशन में कुछ पावर लिखेंगे, तो वो पावर ही डायमेंशन कहलाती हैं। एक बार फिर मैं बोल देता हूं, साफ साफ समझा देता हूं। हमारे पास सात जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनको हम कोई सिंबल दे दें, जैसे मैंने लेंथ को दिया एल, मास को दिया एम, टाइम को दिया टी, एम एल टी, मास एम, लेंथ एल, टाइम टी। ये फंडामेंटल मैकेनिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज होती है वो मास, लेंथ, टाइम के टर्म में एक्सप्रेस हो जाती है, मास एम, लेंथ एल, टाइम टी। इलेक्ट्रिक करंट ए दे देते हैं, ए फॉर एम्पियर। अच्छा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग होते हैं, मैं अपना बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट को ए दे दिया, टेम्परेचर को के दे दिया, के फॉर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एमओएल, इसको एमओएल लिख लेते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसको मैंने फाई लिख लिया। तो सात जो है क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का सेवन डायमेंशनल स्पेस, वो इनके टर्म में, मास एम, लेंथ एल, टाइम टी, करंट ए,
टेम्परेचर के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी फाइव, ल्यूमिनस इंटेंसिटी फाइव और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इनके टर्म्स में हमें एक्सप्रेस कर लेना है। तो जब भी हम किसी डिराइव क्वांटिटी को इनके टर्म्स में लिखेंगे, मान लीजिए मैं कोई डिराइव क्वांटिटी ले लूं जेड और मैं फंडामेंटल क्वांटिटी इसके टर्म्स में लिख रहा हूं, तो मैंने लिखा मेरे फंडामेंटल क्वांटिटी इसके टर्म्स में एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर सी, और भी है जैसे मान लीजिए के की पावर मैंने लिखा डी, बाकी हम सातों के टर्म्स में लिख सकते हैं। जो क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं कर रही होगी ज्यादा ज्यादा उनकी पावर जीरो होगी, उन पे डिपेंड नहीं करिए, किसी की पावर जीरो वन होता है। तो ये जो पावर्स आ रही हैं, जब हम किसी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में लिखते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स आती है, ये पावर, ये पावर, ये पावर, यही कहलाती है डायमेंशन। डायमेंशंस आर द पावर्स रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज to express the derived quantity in terms of fundamental quantities. फिर से बोल रहा हूं, dimensions are the powers. Dimensions क्या होते हैं? तो dimensions power होते हैं। Dimension अगर आपको समझना हो तो power, power हमेशा एक number होता है, तो dimension number होते हैं। आप ये मत समझो कि mass, length, time dimension है ना, मास लेंथ टाइम के ऊपर जो नंबर आता है, जो पावर आता है, प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, इंटीजर आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, जीरो आ सकता है। अब जैसे एरिया की बात करें तो एरिया में मास की डायमेंशन जीरो है, एरिया में लेंथ तो आ रहा था बट मास नहीं आ रहा था, तो मास की डायमेंशन जीरो है। तो जब हम किसी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में लिखते हैं तो जो पावर आती है वो डायमेंशन कहलाती है। डायमेंशन आर द पावर्स यानी कि नंबर्स, यानी कि डायमेंशन बाय डिफिनीशन प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको समझ लेनी है, डायमेंशंस पावर्स होती हैं। और ये जैसे मैंने किसी डिराइव क्वांटिटी को लिखा एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टी टू पावर सी, के टू द पावर डी, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? तो हम लिखेंगे जेड हैज ए डायमेंशन ऑफ ए इन मास, बी इन लेंथ, सी इन टाइम, डी इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे लिखा है? तो इतना हम लोग समझ गए कि डायमेंशंस जो हैं वो पावर्स होती हैं और किसी भी क्वांटिटी का नेचर बताते हैं। जैसे मैंने बताया एरिया, एरिया को एल स्क्वायर लिखा, तो आप यूनिट कुछ भी ले लो, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर फीट, एंगस्ट्रॉम स्क्वायर, बट जो नेचर है, डायमेंशन है, वो नहीं बदलेगी। एरिया एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर ही रहेगा, नेचर नहीं बदलेगा। समझ रहे हो आप लोग कि नेचर नहीं बदलेगा? जितने भी लोग हैं अभी इस समय ऑनलाइन, थैंक यू। देखिए, मैंने आपको बताया कि डायमेंशन क्वांटिटी का नेचर बताते हैं, और नेचर एक ऐसी चीज होती है जो कभी नहीं बदलता। नेचर नहीं बदलता, यूनिट बदल सकता है, इसलिए यूनिट से ज्यादा फंडामेंटल बेसिक चीज डायमेंशन होती है। किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन कभी नहीं बदलती, यूनिट बदल सकती है, इसलिए हम लोग डायमेंशन पे फोकस करते हैं। तो अब डायमेंशन जब भी लिखी जाती है तो फंडामेंटल के टर्म्स में लिखते हैं, बेसिक अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन जो है नंबर्स हैं। अच्छा, जैसे बेसिक एरिया ले लेते हैं, तो एरिया को लेंथ स्क्वायर, लेंथ इनटू वेट अभी बताया था, तो एरिया में लेंथ की डायमेंशन टू है। वॉल्यूम है लेंथ इंटू बेट इंटू हाइट, एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। वॉल्यूम में लेंथ की डायमेंशन थ्री। अच्छा, वॉल्यूम में मास की डायमेंशन कितनी हुई? फिर वॉल्यूम में मास तो आ नहीं रहा है, तो वॉल्यूम में मास की डायमेंशन हुई जीरो। टाइम भी नहीं आ रहा है, तो टाइम की डायमेंशन जीरो। तो जो जो क्वांटिटीज नहीं आ रही होंगी उन सबकी डायमेंशन जीरो होगी। ठीक, वेलोसिटी, एक्सीलेशन, फोर्स ये कभी अभी करेंगे जस्ट अगले उसमें, बट आपको एक और चीज बता दूं। जैसे हमने किसी क्वांटिटी को लिखा, एरिया को लिखा एल स्क्वायर, तो जब हम एरिया को एल स्क्वायर लिख रहे हैं तो अगर हम बस इतना ये कर दें कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें, तो ये बन जाएगा एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। जो भी डायमेंशन है आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो तो वो क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने एरिया में लेंथ की डायमेंशन टू बोला और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिख दो। ये एक नोटेशन है, सिंबल है, कन्वेंशन है, इस तरीके से लिखा जाता है। जब भी किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो बोर्ड सोर्स के लिए तो उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा एल स्क्वायर। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बता देगा कि किस तरीके से हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फंडामेंटल के टर्म्स में, डिराइव क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे। अच्छा, कुछ चीजें और आपको देखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे नंबर्स जो होते हैं, वैसे तो सारी क्वांटिटीज पे करके आएंगे, बट सबसे पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं। नंबर्स 1 2 3 4 काउंटिंग वाले प्योर नंबर्स। अब देखिए, नंबर की कोई यूनिट भी नहीं होती, नंबर 1 2 3 4 वो तो काउंटिंग है। देर आर 40 पीपल इन ए क्लास, 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, तो 40 एक नंबर है।
तो इसमें आपने काउंटिंग की है, इसमें कोई मेजरिंग नहीं की है, तो इसमें इसलिए कोई यूनिट भी नहीं इन्वॉल्व हुई है। तो ये 40 जो काउंटिंग है इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, नंबर्स डायमेंशनलेस होते हैं, प्योर नंबर्स डायमेंशनलेस होते हैं, साफ साफ लिख दे रहा हूं मैं, नंबर्स डायमेंशनलेस होते हैं। अब ये मत पूछना इंटीजर नंबर कि फ्रैक्शनल नंबर, ऑल रियल नंबर, सारे नंबर्स रियल इमेजिनरी जो भी है सब डायमेंशनलेस होते हैं, नंबर्स डायमेंशनलेस होते हैं। और ऐसी जो चीजें जो नंबर हो जाती हैं, जैसे मैं बोलूं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप खुद ही बताओ। जैसे मैंने बोला साइन थीटा, ये एक राइट ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनोस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनोस, परपेंडिकुलर भी एक लेंथ है, हाइपोटेनूज भी एक लेंथ है, आप रेशियो निकाल लो, रेशियो हमेशा सिमिलर टाइप की चीजों का निकाला जाता है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट सेक कॉस सेक कोई भी रेशियो निकाला, तो आप ट्राइंगल की एक राइट ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो लिख रहे हो, मीटर अपॉन मीटर खड़े आएगा, तो अब वो नंबर ही तो आएगा। जैसे साइन 30 हाफ, तो हाफ एक नंबर ही तो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बींग नंबर्स, दे आर नंबर्स, सो दे विल ऑल्सो बी डायमेंशनलेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी डायमेंशनलेस होते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो नंबर्स, नंबर्स डायमेंशनलेस होते हैं। तो डायमेंशन सारी क्वांटिटीज का निकालने से पहले जिन जिन की नहीं होती वो जान लेते हैं, नंबर्स डायमेंशनलेस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायमेंशनलेस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ई की पावर एक्स, अब ऐसे समझो ई की पावर के, हमें इन जनरल बता दू 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, ए टू द पावर एक्स वैसे इसको बोलते हैं, तो 2 की पावर 3 8 नंबर ही तो आएगा। तो नंबर ई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यूलर्स नंबर बोलते हैं, 2.718 एक नंबर होता है, कुछ भी पावर कर लो भाई, ये ई जो है यूलर्स नंबर जिसको बोलते हैं ये एक नंबर है। अब नंबर की कोई पावर आप लिखोगे तो वो भी तो एक नंबर ही आएगी, और नंबर कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी डायमेंशनलेस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डायमेंशनलेस होते हैं, और लॉगरिथमिक फंक्शन भी डायमेंशनल होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, तो आपको पता है लॉग क्या होता है भाई, अगर आप कुछ लिख रहे हो वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो लॉग भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखने का ही एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आप लॉग 100 लिखो टू द बेस 10, तो लॉग 100 टू द बेस 10 2 होता है, क्योंकि 10 की पावर 2 पावर होते हैं, लॉग मतलब पावर होती है, ये बेस होता है ये पावर होती है, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, यही लॉग को लिखने का तरीका होता है, बेस की पावर इज इक्वल टू यहाँ पे जो लॉग की वैल्यू लिखी हुई है। तो लॉग जो होता है वो एक नंबर होता है, लॉग टेबल देखो नंबर तो लिखे रहते हैं, एंटी लॉग नंबर्स डायमेंशनलेस होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये सारे डायमेंशनलेस होते हैं, और कहीं ना कहीं मैंने बोला रेशियोज, जहां पे भी रेशियोज आ जाएंगे वो रेशियोज डायमेंशनलेस होंगे, अगर वो सिमिलर क्वांटिटीज के हों, सिमिलर क्वांटिटीज के रेशियो डायमेंशनलेस होते हैं। अच्छा, सिमिलर क्वांटिटीज के रेशियो जैसे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी नहीं, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, तो रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस, जो कि नॉर्मली वाटर होता है। तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर आप करोगे तो ऊपर और नीचे डेंसिटी की जो भी डायमेंशन होगी वो कट जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस आ जाएगा। डायमेंशनलेस चीजों को लिखने का तरीका m0 l0 t0, वैसे तो सात फंडामेंटल क्वांटिटी सातों में जीरो लिखना चाहिए, बट मैकेनिक्स में हम इन तीन पे लिखने से काम चल जाता है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी को कैसे लिखोगे, m0 l0 t0, मास की पावर 0, लेंथ की पावर 0, टी की पावर 0, सारी फंडामेंटल की 0, 0 का मतलब 1 होता है, मतलब 1 मतलब इन क्वांटिटीज पे डिपेंड ही नहीं कर रही है भाई, कोई डायमेंशन आई नहीं रही उसमें, डायमेंशनलेस तभी तो डायमेंशनलेस है। तो डायमेंशनलेस को लिखने का तरीका m0 l0 t0 लिखना। रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव परमिबिलिटी, 12th की फिजिक्स में रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिबिलिटी, ये दो टर्म आते हैं और ये दोनों टर्म डायमेंशनलेस होते हैं क्योंकि नंबर्स होते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर, दोनों डायमेंशनलेस होते हैं। परमिटिविटी और परमिबिलिटी नहीं बोल रहा हूं, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिबिलिटी डायमेंशनलेस होते हैं। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अभी बताया, रिलेटिव परमिटिविटी। एंगल्स, अच्छा एंगल्स जो होते हैं चाहे वो प्लेन एंगल हो चाहे वो सॉलिड एंगल हो, एंगल्स डायमेंशनलेस होते हैं। एंगल की बढ़िया स्टोरी है, मैंने बताया था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अब बताओ एंगल आर्क अपॉन रेडियस जब आप बोलते हो, जैसे ये मैंने बोला ये एंगल है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी एक टाइप की लेंथ है, रेडियस भी एक टाइप की लेंथ है,
तो दो टाइप की लेंथ का रेशियो और दो टाइप की लेंथ का रेशियो बाय डिफॉल्ट मीटर जो भी डायमेंशन होगी वो कट जाएगी, डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो एंगल भी डायमेंशनलेस है और सॉलिड एंगल होता है डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, तो डेल्टा ए ऊपर भी एरिया मीटर स्क्वायर टाइप और नीचे भी मीटर स्क्वायर टाइप, तो ये भी डायमेंशनलेस। एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर करना चाहिए क्योंकि मीटर स्क्वायर यूनिटलेस नहीं होता। एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, 2D और 3D वर्जन उसका डायमेंशनलेस जरूर होते हैं बट यूनिटलेस नहीं होते। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की होती है स्टे रेडियन। इसका मतलब है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव यूनिट, बट अगर यूनिटलेस है, कोई यूनिट ही नहीं आ रही, नंबर लिखा हुआ है, तब तो पक्की बात है डायमेंशनलेस होगी। तो यहां पे मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, जितनी भी यूनिटलेस क्वांटिटीज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट डायमेंशनलेस होती हैं। अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है तो वो डायमेंशनलेस होगी ही होगी, बट अगर डायमेंशनलेस है जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल तो जरूरी नहीं कि वो यूनिटलेस हो। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया ना, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल की होती है रेडियन और स्टे रेडियन। डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे और मे नॉट हैव ए यूनिट। हो सकता है कि कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो और उसकी कोई यूनिट ही ना हो, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ले लें, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ले लें, तो डायमेंशनलेस भी हो यूनिटलेस भी है, ठीक, इट डिपेंड्स। अच्छा, किसी के दिमाग में आता हो कॉन्स्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं, तो ऐसा नहीं है, कॉन्स्टेंट टू कॉन्स्टेंट डिपेंड करता है, कुछ कॉन्स्टेंट में डायमेंशन होती है कुछ कॉन्स्टेंट में डायमेंशन नहीं होती है। जैसे लाइट की स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंट है, पर डायमेंशन तो है ना मीटर पर सेकेंड, एल टी माइनस वन एल अपॉन टी, तो कॉन्स्टेंट की डायमेंशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, पाई है, पाई नंबर है, वो डायमेंशनलेस है, तो कॉन्स्टेंट मे और मे नॉट हैव डायमेंशन। आगे मूव करते हैं, क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालना सीखते हैं। कुछ की तो मैंने डिस्कस की लेकिन वो तो कोई काम का नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में एक एक करके जितनी हमें क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है 11th और 12th की फिजिक्स में सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल डालते हैं A to Z। किसी को कोई डाउट हो, मैं चैट बॉक्स चेक कर रहा था, भुवनेश्वर झा और एक और कोई भी लाइन पे हैं, तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, चैटिंग बॉक्स में, मैं उसके कमेंट बॉक्स से देख आपको जरूर बता दूंगा। आगे मूव ऑन करते हैं, क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालते हैं। जितनी भी क्वांटिटीज हमको 11th और 12th की फिजिक्स में पढ़ती सारी A to Z सारी निकालूंगा, और इसके थ्रू तुम्हारा 11th और 12th की फिजिक्स एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगी, क्योंकि मैं जब जब क्वांटिटीज के बारे में बताऊंगा डायमेंशन निकालना तो थोड़ा बहुत उन क्वांटिटीज का बेसिक कम से कम फॉर्मूला तो एटलीस्ट डिस्कस कर ही लूंगा। और अगर आपको किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो आप उसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। आपकी 11th की फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट रहता है कि आपको क्वांटिटी लिखी रहती है और पूछते हैं डायमेंशन। और एक क्वांटिटी मैं अभी बता देता हूँ, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हर स्कूल एग्जाम में पता नहीं खासियत है पूछा ही पूछा जाता है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालना स्कूल एग्जाम में आता है, जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे 11th वालों के ये क्वेश्चन आने ही आना है। तो भाई क्वांटिटी देखो और उसका डायमेंशन निकालना कैसे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिया, यहां से स्टार्ट करते हैं। एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, L into L, width भी एक टाइप की लेंथ है भाई, length और into width, length L, width भी L, L into L, तो क्या बन गया एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, L square, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L square। एरिया में लेंथ की डायमेंशन कितनी है, तो एरिया में लेंथ की डायमेंशन है 2, मास की डायमेंशन कितनी है एरिया में 0, टाइम की डायमेंशन कितनी है 0, बाकी जो जो क्वांटिटीज एब्सेंट है उनकी डायमेंशन कितनी बोलोगे, बोलो 0 बोलोगे, जो जो क्वांटिटीज एब्सेंट है उनकी डायमेंशन 0 बोलोगे। आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम, क्या लिखें वॉल्यूम बताओ, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, जो भी लिखना चाहो, वो तीन डायमेंशन होती है, थ्री डायमेंशन एक्स वाई जेड, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, एल इंटू एल इंटू एल कितना हो गया एल क्यूब, तो वॉल्यूम की डायमेंशन हो गई एल क्यूब। वॉल्यूम हैज ए डायमेंशन ऑफ 3 इन लेंथ, क्या कैसे रीड करोगे, वॉल्यूम में लेंथ की डायमेंशन 3 है, कौन सा 3, -3 की +3, प्लस माइनस बताना जरूरी है, अभी तो खाली प्लस ही आ रहा है, बट ऐसी भी कई क्वांटिटीज होंगी जहां पे माइनस साइन भी आ सकता है। तो वॉल्यूम में लेंथ की डायमेंशन +3 है, मास की कितनी है 0 है, टाइम की कितनी है 0 है, जो जो नहीं आ रहे उन सब की कितनी है 0 है, वॉल्यूम में लेंथ की डायमेंशन 3 है। आगे बढ़ते हैं मास डेंसिटी, डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी, मास डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है भाई, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास को कितना m, वॉल्यूम को कितना l क्यूब, इसको ऊपर ले आओ तो कितना बन गया ml -3,
तो डायमेंशन कितनी होगी डेंसिटी की, एम एल माइनस थ्री। अच्छा अभी मैं बता था कि रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस होती है, तो देखो दोनों में डिफरेंस है, ये डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, और वो क्या था रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या थी, दो डेंसिटी का रेशियो, और दो सिमिलर टाइप की चीजों का अगर आप रेशियो निकालोगे तो डायमेंशनलेस तो हो ही जाएगा। अब इसके तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं मैग्नीफिकेशन, बट 10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा ना ऑप्टिक्स में मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैं देखूंगा भाई जितने भी लोग हैं लाइन पे उन सबके मैं देखूंगा कि कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है मैग्नीफिकेशन क्या होता है। 10th की ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा ना मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज, हाँ हाँ बताओ भाई, बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही तो होता है मैग्नीफिकेशन। क्या होता है मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो दो हाइट का रेशियो है। हाइट तुम किसी भी मेजर कर लो, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी कर लो, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब ऊपर भी हाइट यानी कि एल नीचे भी हाइट यानी कि एल रखोगे तो मैग्नीफिकेशन डायमेंशनलेस ही तो बनेगा। क्या बनेगा मैग्नीफिकेशन डायमेंशनलेस, तो मैग्नीफिकेशन डायमेंशनलेस। और बताओ रेशियो के एग्जाम्पल जहां पे दो सिमिलर टाइप की चीजों को हम डिवाइड कर रहे हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बताओ एक कोई मुझे एग्जाम्पल बताओ मैं रेशियो का। मैं ऐसे ही बात चल रही तो रेशियो के, क्योंकि डेंसिटी की बात चल रही थी मैंने बताया डेंसिटी तो एम एल माइनस थ्री है, रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस है। और मुझे बताओ रेशियो, रेशियो का मैंने बताया रिलेटिव डेंसिटी एक एग्जाम्पल, दो टाइप की डेंसिटी का रेशियो, मैग्नीफिकेशन बताया हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कोई एग्जाम्पल बताओ जहां पे हम लोग दो सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज का रेशियो निकाल रहे हो, बताओ जल्दी से। एल क्यूब, हाँ सही बात है एल क्यूब, ये तो आई थिंक क्या नाम है तुम्हारा, उज्माकी, नरुलो उज्माकी, नरुलो सही बोल रहे हो, यू आर राइट, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, वी मस्ट मूव ऑन, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट विच टाइप ऑफ रेशियोज आर डायमेंशनलेस। तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि ऐसी रेशियो जहां पे सिमिलर क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं दे आर डायमेंशनलेस। तो इसका मैंने एग्जाम्पल बताया, मैंने इसका एग्जाम्पल बताया मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिलेटिव डेंसिटी, दो टाइप की डेंसिटी के रेशियो। कैन यू नेम सम मोर एग्जाम्पल्स लाइक दिस, क्या ऐसे और एग्जाम्पल बता सकते हो जहां पे रेशियो आता हो और वो क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो जाती हो, कोई रेशियो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो वो बताओ मुझे। नजरुल शिवम, सर डाउट पूछना है ऑप्टिक्स से, शिवम ऑप्टिक्स के डाउट अभी डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस के रिलेटेड कुछ ऑप्टिक्स से कुछ है तो पूछ लो, बट जब हम लोग ऑप्टिक्स करेंगे तब तुम ऑप्टिक्स के डाउट पूछ लेना, अभी ये टाइम तो बिल्कुल सही नहीं है इसके लिए। अर्पित राय, और किसी को, और किसी को कोई याद आ रही है क्वांटिटी ऐसी, चलो आगे बढ़ते हैं, मैं बता देता हूं, मैंने देख लिया तुम लोगों के कमेंट, मैं तुम लोगों को याद दिला रहा हूं, क्या तुम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भूल गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दो टाइप की स्पीड का रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो दो टाइप की स्पीड का रेशियो, ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, ऊपर भी एलटी माइनस वन नीचे भी एलटी माइनस वन, तो क्या हो गया डायमेंशनलेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशनलेस। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे, और बताता हूं इफिशियंसी, इफिशियंसी थर्मोडायनेमिक्स में इफिशियंसी, नहीं भी तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी 10th से भी 11th में आओ तो तब भी इफिशियंसी का वर्ड कहीं ना कहीं तो इंजन की इफिशियंसी थोड़ा बहुत तो सुना होगा। क्या होती है इंजन की इफिशियंसी, जितना आपने वर्क आउटपुट किया डिवाइडेड बाय जितनी आपने हीट एनर्जी इनपुट में डाली, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट भी एक एनर्जी है जूल में और इनपुट भी एक एनर्जी है जूल में या कैलोरी में, ऊपर नीचे कैलोरी, बताओ क्या होगी इफिशियंसी, डायमेंशन क्या होगी इफिशियंसी की, इफिशियंसी भी डायमेंशनलेस होगा। तो जब सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज का रेशियो की बात करते हैं तो वो डायमेंशनलेस ही होती है, एक तरीके से प्लेन एंगल भी तो यही है, आर्क अपॉन रेडियस रेशियो तो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये भी तो रेशियो है, ये सब भी तो डायमेंशनलेस है। ठीक आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी क्या होती है बताओ, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई चीज बार बार मोशन कर रही है, मान लो सर्कुलर मोशन ही कर रही है, बार बार कर रही है, तो एक साइकिल का जो टाइम है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, एक रिवोल्यूशन एक साइकिल, और इस टाइप के एक सेकंड में जितने रिवोल्यूशन हो जाए, एक सेकंड में जितने रिवोल्यूशन हो जाए उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं, एक सेकंड में जितने रिवोल्यूशन हो जाए उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं, फ्रिक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज
नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस और साइकिल्स पर सेकेंड। तो साइकिल्स पर सेकेंड या रिवोल्यूशन पर सेकेंड में ऊपर तो आ रहा है नंबर, नंबर जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है वो 10 रिवोल्यूशन कर लेता है एक सेकेंड में, तो 10 तो एक नंबर है। पर सेकेंड नीचे आएगा टाइम, तो नंबर अपॉन टाइम, नंबर तो डायमेंशनलेस होते हैं, तो नीचे आया टाइम, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या बन गई, 1 अपॉन टाइम, टाइम को ऊपर ले आओ तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1। वैसे एक और तरीके से निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होती है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी, और टाइम पीरियड हम हमेशा टी में करते हैं, तो ये आपका बन जाता है t-1। और टाइम पीरियड का इनवर्स क्यों होती है, बाय टी सेकेंड्स में, टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें एक रिवोल्यूशन होता है, तो एक रिवोल्यूशन टी सेकंड, तो टी सेकंड्स में एक रिवोल्यूशन, तो एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन, 1/t, और एक सेकंड में होने वाले रिवोल्यूशन को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बन गया 1/t या t-1 टाइम के टर्म्स में। फ्रीक्वेंसी में मास की डायमेंशन बताओ कितनी, 0, लेंथ की डायमेंशन कितनी, 0, टाइम की डायमेंशन कितनी, -1। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी या स्पीड। वैसे तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज नहीं होते, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज नहीं होती, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो किसी हालत में एक ही चीज नहीं होते, बट स्पीड और वेलोसिटी में डायमेंशन सेम होती है। इसका मतलब है दो डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज, दो डिफरेंट नेचर वाली क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती है, और क्यों होगी यहां पे, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम में भी डिस्टेंस अपॉन टाइम एल अपॉन टी लिखोगे, डिस्टेंस भी तो मीटर में ही मेजर करोगे, और डिस्प्लेसमेंट भी तो मीटर में ही होगा एल अपॉन टी, उसको भी तो एल ही लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट कौन सा तुम कुछ और उसमें लिखोगे, वो भी एक टाइप की लेंथ ही है डिस्प्लेसमेंट, एल अपॉन टी है कि नहीं, तो ये भी एल अपॉन टी, ये भी एल अपॉन टी, तो स्पीड बन गया एल टी माइनस वन, वेलोसिटी बन गया एल टी माइनस वन, स्पीड भी एल टी माइनस वन की डायमेंशन है, वेलोसिटी भी एल टी माइनस वन की डायमेंशन है। अब मैं यहां पे तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, आई थिंक हैं 20 लोग तो हैं करीब ऑनलाइन, तो जितने भी लोग ऑनलाइन हैं मुझे एक चीज बताओ, मुझे ये चीज बताओ कि अगर दो क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है तो क्या ये दो क्वांटिटीज को सिमिलर होना जरूरी है, मतलब इफ टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन देन दीज क्वांटिटीज मस्ट ऑल्सो बी सेम, दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, आपको क्या बताना है, ट्रू या फॉल्स बताओ। अच्छा, उल्टा भी इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, इफ टू क्वांटिटीज हैव सिमिलर डायमेंशन की बजाय अगर मैं बोलूं इफ टू क्वांटिटीज आर सिमिलर इन नेचर देन दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन। तो देखो, अगर दो क्वांटिटीज सिमिलर नेचर की है, मतलब दो फोर्स हैं, एक है फ्रिक्शन फोर्स एक टेंशन, या दो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो है तो वो दोनों एनर्जी, और डायमेंशन क्वांटिटी का नेचर बताते हैं, तो सिमिलर नेचर वाली जो क्वांटिटीज होंगी उनकी डायमेंशन भी सेम होगी, सिमिलर क्वांटिटीज सिमिलर नेचर वाली जो क्वांटिटीज होंगी पक्की बात है उनकी डायमेंशन सेम होगी। लेकिन अगर दो क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है, जैसे स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम है, बट स्टिल इन क्वांटिटीज का नेचर सेम नहीं है, स्पीड और वेलोसिटी किसी भी हालत में सिमिलर नहीं है, तो क्या इसका कंक्लूजन निकला, इफ टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन देन देयर नेचर मस्ट बी सेम, नॉट नेसेसरी, नेचर का सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दो क्वांटिटीज का नेचर सेम है, फंडामेंटल नेचर सेम है, जैसे मान लीजिए दो टाइप की एनर्जी है काइनेटिक पोटेंशियल, या दो फोर्सेस है, कोई भी दो रैंडम से फोर्सेस ले लें, तो पक्की बात है उनकी डायमेंशन सेम होगी। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आई थिंक और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं अगली क्वांटिटी पे, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी ही होगी भाई, अभी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, अब 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो चेंज कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड हुआ उसी डायरेक्शन में, तो चेंज भी तो उसी टाइप का नेचर का होगा, चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी यानी कि एल टी माइनस वन अपॉन चेंज इन टाइम मतलब टाइम, तो एल टी माइनस वन अपॉन टी, टी ऊपर चला जाएगा तो एल टी माइनस टू, तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन हो गई एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, वेलोसिटी कितनी थी एल टी माइनस वन, एक्सीलरेशन कितना एल टी माइनस टू। आगे बढ़ते हैं, फोर्स।
फोर्स को निकालने का कई तरीके हैं। फोर्स को निकालने का एक तरीका हो सकता है हम लोग न्यूटन्स लॉ लगाएं, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। हम लोग एफ इज इक्वल टू एम ए लगा लें, न्यूटन सेकेंड लॉ का सिंप्लीफाइड फॉर्म। एफ इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे तो आसान है बहुत, एफ इज इक्वल टू एम ए में एम हो गया मास और एक्सलेशन एल टी माइनस टू, तो ये बन गया एम एल टी माइनस टू। तो ये हमारा फोर्स का डायमेंशन आ गया, फोर्स की डायमेंशन नल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, मास एम। तो बताओ फोर्स क्या करोगे, फोर्स बोलोगे मास की डायमेंशन वन है, लेंथ की डायमेंशन वन है, टाइम की डायमेंशन माइनस टू है। मास की डायमेंशन प्लस वन, लेंथ की डायमेंशन प्लस वन, टाइम की डायमेंशन माइनस टू। ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। और जो जो क्वांटिटीज वट एवर भाई साथ होती है फंडामेंटल, डेराइव को फंडामेंटल के टर्म में लिखना होता है, तो आपने तीन के टर्म में तो लिखा, तो बाकी जो चार नहीं आ रहे हैं उनकी डायमेंशन जीरो है, उनकी डायमेंशन जीरो है। फोर्स में वो क्वांटिटीज एब्सेंट है और वो उनकी डायमेंशन जीरो लिखी जाएगी, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट बता रहा हूँ। इम्पल्स क्या होता है इम्पल्स? वैसे इम्पल्स से पहले मोमेंटम हम लोगों को डिस्कस कर लेना चाहिए था। मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी अगर लीनियर है, और एंग्लो मोमेंटम एल इज इक्वल टू एम वी आर, दोनों कर लेते हैं। मोमेंटम अगर लीनियर है तो पी इज इक्वल टू एम वी, और एम लिखा एम, और वेलोसिटी लिखी एल टी माइनस वन, तो लीनियर मोमेंटम हो गया एम एल टी माइनस वन। पी इज इक्वल टू एम वी, एम वी एल टी माइनस वन, तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन क्या बनी एम एल टी माइनस वन। एंग्लो मोमेंटम पे आते हैं, एंग्लो मोमेंटम को सिंबल दे देते हैं एल, तो एंग्लो मोमेंटम एम वी आर, एम वी आर, तो एम वी जो था उसी में आर मतलब रेडियस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी लेंथ होती है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, तो ये बन जाएगा एम एल टू टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो एंगुलर मोमेंटम में मास की डायमेंशन वन, लेंथ की डायमेंशन प्लस टू, टाइम की डायमेंशन माइनस वन, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन। अब एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम मैंने क्यों इंपल्स से पहले निकलवाया, क्योंकि इंपल्स कहते किसको है, मैंने बोला था कि डायमेंशन निकालते वक्त हम लोग क्वांटिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्वांटिटीज का नेचर भी डिस्कस करेंगे, करते हैं। इम्पल्स क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूं और बॉल आई और मैंने बैट से हिट कर दी, बैट ने बॉल पे इम्पल्सिव फोर्स लगाया, बैट ने बॉल पे क्या लगाया इम्पल्सिव फोर्स, और जब बैट ने बॉल पे इम्पल्सिव फोर्स लगाया तो बैट ने बॉल पे उस इम्पल्सिव फोर्स से जितनी देर तक बॉल बैट के साथ टच में रही उतनी देर में बैट ने बॉल पे मोमेंटम का चेंज लाया, उसके मोमेंटम को चेंज किया, उसकी मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी में चेंज लाया, वो बॉल इधर आ रही थी वो उसके अपोजिट चले, लेकिन मोमेंटम तो चेंज हो ही गया है। तो जो मोमेंटम में चेंज होता है इंपल्सिव फोर्स की वजह से उसको बोलते हैं इंपल्स, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम दो टाइप का होता है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, तो इंपल्स भी दो टाइप का होता है, एक होता है लीनियर इंपल्स और एक होता है एंगुलर इंपल्स। लीनियर इंपल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। लीनियर इंपल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो भाई चेंज की डायमेंशन तो वही होती है जो क्वांटिटी की होती है, तो लीनियर इंपल्स अगर चेंज इन लीनियर मोमेंटम है तो उसकी डायमेंशन वही होगी जो लीनियर मोमेंटम की है, एम इन टू वी एम एल टी माइनस वन। तो लीनियर इंपल्स होगा तो एम एल टी माइनस वन लिखना, तो इंपल्स भी हमारा हो गया लीनियर है तो एम एल टी माइनस वन लिखना। बट अगर एंगुलर इंपल्स है तो उसका मतलब होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम एम एल टू टी माइनस वन होता है, तो एंगुलर इंपल्स होगा तो एम एल टू टी माइनस वन लिखना। ठीक, इंपल्स खत्म, आगे बढ़ते हैं वर्क। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क को हम लोग वैसे तो जब 11th में वर्क पावर एनर्जी में करते हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी इंटीग्रल एफ डी आर, बट अभी तो हम लोग बिगिनिंग कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एफ डॉट डी और इंटीग्रल एफ डी आर इतने खतरनाक से टर्म लेने की जरूरत नहीं है अभी हमें। यहाँ पे वर्क को ऐसे समझ लो किसी बॉडी में हमने फोर्स लगाया तो उसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स। तो फोर्स एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलॉन्ग फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट ही मीटर में ही, एल लेंथ ही है ना वो एल, तो एम एल टी माइनस टू में अगर एल मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। तो वर्क की डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू।
वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ML2T-2। एनर्जी, अब देखिए इन्होंने वर्क और एनर्जी एक साथ लिखे हैं और रीजन है, वर्क और एनर्जी को लिखने का एक साथ रीजन है, और एनर्जी ये भी नहीं स्पेसिफाई की कौन सी, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, लाइट, क्योंकि दुनिया की हर एनर्जी की डायमेंशन सेम है, फॉर दैट मैटर वर्क की भी डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन के सेम है, और वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होने की एक वजह है क्योंकि वर्क जब हम किसी बॉडी पे करते हैं तो वो उसकी एनर्जी में चेंज लाता है, वर्क इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लास 11th की फिजिक्स की, वर्क पावर एनर्जी के जब हम चैप्टर में जाएंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, किसी बॉडी पे वर्क करके हम क्या करते हैं, जब हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो वो उसकी एनर्जी में चेंज लाता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क एक तरीके से एनर्जी का ही नेचर की क्वांटिटी है, इसलिए दोनों की डायमेंशन सेम होती है, वर्क की भी ML2T-2 है, और एनर्जी चाहे वो लाइट एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, सारी, चाहे चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, सारी की सारी एनर्जी ML2T-2 होती है। तो आप बोलोगे नहीं हमें तो कुछ डिराइव करके दिखाओ, तो मैं एनर्जी की डायमेंशन डिराइव करके दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं और बस थोड़ा आपको एनर्जी की डायमेंशन डिराइव करके दिखाता हूँ, कोई डाउट तो नहीं किसी को, नहीं है, बड़े साइलेंट हो भाई सब लोग, कुछ बता नहीं रहे हो, कुछ पूछ नहीं रहे हो, अर्पित, शिवम, चलो एनीवे मैं आगे बढ़ता हूँ। एनर्जी की डायमेंशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ½mv² हाफ एक नंबर है, डायमेंशनलेस, m को लिखा मैंने m, v स्क्वायर VLT-1 LT-1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा ML2T-2 ML2T-2। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन वही आ रही है ML2T-2 जो अभी मैं वर्क की बता रहा था, बट एक और चेक कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला MGH, तो सबको पता है वो यूज कर रहे हैं, वैसे ये फॉर्मूला भी कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, बट स्टिल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी MGH, m मास, g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू वट एवर, एक्सलेशन तो एक्सलेशन है LT-2, HL, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ML2T-2। तो काइनेटिक एनर्जी भी ML2T-2, पोटेंशियल एनर्जी भी ML2T-2, और एनर्जी नहीं निकालो, मैंने बोला ना हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सबकी डायमेंशन ML2T-2 ही होगी, और वर्क ये तो निकाल ही दी थी भैया मैंने, वर्क की डायमेंशन ML2T-2। तो हमारे पास वर्क और एनर्जी सबकी डायमेंशन आ गई, एनर्जी हमेशा याद रखना, फोर्स हमेशा याद रखना, फोर्स ML2T-2 और एनर्जी याद रखना ML2T-2। आगे बढ़ते हैं, पावर, पावर क्या होती है पहले तो ये बताओ, पावर क्या होती है, किसी का कोई कमेंट, पावर चलिए किसी का कोई कमेंट, पावर के बारे में बताओ भाई कोई कमेंट करके, अर्पित, नरूलो, हाँ निस्वर, निस्या टेक्नो, हाय ब्रो भाई क्लास चल रही है, मैं पूछ रहा हूं पावर क्या होता है, पावर की डिफिनीशन क्या होती है, पावर को डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ डू वी डिफाइन पावर, तो देखिए ऐसा है, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पावर की प्रॉपर डिफिनेशन क्या है, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वर्कडन पर यूनिट टाइम, वर्क आपने निकाला, डायमेंशन में हमें मालूम है ML2T-2, यूनिट उसकी जूल होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल, जूल पर सेकंड, वॉट में निकलता है पावर, डायमेंशन क्या बनी, तो पावर की डायमेंशन ML2T-2, ये तो वर्क डन हो गया, पर यूनिट टाइम यानी कि टी, टी ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा ML2T-3, ये है पावर की डायमेंशन, पावर की डायमेंशन होती है ML2T-3,
वर्क की डायमेंशन या एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू। पावर की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टू टी माइनस थ्री। नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं अगले में। मोमेंटम मैंने बता ही दिया था, लीनियर मोमेंटम भी और एंगुलर मोमेंटम भी, इंपल्स जब करा रहा था अभी। प्रेशर पे आते हैं, प्रेशर और स्ट्रेस। प्रेशर और स्ट्रेस को एक साथ लिखने की एक वजह है, देर इज ए रीजन वाई वी आर राइटिंग प्रेशर एंड स्ट्रेस टुगेदर, बट स्टिल वी विल डिस्कस देम सेपरेटली। पहले हम उनको सेपरेटली ही डिस्कस करेंगे। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर सबको पता होगा, बोलो ब्रो। निस्वार, पावर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। यस यू आर राइट, वेरी गुड। सो टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट प्रेशर, हाउ डू वी डिफाइन प्रेशर। प्रेशर भी बहुत सिंपल सी क्वांटिटीज है, पता होगा। टेल मी ब्रो, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर, प्रेशर किसी बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं नॉर्मली दबाने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, प्रेशर एक कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया बताने वाली क्वांटिटी होती है। प्रेशर इज डिफाइंड एज कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। चारों तरफ से किसी चीज को दबाएं, कंप्रेस करें, तो जब हम किसी चीज को चारों तरफ से दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो इट मींस कि हम उसमें प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। कंप्रेसिव हो चाहे टेंसाइल, दबाने को कंप्रेसिव बोलते हैं, खींचने को टेंसाइल बोलते हैं। कंप्रेसिव फोर्स, फोर्स तो हो गया एम एल टी माइनस टू, पर यूनिट यानी कि एल स्क्वायर। तो जब हम प्रेशर निकालेंगे तो हम कर क्या रहे हैं, एम एल टी माइनस टू में एल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। ये एल स्क्वायर इस एल की पावर वन से कट जाएगा, एक पावर निगेटिव ऊपर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। प्रेशर की डायमेंशन होती है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब इन्होंने साथ में स्ट्रेस भी लिखा, तो उसकी वजह बताते हैं। 11th की फिजिक्स में जब हम मूव करेंगे, जब हम लोग 11th की फिजिक्स से मूव करेंगे मैकेनिक्स के बाद, रोटेशन मोशन पढ़ने के बाद, ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के दो चैप्टर हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे एक क्वांटिटी पढ़ते हैं स्ट्रेस। तो हो सकता है कि कई आप में से लोग हों जिन्होंने स्ट्रेस पढ़ रखा हो, जिसने लोगों ने 11th कर रखा होगा, ड्रॉपर होंगे उन लोगों को पता होगा, 12th के होंगे उनको पता होगा, बट जो लोग अभी 10th से 11th में आए होंगे मे बी दे वुड हैव नॉट हैव हर्ड ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ बैकग्राउंड बता देता हूँ। स्ट्रेस क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि फोर्स लगते ही बॉडी में सिर्फ जो है सीधे एक्सलेशन। कई बार किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स उसको डिफॉर्म करता है, उसके शेप एंड साइज को चेंज करता है, और स्ट्रेस की बात वहीं पे आती है जब हम किसी बॉडी के डिफॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं। जब हम किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं डिफॉर्म करने के लिए, तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो बॉडी पे हम लगा रहे होते हैं उसको डिफॉर्म करने के लिए, वो स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस और प्रेशर, प्रेशर भी एक टाइप का स्ट्रेस ही है। यह अलग बात है कि जब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड में जाऊंगा तो मैं बताऊंगा किसी बॉडी पे इस तरीके से डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे खींचने के लिए लगाऊं या दबाने के लिए लगाऊं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। किसी चीज को ऐसे ऐसे पैरेलल टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है उसको बोलते हैं सियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। किसी चीज को पकड़ के चारों तरफ से दबा दूं, कोई मेरे पास बलून है उसको चारों तरफ से पकड़ के दबा दूं या खींच दूं जहां पे फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस। और प्रेशर एक टाइप का वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेस है, इसीलिए प्रेशर और स्ट्रेस को साथ में रखा था, क्योंकि प्रेशर और स्ट्रेस की डायमेंशन एक ही जैसी है, और प्रेशर भी एक टाइप का स्ट्रेस ही है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, बल्क स्ट्रेस बोलते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर लगा के हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। तो स्ट्रेस भी मैंने बोला ना डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वही चीज करोगे, फोर्स एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, प्रेशर भी यही आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, स्ट्रेस भी यही आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। प्रेशर भी एम एल माइनस वन टी माइनस टू है और स्ट्रेस भी एम एल माइनस वन टी माइनस टू है। यस निसर टेक्नो, यस पर यूनिट एरिया, हाँ सही बोल रहे हो, यू आर राइट। इट सीम्स यू आर नॉलेजेबल पर्सन, यू नो समथिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, तो हम लोग बात कर रहे थे किसी बॉडी के किसी ऑब्जेक्ट के डिफॉर्मेशन की। हम किसी बॉडी को किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर रहे हैं। अब मान लो मेरे पास ये बॉडी है और इसको हम डिफॉर्म करने के लिए फोर्स लगाएं,
तो डिफॉर्मेशन कैसे देखेंगे? भाई मेरे पास एक रॉड टाइप का लीनियर ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ लेंथ है, तो जब हम इसको खींचेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसको दबाएंगे तो इसकी लेंथ घट जाएगी, तो जो इसकी चेंज इन लेंथ हुई वो डिफॉर्मेशन बताने का, डिफॉर्मेशन की एक्सटेंट बताने का एक तरीका है कि कितनी लेंथ में चेंज हुई। बट इसकी चेंज इन लेंथ को देखें इसकी ओरिजिनल लेंथ के रेस्पेक्ट में, कि भाई ये जो ओरिजिनल लेंथ थी उसके रेस्पेक्ट में कितनी लेंथ चेंज हो गई, या यूनिट लेंथ पे कितनी लेंथ चेंज हो गई। तो यूनिट लेंथ पे जितना चेंज इन लेंथ आता है डेल्टा एल अपॉन एल, वो स्ट्रेन है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस टाइप से एक और होता है डेल्टा वी अपॉन वी, देखें वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इस तरह से एंगल के रेस्पेक्ट में एक होता है जिसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। तो तीन टाइप के स्ट्रेस और तीन टाइप के स्ट्रेन होते हैं, बट हर स्ट्रेस और हर स्ट्रेन की आपस में डायमेंशन सेम है, तीनों स्ट्रेस एक जैसे, तीनों स्ट्रेन एक जैसे। और स्ट्रेन जब भी देखा जाएगा तो देखा जाता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन जब भी देखा जाएगा तो देखा जाएगा चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन तो रेशियो हो गया, जो भी डायमेंशन है लेंथ है एरिया है वॉल्यूम है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ करो या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम करो, डायमेंशनलेस आना। तो स्ट्रेन डायमेंशनलेस होती है, स्ट्रेन डायमेंशनलेस होती है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, स्ट्रेन डायमेंशनलेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की एक और क्वांटिटी डिस्कस करेंगे। ये सारी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है इसलिए आपको पता होना चाहिए। यंग्स मॉडुलस सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम लोगों ने यहाँ पे करने जा रहे हैं उसी का ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस तीन टाइप के, स्ट्रेन तीन टाइप के, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन टाइप के होते हैं, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस। और इन तीनों की खासियत ये, तीनों की इनफैक्ट कॉमन फीचर यही है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे इस बॉडी पे मैंने लगाया नॉर्मल स्ट्रेस और इस पे आया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस कहलाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कहलाएगा? यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस, सियर मॉडुलस इसी तरह से, बल्क मॉडुलस इसी तरह से, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। स्ट्रेस की डायमेंशन बताई थी भी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, स्ट्रेस प्रेशर एम एल माइनस वन टी माइनस टू। स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, स्ट्रेन डायमेंशनलेस। तो जब आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालोगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके, तो ऊपर तो स्ट्रेस आ रहा है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, नीचे स्ट्रेन आ रहा है जो कि डायमेंशनलेस होता है, तो यानी कि स्ट्रेस की डायमेंशन बन जाएगी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हो जाएगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन इंक्लूडिंग यंग्स मॉडुलस, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉडुलस बी। अगर कहीं आपको बल्क मॉडुलस की डायमेंशन पूछ ले तो आप समझना कि आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एम एल माइनस वन टी माइनस टू। नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं सरफेस टेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो 11 की फिजिक्स का एक सेक्शन है, सब सेक्शन है, उसमें दो चैप्टर आते हैं, एक आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और दूसरा आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सॉलिड वाले चैप्टर में स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अब हम लोग फ्लूइड्स वाले में आगे पढ़ते हैं। फ्लूइड, फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो लिक्विड्स एंड गैसेस, वो भी पर्टिकुलरली लिक्विड्स की बात करते हैं उस चैप्टर में। तो लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी आती है सरफेस टेंशन। क्या होता है सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से लिक्विड अपनी फ्री सरफेस को खींचने की कोशिश करता है। लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है अपनी सरफेस को खींचे, सरफेस टेंशन पुल करे। इसी वजह से कोई भी लिक्विड की छोटी सी ड्रॉप बनाओ, ड्रॉपलेट बनाओ, तो लिक्विड की ड्रॉपलेट हमेशा स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेती है। लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑलवेज एक्वायर स्फेरिकल शेप, क्योंकि स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे कम होता है, पुल करके खींच के सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो लिक्विड की इस टेंडेंसी को, अपने को खींचने की टेंडेंसी को सरफेस टेंशन कहते हैं और ये डिफाइन की जाती है मैथमेटिकली। अगर हम लिक्विड की फ्री सरफेस पे एक हाइपोथेटिकल लाइन खींचे, मान लीजिए लिक्विड की फ्री सरफेस पे एक हाइपोथेटिकल लाइन खींची, तो इस पे जितना पुलिंग फोर्स लग रहा है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, जो लाइन की हमने लेंथ ली है,
फोर्स अपॉन लेंथ, तो सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स अपॉन लेंथ जब आप करोगे तो फोर्स एमएलटी माइनस टू और लेंथ एमएलटी माइनस टू अपॉन एल, तो एमएलटी माइनस टू अपॉन एल करोगे तो एल से एल कट जाएगा, तो एमटी माइनस टू, लेंथ की डायमेंशन जीरो, सरफेस टेंशन में मास की डायमेंशन प्लस वन है, लेंथ की जीरो है, टाइम की माइनस टू है, तो सरफेस टेंशन हमें निकालना आ गया फोर्स अपॉन लेंथ। वैसे सरफेस टेंशन एक और निकाल तरीके से निकाल सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया होता है, उससे भी यही आएगा, वर्क डन एमएल टू टी माइनस टू अपॉन चेंज इन एरिया एल स्क्वायर, तो एमएल टू टी माइनस टू में अगर एल स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो एम टी माइनस टू, तो सरफेस टेंशन चाहे आप फोर्स अपॉन लेंथ से निकालो चाहे वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया से निकालो, आना एम टी माइनस टू ही है। आगे बढ़ जाते हैं, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी एनर्जी पर यूनिट एरिया को बोलते हैं, एमएल टू टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर करेंगे तो एम टी माइनस टू। वैसे ही सरफेस टेंशन सिमिलर है। अब आते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहाँ जरूरत पड़ती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है जब हम लिक्विड की एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है जब लिक्विड की दो लेयर्स, लिक्विड की दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये लिक्विड की अपर लेयर है, ये लिक्विड की लोअर लेयर है, और लिक्विड की लेयर में रिलेटिव मोशन कहाँ हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक रिवर, एक छोटी सी लेक है, लेक की अपर जो लेयर है वो ऐसे विंड के साथ बहने लगी, बट लोअर लेयर ग्राउंड के साथ रेस्ट में है, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है। अब इसका मतलब है कि इनके बीच में एक वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया है। हमेशा याद रखना ग्रेडियंट वर्ड जहां पे भी यूज करें आपको नीचे डेल्टा एक्स, डिस्टेंस वाला डेल्टा एक्स, एक्स डिस्टेंस डेल्टा एक्स लाना है। इन दो लेयर के बीच में मान लो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, और इन दोनों के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जहां पे भी वर्ड आए आपको नीचे डेल्टा एक्स लाना है, प्रेशर ग्रेडियंट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, एनर्जी ग्रेडियंट डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस निकालना, ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस निकालना। तो अगर आपसे पूछा गया वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वी हो गया एल टी माइनस वन, डेल्टा एक्स हो गया एल, एल से एल कट गया तो ये बन गया टी माइनस वन, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है टी माइनस वन की डायमेंशन का, वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन क्या बनी टी माइनस वन। आगे बढ़ते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, मैं बोल ही रहा था कि ग्रेडियंट जहां पे भी आए आपको नीचे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है, तो जैसे प्रेशर ग्रेडियंट तो क्या बनेगा बताओ, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, हाँ स्ट्रेचिंग रबर बैंड स्ट्रेन, हाँ सही बता रहे थे। वैसे रबर आपको बता दूं कम इलास्टिक होती है, आप जो एग्जाम्पल बता रहे हो निस्वर तो निसायर, तो रबर बैंड, हाँ प्रणाम सर, अभिषेक शर्मा प्रणाम सर, प्रणाम भैया प्रणाम, रबर कम इलास्टिक होती है स्टील ज्यादा इलास्टिक होती है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के अगर एग्जाम्पल देने भी हो तो देने को तो कोई भी दे सकते हो, बट एक चीज याद रखना रबर कम इलास्टिक होती है स्टील ज्यादा इलास्टिक होती है, जितनी भी फ्लेक्सिबल चीज होगी वो कम इलास्टिक होती है और जितनी भी रिजिड चीजें होती हैं वो ज्यादा इलास्टिक होती हैं। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट प्रेशर ग्रेडियंट, और अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैं ग्रेडियंट के बारे में बोल रहा था, ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस निकालना। तो बताओ मैंने क्या बताया, वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना हो तो क्या करो, वेलोसिटी का ग्रेडियंट, वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो आप करोगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। प्रेशर का ग्रेडियंट निकालना हो तो क्या करोगे, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा पी प्रेशर चेंज इन प्रेशर, प्रेशर प्रेशर की डायमेंशन अभी बताई थी एमएल माइनस वन टी माइनस टू, नीचे डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन डिस्टेंस यानी कि एल, तो एमएल माइनस वन टी माइनस टू में अगर एल से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा एमएल माइनस टू टी माइनस टू, प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन एमएल माइनस टू टी माइनस टू, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स लिख देता हूं, प्रेशर ग्रेडियंट कैसे निकाला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स से निकाला। आगे बढ़ते हैं प्रेशर एनर्जी, ये तो फर्जी लिखा है, प्रेशर एनर्जी हो चाहे कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी तो एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन एमएल टू टी माइनस टू ही होगी। आगे बढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगर आप क्लास 10 से क्लास 11 जा रहे हो और आप क्लास 11th में आपका जब भी स्कूल खुलेगा, अभी तो कोरोना की वजह से बंद है, जब भी स्कूल खुलेगा तो आपका जो भी पहला टर्म टेस्ट होगा, क्योंकि पहला टर्म टेस्ट में यही चैप्टर रहते हैं फिजिकल वर्ल्ड,
और यूनिट डायमेंशन एंड एरेलिसिस और मोशन स्ट्रेट लाइन। तो एक क्वांटिटी लिख के लिख लो, एक क्वेश्चन आपके पेपर का लीक कर दे रहा हूँ, स्कूल एग्जाम से पूछा ही आता है, और वो है डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आई डोंट नो फॉर व्हाट एवर रीजन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन स्कूल एग्जाम से पूछी ही जाती है। क्यों पूछी जाती है, यही सी क्वेश्चन के पीछे क्यों पड़े रहते हैं मुझे नहीं पता, बट आप लोग भी जितने लोगों ने स्कूल जो है 11th में जो है अपने अगर एग्जाम्स याद करो जिनका हो चुका है 11th, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन कहीं ना कहीं जरूर पूछी गई होगी। तो वो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है। आपको मालूम है जैसे लिक्विड को अगर हम चला के छोड़ दें, मान लीजिए मैं एक बॉटल से वाटर को निकालूँ छोड़ दूँ, तो थोड़ी देर बाद वो चलते चलते रुक जाएगा, क्योंकि लिक्विड की लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही हैं। जैसे मोशन को अपोज करने की फ्रिक्शन की टेंडेंसी होती है सॉलिड सर्फेसेज में, कुछ कुछ पूरा नहीं, लिक्विड की सर्फेसेज में भी फ्रिक्शन टाइप का, नॉट एग्जैक्टली फ्रिक्शन, एक प्रॉपर्टी होती है जो लिक्विड की रिलेटिव मोशन को रोकती है, अपोज करती है। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। आई एम रिपीटिंग अगेन, प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, एनी लिक्विड, टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। लिक्विड की डिफरेंट लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज करने की टेंडेंसी को विस्कोसिटी कहते हैं। अब जैसे बताओ वाटर और हनी में कौन ज्यादा विस्कस हुआ, जितने भी ऑनलाइन है लोग, वाटर और हनी में कौन ज्यादा विस्कस हुआ, किसके लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, भाई टाइप करके बता दो, वाटर और हनी में किसके अपोज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अभिषेक, निसायर, अर्पित, शिवम, आई एम वेटिंग, वाटर और हनी, विच इज मोर विस्कस, टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। ओके, ऑब्वियसली हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। तो किसी लिक्विड की विस्कोसिटी को बताने के लिए हम लोग एक कोफिशिएंट यूज करते हैं, एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को निकालने के कई तरीके हैं। आपको मैं दो तरीके से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालना बताऊंगा। पहला तरीका, मान लीजिए लिक्विड की दो लेयर्स हैं, ये वाली लेयर जा रही है V से, ये वाली लेयर जा रही है V प्लस डेल्टा V से, दोनों लेयर के बीच में कुछ सेपरेशन है डेल्टा X का, तो ऑब्वियसली रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये फास्टर चल रही है, स्लोअर चल रही है, तो जो स्लो वाली लेयर है वो फास्ट वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी एक फोर्स से, जिसको हम विस्कस फोर्स बोल सकते हैं। तो वो विस्कस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होती है एफ इज इक्वल टू ईटा ए। ए क्या है? इन लेयर्स का एरिया, ये वाला एरिया, ये लेयर्स के बीच का, लेयर्स का सरफेस एरिया बोल सकते हो ए, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वेलोसिटी ग्रेडियंट है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, में ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। भाई लिक्विड की लेयर के बीच में विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। ए एरिया हो गया, ये वाला एरिया जितना ज्यादा होगी, एरिया जितना बड़ा होगा सरफेस का, उसलिए फोर्स ज्यादा होगा। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स में डेल्टा वी वेलोसिटी हो गई, और डेल्टा एक्स दोनों वेलोसिटी में डिफरेंस हो गया, और डेल्टा एक्स जिन दो लेयर की हम बात कर रहे हैं विस्कस फोर्स निकालने की, तो उन दोनों लेयर्स के बीच का सेपरेशन हो गया। आता है डायमेंशन निकालने में, फोर्स एम एल टी माइनस टू, एटा मुझे निकालना है, ए एरिया एल ए स्क्वायर, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, डेल्टा एक्स एल, एल से एल कट गया, अब ये एल स्क्वायर यहां पे आएगा तो एम एल माइनस वन, टी माइनस वन से ये कट जाएगा, तो एटा की डायमेंशन बची एम, एल की पावर वन से एल की पावर टू, वन अपॉन वन माइनस टू माइनस वन, माइनस टू से एक माइनस वन चला गया तो एक माइनस वन, तो ये बन गई हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। रट लो, याद कर लो,
कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। मैंने बोला था दो तरीके से बताऊंगा, दूसरा तरीका भी बताता हूं। जब आप विस्कोसिटी पढ़ोगे मैकेनिकल फ्लूइड में, तो एक चीज पढ़ोगे, जब एक सॉलिड बॉल को, हाई डेंसिटी की सॉलिड बॉल को लिक्विड में रिलीज कर दें, एक हाई डेंसिटी सॉलिड बॉल को, जैसे पेंडुलम का बॉब होता है छोटा लेकिन हाई डेंसिटी, उसको मैंने लिक्विड में रिलीज कर दिया और ये चलता जा रहा है लिक्विड में v वेलोसिटी से, स्फेरिकल बॉल है r रेडियस की, तो इस पे जो लिक्विड की लेयर्स विस्कस ड्रैग लगाती हैं, विस्कस फोर्स लगाती हैं, ड्रैग मतलब फोर्स, तो उस विस्कस ड्रैग के लिए एक फॉर्मूला होता है 6 पाई एटा आर वी, इसको स्टोक्स लॉ बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे नेवियर स्टोक, सर नेवियर स्टोक, इज्जत देनी चाहिए, महान साइंटिस्ट थे। हाँ सही बात। तो इस बॉल पे विस्कस फोर्स लग रहा है 6 पाई एटा आर वी। अच्छा ये मैं फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं कि कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर आप वो वाला फॉर्मूला भूल जाओ, एफ इज इक्वल टू एटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स वाला, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, ये तो आसान है। एफ इज इक्वल टू 6 पाई एटा आर वी, एफ इज इक्वल टू 6 पाई एटा आर वी फोर्स एम एल टी माइनस टू। सिक्स डायमेंशनलेस नंबर है, पाई डायमेंशनलेस नंबर है, ईटा निकालना है, आर रेडियस एल, वेलोसिटी एल टी माइनस वन। अब देखो एम बचा, एक एल से एल एल कट गया, टी माइनस टू से एक माइनस वन कट जाएगा, फिर वही आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और मैंने दो तरीके से निकालना बताया। एक तरीका मैंने बताया आप एफ इज इक्वल टू ईटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स लिक्विड लेयर के बीच में फोर्स से कर लो, पहले लिक्विड लेयर्स, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका मैंने बताया आप स्टोक्स लॉ लगा लो, एफ इज इक्वल टू 6 पाई एटा आर वी। फ्रॉम बोथ मेथड्स यू विल गेट द सेम डायमेंशन, ऑब्वियसली क्वांटिटी वही है तो डायमेंशन सेम आएगी, डायमेंशन क्वांटिटी का नेचर बताती है, भाई नेचर वही है, क्वांटिटी वही है तो डायमेंशन सेम आना ही है, और कितनी आएगी एम एल माइनस वन टी माइनस वन। आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हो गया। आगे बढ़ते हैं एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं रिपीट कर चुका हूं, मतलब इन्फेक्ट कर चुका हूं, एंगल कई बार बता चुका हूं, बट इसलिए बता रहा हूं, एंगल चाहे प्लेन एंगल हो टू डायमेंशनल, सॉलिड एंगल हो थ्री डायमेंशनल, दोनों डायमेंशनलेस होते हैं। एंगल आर का अपॉन रेडियस, आर की भी एक लेंथ, रेडियस भी एक लेंथ। सॉलिड एंगल एरिया अपॉन आर स्क्वायर, भाई वाटरमेलन का एग्जांपल दिया था सॉलिड एंगल में, एक आप वाटरमेलन आजकल बिक रहा है मार्केट में, देखो आप ऐसे स्लाइस ऐसे उसकी कटी रखी रहती है, जब वो शॉपकीपर बेचता है तो वो क्या करता है, तो वो जो वाटरमेलन के जो एरिया का पैच निकाल के रखा वो डेल्टा ए समझ लो, और सेंटर तक की जो डिस्टेंस उसको आर समझ लो, तो डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, डेल्टा ए एरिया वो भी एल स्क्वायर है, और नीचे आर स्क्वायर वो भी एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, रेशियो कट गया, डायमेंशनलेस। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों डायमेंशनलेस हैं, बट कीप इन माइंड दे आर नॉट यूनिटलेस, यूनिट है प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टे रेडियन, एंगल डिग्री में होता है, डिग्री भी यूनिट होती है, बट वो एसआई यूनिट नहीं है ना, एसआई यूनिट तो रेडियन और स्टे रेडियन है, तो उन्हीं को मेंशन करना। ठीक, अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो क्या उसका यूनिटलेस होना मस्ट है, बताओ ट्रू और फॉल्स, इफ ए क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस देन इट मस्ट बी यूनिटलेस, ट्रू और फॉल्स, पीपल हु आर ऑनलाइन, इफ ए क्वांटिटी इज, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, ओनली थिंग यू हैव टू टेल ट्रू और फॉल्स, एंड आई एम वॉचिंग योर रिस्पॉन्सेज। इफ ए क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस लाइक प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल देन इट मस्ट बी यूनिटलेस, ट्रू और फॉल्स, तो ऑब्वियसली आंसर है फॉल्स। ये दोनों क्वांटिटी डायमेंशनलेस होने के बाद जूथ यूनिट रख रही हैं, प्लेन एंगल की रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टे रेडियन, ठीक यूनिट हो सकती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे और मे नॉट हैव ए यूनिट, लिख दे रहा हूं साफ साफ, ये स्टेटमेंट आपको याद रख लेना चाहिए, डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे और मे नॉट हैव ए यूनिट, हो भी सकती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी की यूनिट, जैसे प्लेन एंगल सॉलिड एंगल की है, और हो सकता है कि यूनिटलेस हो, डायमेंशन जैसे पाई है, डायमेंशनलेस भी है यूनिटलेस भी है, दोनों हो सकती है पॉसिबिलिटी,
बट यूनिट लेस है तो डायमेंशनल लेस ही होगी। बट एक और चीज ले देता हूं, यूनिट लेस है मतलब नंबर है तो पक्की बात है वो डायमेंशन लेस ही होगी, पक्की बात है, यहां तो मस्ट आएगा। यूनिट लेस है तो पक्की बात है वो डायमेंशन लेस ही होगी, क्योंकि नंबर है तो डायमेंशन लेस होनी होनी है। तो अगली क्वांटिटी एंगल हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन एंगुलर पोजीशन डेल्टा थीटा वो भी रेडियन में होता है तो वो भी डायमेंशन लेस होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ट्राइंगल में दो साइड के रेशियो, रेशियोज आर डायमेंशन लेस, हट गया ये भी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑब्वियसली हम सर्किल की बात करें, बताओ सर्किल में कोई चीज घूम रही है, फैन की टिप ले लो या अपने घड़ी का सेकंड हैंड आर हैंड मिनट हैंड की कोई टिप ले लो, कोई पॉइंट ले लो, तो उन्होंने जितना एंगल कवर किया किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी रेडियन पर सेकंड में, वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर जल्दी जल्दी चल रहा होगा तो ज्यादा एंगल कवर करेगा उसी टाइम में, स्लोली चल रहा होगा तो उसी टाइम में कम एंगल कवर करेगा। तो जितना एंगल कवर किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ऊपर आ रहा है तो वो तो रेडियन में होगा, और नीचे टाइम आ रहा है वो सेकंड में होगा, तो रेडियन पर सेकंड यूनिट तो हो जाएगी, बट रेडियन तो डायमेंशन लेस होता है, और नीचे टाइम आ रहा है तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, नीचे टी आ रहा है तो टी माइनस वन हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी टी माइनस वन, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टी माइनस वन थी और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन टी माइनस वन है, बट दो अलग अलग चीजें हैं। हमेशा याद रखना डायमेंशन सेम होने का मतलब क्वांटिटी सेम होना नहीं है, भाई स्पीड और वेलोसिटी भी डायमेंशन सेम है। अब ऐसा देखा जाए तो एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू है, टॉर्क अभी मैंने नहीं बताया, बट टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स एम एल टी माइनस टू, एल से मल्टीप्लाई करो तो एम एल टू टी माइनस टू। टॉर्क की भी डायमेंशन वही है, एनर्जी की भी वही डायमेंशन है, बट टॉर्क और एनर्जी दो सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज है ना, बिल्कुल नहीं है। डायमेंशन सेम होने का मतलब क्वांटिटी सेम होना नहीं है, बट अगर क्वांटिटी सेम है मतलब दो टाइप की एनर्जी है, दो टाइप के फोर्स है, तो उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। नेचर सेम तो डायमेंशन सेम, बट डायमेंशन सेम तो नेचर सेम होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे वाइसे वर्सा ट्रू बनाने की जबरदस्ती कोशिश मत करना। एंगुलर वेलोसिटी निपट गया, आगे बढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन ही कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में एंगुलर पोजिशन आती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, एंगुलर वेलोसिटी आती है, एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, तो सारे करेंगे। आई थिंक किसी का रिस्पांस आया अभिषेक शर्मा, फॉल्स, हाँ यस, अभिषेक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। और ऐसे ही लोग अगर ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे ही लोग जो रिस्पांस करते रहते हैं वो लोग लर्न करते हैं। भाई हमारा पर्पस क्या है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो अभी, टाइम आपका टाइम आपका एक रिसोर्स है, तो अगर आप बैठे ही हो आप रिस्पॉन्ड कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो बात, तो रिस्पॉन्ड किया करो, उसमें कुछ नहीं आता टाइप करने में, आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा भाई, बेटर हो जाएगा, आपने इस चीज सीख ली उसी के थ्रू, तो आप रिस्पॉन्ड कर दिया करो। तो अभिषेक ने रिस्पॉन्ड किया, अच्छी बात है, तो बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड किया करो भाई। मूव ऑन करते हैं अगली चीज में, एंगल हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, नॉर्मल अगर हम लीनियर सेंस में बात करें। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा, चेंज इन टाइम डेल्टा टी, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अभी बताया था मैंने टी माइनस वन अपॉन टी करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा टी माइनस टू, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा डायमेंशन टी माइनस टू, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन टी माइनस टू। आगे बढ़ते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन कहां यूज होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। अच्छा उससे पहले मुझे पूछ लेना चाहिए था, मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूछ लेना चाहिए था, रोटेशन मोशन में यूज होता है। रोटेशन मोशन में सौरभ चोपड़ा, सर आई गॉट 79 परसेंटाइल इन मेंस वन सो आई टेक ए डॉप फ्रॉम कोटा वाइब्रेंट। सी सौरभ, आई नो दैट 79 परसेंटाइल विल लीड यू नथिंग, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा और एनआईटीज में भी नहीं मिल पाएगा। अभी ड्रॉप मत लो क्योंकि अभी एक अटेम्प्ट तो बाकी है ना, अगला जेई मेन होने वाला है,
तो अभी देखो 2 महीने 1.5 महीने जो भी टाइम है, जितने भी दिन है, अगर आप उसको डेडिकेटेड मैनर में पढ़ो, क्योंकि आप कोटा में पढ़े हो, आप वाइब्रेंट में पढ़े हो, तो यू मस्ट हैव डन समथिंग। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए। हो सकता है कि आपका नॉलेज, मैंने देखा है 99% के ऊपर वालों को हटा दो, 99% से ऊपर थोड़ी मेहनत है, बट 99 से थोड़ा सा मिनट, 98, 96, 95 उनके नॉलेज में और 80%, 85% के नॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं होता। ऑनली डिफरेंस होता है एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजीज। भाई अगर आप एक एक क्वेश्चन, आप ऑनेस्टली बताओ, आप एक एक क्वेश्चन हर उसमें सही कर देते, आपने कई कई क्वेश्चन तो नेगेटिव मार्किंग में आपके खराब हो गए होंगे। अगर आपके नेगेटिव मार्किंग से मार्क्स ना कटे होते, आपने हो सकता है कि कुछ ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दी हो, या आप अपने घर में आए होगे, आपने देखा होगा यार ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था, कैसे मैंने मिस कर दिया एक क्वेश्चन को। तो अगर आप अपनी खुद की एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजी सही कर लो, नंबर वन आता आता क्वेश्चन का बढ़ना हो, नंबर टू उल्टे सीधे आप तुक्के मत मारो, तुक्के मारने में आपके कई सारे नेगेटिव मार्किंग में कुछ पक्की बातें कटे होंगे, मार्क्स जरूर कटे होंगे, नेगेटिव मार्किंग ले डूबा होगा आपको, आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे, जो क्वेश्चन कर सकते तो उनमें टाइम नहीं दिया होगा, कुछ क्वेश्चन में फंस के रहे होगा, उन्हीं में आप टाइम अपने वेस्ट कर लिया होगा, जो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट था, जो आपका सबसे अच्छा टॉपिक था, उनके क्वेश्चन आपने नहीं अच्छे से लगाए होंगे। तो एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजी ही भैया अगर आप सही कर लो तो 79 को 97 बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो अब अगले साल के ड्रॉप के बारे में मत सोचो, यू मस्ट थिंक अबाउट दिस ईयर ओनली, अगला जो जेईई मेन होने वाला है उसमें आप इस 79 को 97 में कन्वर्ट कर लो। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज रिवाइज एंड प्रैक्टिस, रिवाइज 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 रिपीट रिवाइज एंड प्रैक्टिस। और बहुत ईजी है जेईई मेन्स, बहुत ईजी होता है जेईई एडवांस, है जहां पे आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जेईई मेन्स में ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। कौन कह रहा है कि भाई अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स में, 25 केमिस्ट्री 25 में, तो 25 के 25 लगा दो। भाई मैं अपने बता रहा हूँ, मेरे अभी एक बच्चे के 99.9% आए, 25 में कितने क्वेश्चन किए थे, 18, उसमें भी ये गलत 17 क्वेश्चन, फिजिक्स की बता रहा हूँ, 17 क्वेश्चन में ले आया भाई वो, 17, 18, 19 क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपको या 25 से 20 ही ट्राई करो ना, 5 तो देख के ही आपको जो बहुत टफ लग रहे हैं छोड़ दो, 20 को अच्छे से करने की कोशिश करो 90% एक्यूरेसी के साथ, 17, 18 कर लो, 99% डल बन गया आपके, समझ रहे हो। तो बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, और ड्रॉप लेने की मत सोचना, क्योंकि अगर ड्रॉप लेने की सोचोगे तो आईटी का एडवांस का तो वैसे ही आपको पता कट जाएगा, 12 और 12 के बाद का होता है, तो ड्रॉप मत लो। और कोटा तो खैर अब वो करने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से घर में बैठो, रिवाइज करो, और उसके बाद एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजीज पे फोकस करो। अगर एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजीज पे कुछ बात करनी होगी तो और कभी आप मुझसे बात कर लेना, कमेंट में लिख देना, मैं इस पे बात कर लूंगा। अभी हम लोग इस टॉपिक पे वापस आते हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे सौरभ, ठीक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वांटिटी। हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन की बात कर रहे थे, और रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में बताते बताते मैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया पे पहुंच गया था, ठीक। करते हैं भाई बात इसकी, करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया की। मोमेंट ऑफ इनर्सिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, दीज क्वांटिटीज कम इन द चैप्टर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आती हैं सारी। तो देखो, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, दिस वे रोटेट कर रही है, तो इस बॉडी के रोटेशन में जो इनर्सिया होता है, जैसे ट्रांसलेशन मोशन में इनर्सिया का काम मास करता है, इनर्सिया का मतलब टेंडेंसी टू अपोज द मोशन। तो इनर्सिया ट्रांसलेशन मोशन में इनर्सिया मास होता है, वैसे रोटेशन मोशन में जो इनर्सिया है इसके रोटेशन को अपोज करने की, रोटेशन में जो हम स्टेट ऑफ मोशन इसकी चेंज करें तो उसको अपोज करने की टेंडेंसी, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिराइव करने तो नहीं बैठेंगे, वो तो रोटेशन मोशन में करेंगे, बट मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज गिवन एज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। वैसे एम आर स्क्वायर भी नहीं होता, उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला सिग्मा एम आर स्क्वायर या इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम है, बट अभी उससे परेशान मत होना। मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम आर स्क्वायर बेसिक डायमेंशन निकालने के लिए इतना सफिशियंट है। एम मास, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं भाई, आर डिस्टेंस, एल, आर स्क्वायर बन गया एल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया एम एल स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्सिया का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर, ठीक। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क रोटेशन मोशन की बात करें, अभी 3-4 अगले लाइन से जितनी क्वांटिटीज है सब रोटेशन मोशन वाली है। टॉर्क क्या होता है? जब हम किसी बॉडी को घुमाने की कोशिश करते हैं, टर्निंग इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं, भाई डोर का हैंडल, डोर मेरा बंद है इस रूम का, इसके हैंडल पे टर्निंग इफेक्ट दे रहे हैं,
डोर को खोल रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट दे रहे हैं, फैन को घुमा रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट दे रहे हैं। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, हिंज कर दिया, और ऐसे ये टर्निंग इफेक्ट, इसको ऐसे छोड़ दे तो अपने वेट की वजह से गिर जा रही है, क्योंकि वेट इसको टर्निंग इफेक्ट दे रहा है। तो देखिए, टॉर्क भी आता किसी फोर्स से ही है। अब जैसे कौन इसको टर्निंग इफेक्ट दे रहा था, तो वेट ही तो दे रहा था इसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एमजी, ये इसको टर्निंग इफेक्ट दे रहा था। लेकिन फोर्स इटसेल्फ टर्निंग इफेक्ट अकेले नहीं देता है, उसको परपेंडिकुलर भी लगना होता है। मान लीजिए इसी पेन को मैं ऐसे ऐसे फोर्स लगा के टर्निंग इफेक्ट देने की कोशिश करूं तो नहीं आएगा, ठीक। अगर मैं डोर को हैंडल के ऐसे पैरेलल लग के डोर के पैरेलल ऐसे खींचूं तो डोर नहीं खुलेगा, उसको परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा हैंडल को। तो टॉर्क जो होता है वो इनका क्यूमुलेटिव फिनोमेना है। टॉर्क है फोर्स का रोटेशन, टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड इट इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड इट इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब जैसे मान लो ये एक रॉड है और ये मैंने यहां पे हिंज कर रखी थी, रॉड को मैंने यहां पे हिंज कर दिया था। अब मैंने यहां पे एक फोर्स लगाया एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली एल, तो जो टॉर्क बनेगा इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, अच्छा ये बताओ फोर्स का टर्निंग इफेक्ट किधर आएगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक, बोलो इस टॉर्क का टर्निंग इफेक्ट किधर आएगा, क्लॉक आएगा या एंटी क्लॉक आएगा, बोलो। ऑब्वियसली इधर आएगा, ये कौन सी है, क्लॉक है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, टॉर्क की वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो टॉर्क बनेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बनेगा एफ इंटू एल, फोर्स एम एल टू टी माइनस टू इंटू एल, तो फोर्स सॉरी एम एल, फोर्स एम एल टी माइनस टू, और ये बन गया एल, तो ये बन गया एम एल टू टी माइनस टू। यही मैं आपको बता रहा था, टॉर्क की डायमेंशन वही आ रही है जो वर्क और एनर्जी की आई थी, एम एल टू टी माइनस टू। टॉर्क और वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम है, बट इनका नेचर सेम नहीं है, क्योंकि डायमेंशन सेम होने का मतलब नेचर सेम होना बिल्कुल भी नहीं होता है। टेक टॉर्क हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो गया। अच्छा कपल, कपल दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगे, जैसे इस पे एक आगे लगे एक पीछे लगे, घूमने लगे कपल, कपल भी मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही चीज होती है, वो भी टॉर्क होता है, एम एल टू टी माइनस टू। मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो गया, रेडियस ऑफ जायरेशन अभी भी रह गया है, और एंगुलर मोमेंटम तो खैर मैंने एमवीआर पिछले उसमें करा दिया था। मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम आर स्क्वायर, इसी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो एम के स्क्वायर लिख लेते हैं, जरूरी नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम आर स्क्वायर है। अब जैसे कि सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया डायमेटिकल एक्सिस के अबाउट होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। अलग अलग बॉडीज का अलग अलग, डिस्क है एक डिस्क है एक डिस्क है, अगर रिंग हो तो ये एम आर स्क्वायर, डिस्क हो तो एम आर स्क्वायर बाई टू, इस एक्सिस के अबाउट डिस्क घूमेगी ना ऐसे ऐसे, भाई ये डिस्क है ऐसे घूम रही है अपने सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट, सेंटर से जाने वाली नॉर्मल एक्सिस, तो ये डिस्क का प्लेन है एक्स वाई प्लेन और ये एक्सिस है जेड, ऐसे ऐसे घूमे तो रिंग है तो एम आर स्क्वायर, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई टू, हॉलो सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई टू, हॉलो स्फीयर है तो 2/3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, ये उनके मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्सिया आए उसको एम के स्क्वायर के इक्वल कर दो, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्सिया आए तो उसको एम के स्क्वायर के इक्वल कर दो, तो जो उसमें के होता है, जो के होता है वो रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है, रेडियस ऑफ जायरेशन, कह लो गायरेशन भी रीड करते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन दिख ही रहा है, मास से मास कट जाएगा, एम आर स्क्वायर एम के स्क्वायर, तो के स्क्वायर आएगा, के आर की डायमेंशन का आएगा, यानी लेंथ की डायमेंशन का आएगा, इसलिए एल की पावर वन, रेडियस ऑफ जायरेशन की डायमेंशन होती है एल की पावर वन। रेडियस ऑफ जायरेशन डन, एल की पावर वन, मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम एल स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, एम वी एम एल टी माइनस वन, आर एल, तो एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन हो गया। टॉर्क और कपल एम एल टू टी माइनस टू, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा टू पाई एफ, या टू पाई अपॉन टाइम पीरियड, तो वन अपॉन टाइम पीरियड टी माइनस वन, टी माइनस वन। वेवलेंथ, वेवलेंथ वेव की लेंथ, ऐसे वेवलेंथ, ये फिगर बना देता हूं तो ज्यादा अच्छा, ये रहे, ये दो पार्टिकल जो सेम फेज में होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, होती तो डिस्टेंस ही है ना, वेवलेंथ लेंथ, तो लेंथ मतलब एल, तो वेवलेंथ की डायमेंशन एल की पावर वन।
वेवलिंग की डायमेंशन एल की पावर 1। आगे बढ़ते हैं, हब्बल कांस्टेंट, स्पीड अपॉन डिस्टेंस होता है। हब्बल कांस्टेंट 11 12 के सिलेबस में कहीं नहीं यूज होता, तो परेशान मत होना। स्पीड अपॉन डिस्टेंस एल टी माइनस 1 अपॉन एल, तो टी माइनस 1। इंटेंसिटी ऑफ वेव, ये यूज होता है। एनर्जी, एनर्जी से जुड़े सारे टर्म बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एनर्जी ML2 T-2, एनर्जी पर यूनिट एरिया ML2 T-2 अपॉन एल स्क्वायर MT-2। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी भी यूज होता है ML2 T-2 अपॉन एल क्यूब, तो यह आ जाएगा ML-1 T-2। एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन के इक्वल है, लेकिन क्वांटिटीज डायमेंशन सेम होने के बावजूद भी नेचर अलग अलग है। ठीक, एनर्जी डेंसिटी ML-1 T-2। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जब भी एनर्जी की बात चलेगी तो इंटेंसिटी की भी बात चलेगी। इंटेंसिटी की डायमेंशन, जब वेव चलती है ऐसे समझ लीजिए एनर्जी चल रही है, तो जितनी एनर्जी किसी क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है और इससे एनर्जी जा रही है, जितनी एनर्जी क्रॉस की इस क्रॉस सेक्शन से, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी जूल पर यूनिट टाइम, जूल पर सेकेंड वॉट, पर यूनिट एरिया वॉट पर मीटर स्क्वायर, उसको उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी जरूरत पड़ती है, पक्की बात है, इसको आपको याद रख लेना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ वेव, वेव में अक्सर जरूरत पड़ती है, और ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को बोलते हैं। ये आपकी कोई सरफेस है और ये ऐसे एनर्जी ऐसे जा रही है, कितनी एनर्जी इसको हिट करते चली गई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी मैंने बताया ना जूल पर सेकंड, तो ये वॉट बन जाएगा और एरिया बन जाएगा मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर में होती है। डायमेंशन निकालते हैं, तो एनर्जी ML2 T-2 पर यूनिट एरिया एल स्क्वायर टाइम टी, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया ये MT-3। इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, तो इंटेंसिटी की डायमेंशन होती है MT-3। आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी हो गया हमारा इंटेंसिटी। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर प्रेशर ही है, रेडिएशन का प्रेशर फिर क्यों यूज किया है, तो देखो ऐसा है कि रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन, लाइट भी एक इलेक्ट्रोनिक वेव है, लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ती है तो हमको फील होता हो चाहे ना होता हो, बट लाइट की सरफेस भी एक प्रेशर एग्जर्ट करती है, और लाइट ही नहीं सारा रेडिएशन, एक्सरे भी करेंगी, गामा भी करेगी, रेडियो वेव भी करेगी, बहुत ऑब्वियसली मिनिस्कूल अमाउंट में होता है, इतना इनसिग्निफिकेंट होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट होता है, रेडिएशन का प्रेशर होता है, और वो प्रेशर ही है सिंपली फोर्स अपॉन एरिया, तो ML-1 T-2। ये भी है एनर्जी डेंसिटी, मैंने बता ही दिया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इंटेंसिटी भी बता दिया, एनर्जी डेंसिटी ML-1 T-2 और एनर्जी डेंसिटी इंटेंसिटी ML-3। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करते हैं तो वहां पे करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जितने तक लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन रहता है, उस वेलोसिटी से अगर ज्यादा वेलोसिटी पे लिक्विड चलने लगे तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है, उससे कम वेलोसिटी पे फ्लो स्ट्रीम लाइन रहता है, तो एक तरीके से लिमिट होती है, बट है तो वेलोसिटी ही, और वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 होती है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन भी LT-1 है। नेक्स्ट है हीट एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। भाई एनर्जी कोई भी टाइप की हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे इंटरनल एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे साउंड एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, कोई एनर्जी हो, एनर्जी तो ML2 T-2 ही होगी। काइनेटिक एनर्जी ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgs, सब निकाल चुका हूँ ML2 T-2। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला वैसे ½ i ω² होता है, बट डायमेंशन यही होगी ML2 T-2। एफिशिएंसी, किस चीज की एफिशिएंसी डिपेंड करता है, तो एफिशिएंसी अगर इंजन की है तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट एनर्जी, और दोनों में सेम डायमेंशन होगी, ऊपर नीचे एनर्जी अपॉन एनर्जी कट ही जाएगा, तो डायमेंशन लेस। एंगुलर इंपल्स, लीनियर इंपल्स बता दिए थे, चेंज इन मोमेंटम, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और प्लैंक कॉन्स्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट भी इंपॉर्टेंट है और प्लैंक कॉन्स्टेंट भी इंपॉर्टेंट है, करते हैं। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट,
जी आपको मालूम है, दो मास के बीच में अगर r डिस्टेंस हो तो उनके बीच में फोर्स F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें एम वन एम टू मासेस है, r डिस्टेंस है, F फोर्स है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी डायमेंशन पूछी जा रही है। फोर्स रखो, फोर्स एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर इधर ले आओ तो एल स्क्वायर, एम वन एम टू इधर ले आओ मास मास एम स्क्वायर, एम से एम स्क्वायर कट गया तो एम माइनस वन, एल की पावर क्लब कर लो एल की पावर थ्री, टी की पावर टी माइनस टू, तो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये डायमेंशन है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। निकालेंगे कहां से, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, बाकी सारे टर्म एक साथ ले आए, जी की डायमेंशन निकाल ली। एक और बचा है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट भी कर लेते हैं। प्लैंक कांस्टेंट कहां पे यूज होता है भैया बताओ, तो प्लैंक कांस्टेंट यूज होता है लाइट के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं फोटोन, उनकी एनर्जी लिखने पे। एक फोटोन की एनर्जी, फोटोन एक एनर्जी का बंडल होता है, तो एक फोटोन की एनर्जी होती है इज इक्वल टू एच न्यू, ई उस फोटोन की एनर्जी है और न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है। कांस्टेंट है बट कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं है, ये एक डायमेंशनल डायमेंशन वाला कांस्टेंट है, ये एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, याद रखना। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन होती हो, जैसे कि जी, जैसे कि एच, जैसे कि सी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, लाइट की स्पीड है कांस्टेंट बट इनकी डायमेंशन होती है, तो कांस्टेंट मे बी डायमेंशनलेस, कांस्टेंट मे हैव डायमेंशन, और जो कांस्टेंट डायमेंशन रखते हैं उनको डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि जी एच सी, एच की बात करें तो ई एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू, एच प्लैंक कांस्टेंट निकालना है, फ्रीक्वेंसी टी माइनस वन कट आएगा तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस वन आ जाएगी। और आप याद रखो प्लैंक कांस्टेंट भी वही आ रहा है और एंगुलर मोमेंटम एमवीआर वो भी, उसकी भी डायमेंशन ही आई थी एम एल टू टी माइनस वन, बट कि दोनों में कोई जमीन आसमान का डिफरेंस है, कोई लेना देना नहीं है। तो डायमेंशन सेम होना, जैसे एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट, टॉर्क और वर्क, इन क्वांटिटीज का नेचर सेम होना नहीं बताता है, ठीक। तो इसके बाद हम लोग अगली जो क्वांटिटीज हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो बिकॉज आई एम हंग्री। तो जो भी क्वांटिटीज रह गई हैं, डायमेंशनल एनालिसिस है, उसके एप्लीकेशन है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज कोशिश करेंगे, या फिर अगर आज नहीं हो पाएगी तो कल करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम लोग लास्ट क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे, क्लास 11 की फिजिक्स का फिजिकल वर्ल्ड के बाद जो दूसरा चैप्टर है यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस, तो आधा चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस है और आधा चैप्टर हमारा एरर एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस वाले पार्ट पे अगर हम लोग आएंगे तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोगों ने कल की क्लास में कुछ कर लिया था, मतलब डायमेंशंस कुछ क्वांटिटीज की तो निकाल ली थी, बट डायमेंशनल एनालिसिस की जो मेन एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो सारी नहीं की थी। तो आज की क्लास में हम लोग फोकस करेंगे कि एटलीस्ट जो डायमेंशंस रह गई थी जिन क्वांटिटीज की वो कवर कर लें, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस कर लें, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी जान लें, और डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ एससी वर्मा के क्वेश्चन, कुछ जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो अगर आप ये लेक्चर कर लोगे तो उसके बाद आपको कहीं डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेई मेन से लेके, नीट से लेके, क्लास 11th स्कूल में, बोर्ड में, कहीं पे भी और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं क्या होती है डायमेंशन। तो मैंने बताया था कि हम लोग स्टार्टिंग ही ऐसे करते हैं कि फिजिक्स में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा है, उसमें हम क्वांटिटीज जो भी हम मेजरमेंट करते हैं क्वांटिटीज के टर्म्स में, फोर्स, लेंथ, मास, वेलोसिटी, दीज आर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं, क्योंकि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। तो जब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग ऑब्वियसली मेजरमेंट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई यूनिट क्यू इक्वल टू एनयू के फॉर्म में लिखेंगे। तो जो यूनिट वाला पार्ट है उसमें मैंने बताया था कि सबकी थोड़ी ना इनफिनाइट फिजिकल क्वांटिटी, सबकी थोड़ी ना यूनिट बनाते फिरेंगे। तो हमने क्या किया, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को दो ग्रुप में बाइफरकेट कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक है डिराइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल की यूनिट हम लोग बता देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, डिराइव्ड की स्पेसिफाई नहीं करते हैं, डिराइव को फंडामेंटल के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं।
तो जो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, सात इसलिए क्योंकि सातों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, और इन सात के टर्म्स में बाकी जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज अब तक हमने डिस्कवर की हैं, जितनी भी हमने अब तक डिस्क्राइब की, वो सारी की सारी लिखी जा सकती हैं, एक्सप्रेस की जा सकती हैं। एक्सप्रेस करना, वी हैव टू एक्सप्रेस डिराइव क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सात क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सात के टर्म में, बाकी दो प्लेन एंगल सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री है तो वो हटा दो, इन सात के टर्म में बाकी सारी सप्लीमेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज लिखी जा सकती हैं। तो जब हम डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर्स आती हैं उन पावर्स को बोलते हैं डायमेंशन, और डिराइव्ड क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में वो कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, वो कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए होता क्या है, कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है डिराइव क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी है Q, इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख रहे हैं। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम। तो मान लीजिए मैंने इसको लिखा m टू द पावर a, लेंथ टू द पावर b, t टू द पावर c, मास, लेंथ, टाइम। करंट लिख लिया m टू द पावर d, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिख ली, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मैंने phi लिख लिया, phi की पावर e, टेम्परेचर के लिख लेते हैं तो के की पावर एफ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल ले लेते हैं तो मोल की पावर जी, इस तरीके से हम कुछ लिख रहे हैं। सातों के टर्म में मैंने कुछ लिख लिया, इन जनरल हो सकता है कि कुछ पावर जीरो हो। तो ये क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में ये जो एक्सप्रेशन लिखा है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ये कहलाता है इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर ये जो पावर्स लिखे हैं, पावर का मतलब नंबर्स लिखे हैं, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी इंटीजर, मे बी फ्रैक्शन, ये जो पावर्स लिखे हैं ये पावर्स ही डायमेंशन कहलाते हैं। तो डायमेंशन क्या होती हैं, डायमेंशंस आर द पावर्स रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। डायमेंशंस आर द पावर्स आर एक्सपोनेंट्स रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए जो हम पावर रेज करते हैं, ये जो पावर रेज करते हैं ये पावर ही डायमेंशन कहलाती हैं। ये पावर क्या कहलाती हैं, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, एक्चुअली नंबर्स होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने डिराइव क्वांटिटी लिखी है, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तो फंडामेंटल है। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी नंबर है, ये है डायमेंशंस। This derived quantity Q has dimension A in mass, B in length, C in temperature, D in current, E in luminous intensity, F in temperature, G in mole. इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। और मान लो कोई fundamental quantity missing है, कोई derived quantity इस पर depend ही नहीं करती, अब इसे velocity LT minus 1, mass नहीं आता तो उसकी dimension 0 ले लेंगे। और मान लो कोई quantity dimensionless है, मतलब उसमें कोई quantity भी depend ही नहीं करती, मान लो कोई quantity dimensionless है जैसे एंगल, तो वो डायमेंशन लेस है तो वो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, वो 0 लिख ली जाती है उनकी डायमेंशन। ठीक, तो डायमेंशन पे इतना तो हम लोग समझ गए थे, डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने भी लगे थे। डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने के लिए मैंने बताया था करना सिर्फ इतना होता है कि आपको उस क्वांटिटी के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर आपको उस डिराइव क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो आप उसको उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। करते हैं, ये देखिए ये वाला मैंने शायद करा दिया था, एरिया, वॉल्यूम, मास डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्स, पावर, मोमेंटम, प्रेशर, स्ट्रेस स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंगल, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी क्वांटिटीज मैंने लास्ट क्लास में जो लेक्चर 1 है डायमेंशनल एनालिसिस का उसमें सारी करा दी थी। अगले में आते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, वेवलेंथ, आई थिंक सारे करा दिए थे, रेडिएशन प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इफिशियंसी, प्लैंक कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट तक, यहां तक आई थिंक मैंने सारे करा दिए थे और तीन चार फैक्ट्स भी बताए थे। क्या थे वो फैक्ट्स, तो देखिए मैंने फैक्ट्स बताए थे, सबसे पहली चीज कि डायमेंशन क्वांटिटी का नेचर बताते हैं, डायमेंशन क्वांटिटी का नेचर बताते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए यूनिट और डायमेंशन आपस में इंटर रिलेटेड है तो हम ये दोनों वर्ड क्यों अलग अलग यूज करते हैं, हम एक ही से काम क्यों नहीं चला लेते, यूनिट जान लें, सारा सब कुछ यूनिट से कर लें। तो देखिए यूनिट बदलती रहती है,
एरिया को आप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, स्क्वायर किलोमीटर भी लिख सकते हो, स्क्वायर फीट भी लिख सकते हो, बट डायमेंशन एरिया की एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर ही लिखी जाएगी। यूनिट्स में वेरी बट डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी विल रिमेन सेम। तो ज्यादा फंडामेंटल क्या हुआ, तो ज्यादा फंडामेंटल हुआ डायमेंशन, इसीलिए हम लोग डायमेंशन पे फोकस करते हैं। दूसरी चीज, डायमेंशन क्वांटिटी का नेचर बताती है, तो अगर क्वांटिटीज का नेचर सेम हो तो डायमेंशन भी सेम होगी। इसीलिए दो टाइप के फोर्सेस, एनी टू टाइप ऑफ फोर्सेस, एनी फोर्स विल हैव सेम डायमेंशन, एमएलटी माइनस टू। एनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, एनी एनर्जी विल हैव डायमेंशन एमएल टू टी माइनस टू। वर्क, इवन वर्क, टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हैज डायमेंशन एमएल टू टी माइनस टू। अगर क्वांटिटीज का नेचर सेम है तो डायमेंशन सेम होगी, बट उल्टा मैंने बताया था, अगर डायमेंशन सेम हो तो क्या क्वांटिटीज का नेचर भी सेम होना चाहिए? अगर डायमेंशन सेम हो तो क्वांटिटीज का नेचर भी सेम होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। अगर डायमेंशन सेम हो तो क्वांटिटी का नेचर सेम होने की कोई जरूरत नहीं है। दो एग्जाम्पल मैंने बताए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे बट दो मैंने इम्फेसाइज किए थे। टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी एमएल टू टी माइनस टू होता है। एनर्जी, ये भी एमएल टू टी माइनस टू होता है। दोनों के डायमेंशन सेम है बट स्टिल दोनों क्वांटिटी सिमिलर नहीं है। इसी तरह से प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम बताया था, ये पेयर है, ये पूछा जाता है, चार ऐसे ऑप्शन दिए होंगे एबीसीडी और पूछा रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। तो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, सॉरी टॉर्क और एनर्जी हो गया जैसे, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट हो गया ऐसे, तो इनकी डायमेंशन सेम होने का मतलब क्वांटिटी सेम होना नहीं। फिर यूनिट और डायमेंशन में एक और मैंने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में, क्या कि अगर एक क्वांटिटी यूनिटलेस है तो पक्की बात है वो डायमेंशनलेस होगी, बट डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे और मे नॉट हैव ए यूनिट। जैसे एंगल और सॉलिड एंगल का एग्जांपल दिया था, दोनों डायमेंशनलेस है बट दोनों की यूनिट है, एक की है रेडियन और एक की है स्टेरेडियन। तो आई थिंक यहां तक तो हम लोग कर चुके थे, इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लैंक कॉन्स्टेंट तक अगर आप लेक्चर वन देखोगे, सेम डायमेंशनलेसिस पे एक लेक्चर वन है मेरा, तो यहां तक हम लोगों ने डिराइव कर ली थी। आज की क्लास में हमको इसके आगे से स्टार्ट करना चाहिए, इतनी देर तक तो हम लोग पिछली क्लास का ही कर रहे थे। तो हम लोग 47 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। करते हैं 47 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। भाई पेन ले लिया जाए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आई थिंक पहुंच गए हैं। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है सारे कर लेते हैं। सबसे पहले बताओ हीट की इटसेल्फ डायमेंशन क्या होगी? हीट क्या है बताओ भाई, हीट क्या होता है? हीट एक एनर्जी होती है जो दो बॉडीज के बीच में फ्लो करती है, उन दो बॉडीज के बीच में जिनमें टेम्परेचर का डिफरेंस हो। हीट इज द एनर्जी फ्लोइंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। हीट इज द एनर्जी फ्लोइंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर हम एक हॉटर बॉडी को एक कोल्डर बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में ले आए, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट या किसी कंडक्टिंग एलिमेंट के थ्रू, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बीच में की एनर्जी फ्लो करने लगेगी। बिल्कुल ऐसे जैसे दो पाइप रखे हो और एक में लेवल ज्यादा हो एक में लेवल कम हो, तो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ लिक्विड चलने लगेगा। बिल्कुल वैसे जैसे अगर हम कोई वायर में एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पे ले आए और एक पॉइंट लो पोटेंशियल पे ले आए, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच में चार्ज चलने लगेगा, करंट चलने लगेगी, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हो चाहे लिक्विड करंट हो चाहे हीट करंट हो, नेचर सबका सिमिलर है। तो हीट कैसे चलती है? तो हीट चलती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो आगे बढ़ते हैं, अगर हीट चलती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एक एनर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिफरेंस मैटर करता है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वोट वाला टर्म भी आएगा, मतलब हीट है तो एनर्जी, तो हीट की डायमेंशन तो भाई पक्की बात है एनर्जी की डायमेंशन एमएल टू टी माइनस टू। निकाल चुके हैं, कल ही बताया था हर एनर्जी की डायमेंशन एमएल टू टी माइनस टू। अब हीट टेम्परेचर डिफरेंस से चली तो टेम्परेचर तो खुद ही फंडामेंटल है। तो मैंने एक और चीज बताया कि टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक रॉड है, इस रॉड के एक एंड पे T1 हायर टेम्परेचर, T2 लोअर टेम्परेचर, और हीट चल रही है T1 से T2। रॉड की लेंथ L है। तो एक्चुअली मैं एक वर्ड बताना चाहता था, एक टर्म बताना चाहता था, एक फिजिकल क्वांटिटी बताना चाहता था, टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट? तो कल भी मैंने बताया था जब भी वर्ड यूज हो ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। प्रेशर ग्रेडियंट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या लिखेंगे? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का काम यहां पे कौन कर रहा है? एल, इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप, T1 माइनस T2 बाई L, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट की डायमेंशन पूछे, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की डायमेंशन T1 माइनस T2,
टेम्परेचर, इसके लिए हमने सिंबल दिया है के, के फॉर केल्विन वाला, तो इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, के, और ये एल ऊपर आ जाएगा तो एल की पावर माइनस वन। ऑब्वियसली देख रहे हो मास लेंथ तो आ नहीं रहा है, टाइम भी नहीं आ रहा है, इनफैक्ट टेम्परेचर और लेंथ आ रहा है, सॉरी लेंथ तो आ रही है मास नहीं आ रहा है, तो मास की पावर जीरो है, लेंथ की पावर माइनस वन है, टाइम नहीं आ रहा है तो जीरो है, टेम्परेचर आ रहा है तो के की पावर वन है। तो इस तरीके से हम इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला टेम्परेचर ग्रेडियंट का लिख सकते हैं, हीट हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। अब इससे रिलेटेड और हम लोग करते हैं चीजें, जब हम किसी बॉडी पे हीट देते हैं तो वो क्या क्या कर सकती है। तो हम किसी बॉडी पे अगर हीट दें तो एक तो उसका टेम्परेचर चेंज कर सकती है, दूसरा उसका फेज चेंज कर सकती है। मतलब जैसे वाटर है हमारे पास, वाटर के तीन फॉर्म, आइस, लिक्विड और वेपराइज्ड फॉर्म, स्टीम। तो अगर हम आइस को हीट देना स्टार्ट करें माइनस टेन की आइस से, तो पहले तो वो माइनस टेन से जीरो डिग्री में जाएगी, फिर जब वो जीरो डिग्री की आइस बन जाएगी तो जीरो डिग्री की आइस फिर मेल्ट होना स्टार्ट होगी जीरो डिग्री की वाटर में, जब मेल्ट हो जाएगी पूरी की पूरी लिक्विड वाटर बन जाएगा तो फिर हीट देंगे तो वो जीरो से हंड्रेड उसका टेम्परेचर चेंज होने लगेगा, और वो रहेगी लिक्विड, फेज चेंज नहीं होगा। हंड्रेड डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पे फिर हीट देंगे तो वो बॉयल होने लगेगी, स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगी, वेपराइज होने लगेगी, तो अब वो वेपराइज तो खैर समय होती रहती है, बॉइलिंग होने लगेगी ये बोलना चाहिए, तो बॉइलिंग होते वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, फिर उसके बाद हीट देंगे तो फेज तो वही रहेगा, गैस ही रहेगी, बट उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो जब फेज चेंज नहीं हो रहा है तब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब फेज चेंज होता है तो उतने ड्यूरेशन में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जो भी हीट देते हैं उसका फेज चेंज में जाती है, उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हैं तो एक तो मैंने बताया कि उसका फेज चेंज हो सकता है और दूसरा टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तो फॉर्मूला लगता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थेटा, जहां पे एम होता है मास, एस होता है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा थीटा होता है चेंज इन टेम्परेचर। एम होता है मास, एस होता है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा थीटा होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हमें किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना है तो ऑब्वियसली हीट देनी पड़ेगी, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जितना मास ज्यादा होगा उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, और मटेरियल पे भी तो डिपेंड करता है, कुछ ऑब्जेक्ट को ज्यादा देनी पड़ेगी कुछ ऑब्जेक्ट को कम। तो जिनका ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उनका एस, एस जो है कॉफिशियंट वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मटेरियल की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग। तो एस की ही हमें डायमेंशन निकालनी है, करते हैं। तो एस लिखा मैंने डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा मैंने डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन चाहिए। डेल्टा क्यू हीट एनर्जी है तो ये बन गया एम एल टू टी माइनस टू, डेल्टा क्यू हीट एनर्जी है क्या बन गया एम एल टू टी माइनस टू, एम मास ये रहा भैया मास, डेल्टा थीटा क्या है चेंज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर चेंज किया होगा तो भैया सेल्सियस केल्विन टेम्परेचर ना, तो टेम्परेचर की डायमेंशन हम लोग टेम्परेचर को के से लिखते हैं, मैंने मतलब हम लोग जो यूज करते हो के, एम से एम कट जाएगा तो ये आ गया एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। वापस आ जाते हैं, ये देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, स्पेसिफिक हीट सीख गए, तो इसी से मिलता जुलता टर्म लेटेंट हीट कर लेते हैं, लेटेंट हीट पे आते हैं, इसी में कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा रबर से हटा लेते हैं, जगह बना लेते हैं, क्यों भाई नया पेज खर्च करें, इसी पेज में कर लेते हैं, लेटेंट हीट करते हैं। लेटेंट हीट कब यूज होता है, तो लेटेंट का मतलब होता है इनविजिबल, हिडन, दिखे ना भाई, आपको मालूम है बॉइलिंग वाटर, पानी बॉइल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, आप उसमें थर्मामीटर लगा लो, थर्मामीटर कुछ भी रिफ्लेक्शन कोई भी चेंज शो नहीं करेगा, तो जो हीट दे रहे हो जा कहां रही है, तो वो उसके फेस चेंज में जा रही है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रही है, तो वो हमें दिखती नहीं है, विजिबल नहीं दिखती है, टेम्परेचर चेंज के फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। वट एवर हीट इज बींग गिवेन एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट दैट हीट इज बींग यूज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, फेस चेंज में जा रही है तो वो टेम्परेचर चेंज में नहीं जाती, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एम एल,
सिर्फ मास पे डिपेंड करती है भाई, और दूसरा मटेरियल पे डिपेंड करती है, किसकी बात करो, किसका फेज चेंज करो, वाटर का मान लो कर रहे हो तो अलग आएगा, किसी और ऑब्जेक्ट का कर रहे हो गए इधर विधर का कर रहे हो तो कुछ और आएगा, और वाटर का कर रहे हो तो उसमें भी कौन सा आइस से उसको लिक्विड वाटर ला रहे हो कि लिक्विड वाटर से स्टीम ला रहे हो। भाई आइस से लिक्विड वाटर लाओगे तो उसमें 80 कैलोरी पर ग्राम की हीट लगती है, और अगर आप लिक्विड वाटर से स्टीम ले आओगे तो 540 कैलोरी पर ग्राम लगती है। तो जो मैंने बोला ना 80 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, और ये मास पे डिपेंड करती है। तो जितने ग्राम होगा, एम ग्राम है, उसमें 80 कैलोरी पर ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो तो कैलोरी में हीट निकल आएगी। तो ये जो एल है वो 80 कैलोरी पर ग्राम वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, 540 कैलोरी पर ग्राम वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो स्टीम में यूज होता है। वाटर की ही आपको अक्सर क्वेश्चन हो तो आप ये 80 और 540 यूज कर सकते हो, बाकी अलग कोई मटेरियल होगा तो उसका दिया होगा, पर मेरा पर्पज ये बताना था खाली लेटेंट हीट की डायमेंशन। तो लेटेंट हीट, इनविजिबल हीट जब फेज चेंज हो रहा हो तब यूज होती है, और ये फॉर्मूला होता है इसका क्यू इज इक्वल टू एम एल। क्यू इज इक्वल टू एम एल में लेटेंट हीट की डायमेंशन निकालनी है, निकालते हैं भैया क्यू इज इक्वल टू एम एल में लेटेंट हीट की डायमेंशन। तो एल को लिखा मैंने क्यू अपॉन एम, एल को मैंने लिखा Q अपॉन एम, क्या है Q? एम एल टू टी माइनस टू, एम क्या है मास, जे रहा मास, एम से एम कट गया तो कितने आ गया ये एल टू टी माइनस टू, लेटेंट हीट की डायमेंशन, एल टू टी माइनस टू लेटेंट हीट की डायमेंशन, ये रहे लेटेंट हीट एल टू टी माइनस टू। तो हम लोगों ने दो कर लिया, स्पेसिफिक हीट कर लिया और लेटेंट हीट कर लिया। लेट मी Have the water. It summers. तो heat and thermodynamics में किन किन quantities की जरूरत पड़ती है? Heat energy, temperature gradient, बता दिया मैंने, temperature तो itself ही fundamental है, specific heat capacity करा दिया मैंने, Q is equal to mh delta theta से dimension निकाल लिया, लेटेंट हीट Q इज इक्वल टू एम एल से डायमेंशन निकालना। भाई अगर आपको क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो तो डायमेंशन निकालना इज वेरी इजी। तो आगे बढ़ते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये क्या चीज है? जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो वो हीट कहीं ना कहीं, जैसे सॉलिड में आपको रियलाइज करना, विजुलाइज करना थोड़ा सा ईजी होगा, सॉलिड लिक्विड गैस सभी में होता है वैसे, कोई ऐसी बात नहीं है। जब हम हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप को बढ़ा देती है, जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो मॉलिक्यूल्स और बड़े बड़े डिस्टेंस के वाइब्रेशन करने लगते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ जाता है, और सारे मॉलिक्यूल के साथ ऐसा होता है, तो उससे क्या होता है बॉडी का साइज फैल जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जब जो किसी बॉडी का होता है तो उसमें एक कोफिशिएंट जो होता है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अब वो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की डायमेंशन निकालनी है, तो करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की डायमेंशन। देखिए मैंने क्या बताया, मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई भी एनी शेप एन साइज की बॉडी, इस बॉडी पे मैंने हीट दी, तो मान लीजिए मैंने हीट इसमें दी डेल्टा क्यू। अब हीट दी तो इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होने से ही तो इसका थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तो अब जैसे मान ली इस ऑब्जेक्ट का जो साइज था, कोई भी हमने इसके साइज ले ली, डायमेंशन ले ली डी, अब ये साइज या डायमेंशन डी का मतलब क्या है? तो देखिए अगर लीनियर ऑब्जेक्ट होगा, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा तो डायमेंशन लेंथ होगी। कोई सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट होगा जैसे प्लेन सीट है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये प्लेन ऑब्जेक्ट है, ये एक प्लेन सीट है, ये एक प्लेन सीट है, तो इस प्लेन ऑब्जेक्ट में इसका एरिया होगी डायमेंशन। कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये बॉटल, ये एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसमें वॉल्यूम है तो इसमें डायमेंशन होगी वॉल्यूम। तो जो भी डायमेंशन इन्वॉल्व हो रही हो, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, उसको मैंने डी लिख लिया। जब आप इसको हीट दोगे, इसका टेम्परेचर चेंज करोगे तो इसका एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन हुआ तो इसकी डायमेंशन चेंज हो गई, लेंथ तो लेंथ में चेंज, एरिया है तो एरिया में चेंज, जो भी डायमेंशन आप कंसीडर करो, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में चेंज। तो अब जो होता क्या है कि जो भी डायमेंशन में चेंज होता है डेल्टा डी, एक्सपेरिमेंटली पाया गया ये होता है डी सी डेल्टा थीटा के इक्वल। मतलब जो डायमेंशन में चेंज हुआ वो ओरिजिनल डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट लंबा होगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन भी उस हिसाब से ज्यादा होगा। वो चेंज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली तुम 10 डिग्री की बजाय 100 डिग्री टेम्परेचर चेंज करोगे तो डायमेंशन में चेंज भी ज्यादा होगा। तो और दूसरा तीसरा एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, भाई सब कुछ वही रखो, डायमेंशन वही रखो, टेम्परेचर में चेंज वही रखो, तो मटेरियल टू मटेरियल भी तो वेरी करेगा, अलग अलग मटेरियल का चेंज अलग होगा, कुछ मटेरियल ज्यादा फैलेंगे, कुछ मटेरियल कम फैलेंगे। तो सबका जो करेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है उसी कांस्टेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो अगर हम लेंथ कंसीडर करें
तो ये बन जाता है डेल्टा एल इज इक्वल टू, अगर हम लेंथ पे फोकस करें तो ये बन जाता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो इस अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आई होप कि ग्रीन कलर दिख रहा होगा अच्छे से, चेंज कर लेते हैं। चलो एरिया है तो ये बन जाता है डेल्टा ए इज इक्वल टू ए बीटा डेल्टा थीटा। डायमेंशन ए ले ली, बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ एरियल और कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये बन जाता है डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा थीटा, जहां पे गामा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, सब कुछ है। लीनियर, एरियल, वॉल्यूम, सारे एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा बीटा गामा की डायमेंशन एक ही होती है, क्योंकि सबका बेसिक फॉर्मूला ये डेल्टा डी इज इक्वल टू डी सी डेल्टा थीटा। तो जो सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, चाहे वो अल्फा हो लीनियर, बीटा हो एरियल, चाहे वो गामा हो वॉल्यूम, सब में करने का तरीका एक ही है। और कैसे निकालेंगे, तो सी को लिखा मैंने डेल्टा डी अपॉन डी डेल्टा थीटा। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो एरियल हो चाहे वॉल्यूम, हम डायमेंशन निकाल लें क्वांटिटीज की। क्या होगी इसकी डायमेंशन, डेल्टा डी जो भी है, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, और नीचे डी ये भी लेंथ एरिया वॉल्यूम, तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन एरिया, वो तो कट जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ऊपर भी मीटर क्यूब नीचे भी मीटर क्यूब, तो नीचे देखिए टेम्परेचर बचेगा, और टेम्परेचर को अगर हम लोग के से लिखें, के याद रखना केल्विन वाला, तो वन अपॉन के क्या बन जाएगा, ये के माइनस वन, यही डायमेंशनल फॉर्मूला है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन चाहे लीनियर चाहे एरियल चाहे वॉल्यूम, डायमेंशनल फॉर्मूला के माइनस वन होता है। क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, के माइनस वन। तो वापस आते हैं, ये हो गया हमारी क्वांटिटी, हम लोग कर रहे थे थर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, के माइनस वन, थर्मल एक्सपेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला के माइनस वन। आगे बढ़ते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अभी थर्मल कंडक्टिविटी क्या चीज होती है, तो देखिए हीट के फ्लो करने के तीन तरीके हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली बता भी दूं तो कैसे आप याद कैसे रखोगे बताओ, अगर आपको मैं सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दूं तो याद कैसे रखोगे। एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे, उसमें तो उन्होंने टर्म यूज कर दिया भाई थर्मल कंडक्टिविटी, आपको पता होना चाहिए उसकी डायमेंशन, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो याद तभी रख पाओगे जब उनके बारे में आपको बैकग्राउंड पता होगा, उनका बेसिक पता होगा, अदरवाइज देर इज नो वे कि आप इन सब चीजों को याद रख पाओ। इसलिए आपको इन क्वांटिटीज के बारे में पता होना जरूरी है। आते हैं थर्मल कंडक्टिविटी करते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ बोलना हो, देख लेता हूं मैं कमेंट। हेमंत साहू का कुछ कहना है कि नीट के पुराने साल के प्रैक्टिस पेपर पे मैं वीडियो बना दूं। बहुत अच्छी बात तुमने बोली है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को ये जरूरत फील हो रही होगी। नीट के पुराने पेपर की वीडियो में स्पेसिफिकली चाहते क्या हो, मैं मतलब फिजिक्स के सारे उसमें क्या लेक्चर उनके सोल्यूशन दे दूं सारे क्वेश्चंस के, या कुछ बताओ मुझे, कुछ और स्पेसिफाई करो कि क्या चाहते हो। जैसे नीट के अभी 2020 का एग्जाम होना है, तो 2019-2018 पिछले सालों के सोल्यूशन चाहते हो, या फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहते हो जिनके आने की पॉसिबिलिटीज जाता है, कुछ स्पेसिफाई कर दोगे अगर हेमंत, तो मैं उस चीज को फोकस कर लूंगा। तो वही कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दो व्हाट डू यू वांट स्पेसिफिकली, तो मैं वो जरूर बना दूंगा, और ऐसा बना दूंगा जिससे तुम लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हो जाए। अच्छा आइडिया है वैसे, मैं इस चीज को याद रखूंगा, बट थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दो एग्जैक्टली क्या चीज चाहते हो जिससे तुमको हेल्प मिले। तो अगर तुम वो बता दोगे तो मैं वो स्पेसिफिकली वो बना दूंगा, ठीक। तुम बोलोगे तो मैं नीट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बना दूंगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं, हेमंत बता देना मुझको कमेंट में लिख के, ठीक है। हम लोग कर रहे थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम हीट, वैसे भी हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर दो पॉइंट्स के बीच में चल रही, तो हीट हमेशा चलने वाली एनर्जी होती, मूव करने वाली एनर्जी होती है। तो हीट जब मूव करती है तो हीट के मूव करने के चलने के तीन तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हीट के चलने के तीन तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, और कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से मिलती जुलती चीजें भी कर लेंगे। कंडक्शन क्या होता है, मान लीजिए कोई सॉलिड बॉडी है, यहां से हीट दें, तो यहां से हीट देने के बाद यहां के जो मॉलिक्यूल वो तेजी से चलने लगेंगे। अब ये मॉलिक्यूल अगर तेजी से चल रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल अपने अगल बगल वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे, फिर वो अपने बगल वाले नेबरिंग मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, फिर वो अपने नेबरिंग कोलाइड कर करके एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। कोलिजन होता है ना, एक बॉल दूसरे से आके टकराती है तो मोमेंटम एनर्जी का ट्रांसफर करती है। तो अगर ये
हायर टेम्परेचर वाला एंड है और ये लोअर टेम्परेचर वाला एंड है, तो यहाँ के मॉलिक्यूल तेजी से चल रहे हैं, ये अपने टकरा टकरा की एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हो, टकरा टकरा की एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से जो हीट का ट्रांसफर होता है ड्यू टू कोलिजन, एनर्जी का ट्रांसफर ड्यू टू कोलिजन जो होता है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। एनर्जी ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, जो भी स्मॉलर एंटिटीज हैं, इनकी वजह से जो एनर्जी का हीट का ट्रांसफर होता है इसको बोलते हैं कंडक्शन। और ये डोमिनेट करता है सॉलिड्स में, सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर की जो डोमिनेंट मैकेनिज्म है वो कंडक्शन होती है। लिक्विड्स और गैसेस में क्या होता है, तो लिक्विड्स और गैसेस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड रखा हुआ है, ये एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड रखा हुआ है, मैंने बताया इसमें सॉलिड एक रॉड है तो इसमें तो भैया कंडक्शन ही होगा, कंडक्शन डोमिनेंट मैकेनिज्म। बट यहां पे लिक्विड कंटेनर है, इसमें क्या होगा जब आप बर्नर लगा के हीट दोगे तो यहां के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तो जो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो ज्यादा इनके पास एनर्जी आएगी तो वो ज्यादा मूव करेंगे, सॉलिड में भी कर रहे थे। बट सॉलिड में क्या था कि मॉलिक्यूल्स बंधे हैं, वो तो ऐसा नहीं कि यहां का कोई अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये मॉलिक्यूल चलने लगेगा यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि सॉलिड का मतलब है मॉलिक्यूल फ्री फ्लो नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। बट लिक्विड्स एंड गैसेस में क्या होता है, लिक्विड्स और गैसेस फ्लूड्स होते हैं जहां पे मॉलिक्यूल चल सकते हैं, दे कैन फ्लो, फ्लूड का मतलब ही समथिंग विच कैन फ्लो, फ्लो का मतलब मॉलिक्यूल एनर्जी पाके चलने लगते हैं। तो जैसे ही यहां पे टेम्परेचर मिलेगा लिक्विड को, हीट एनर्जी मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा इन मॉलिक्यूल्स का, तो ये मॉलिक्यूल खुद ही एनर्जी लेके चलने लगेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं डेंसिटी का भी रोल होता है कि लिक्विड्स और गैसेस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी घट जाती है, डेंसिटी घटने से हल्की चीजें जो होती हैं वो ऊपर पहुंच जाती हैं, जो ठंडी चीज है, ठंडी चीज टेम्परेचर ज्यादा तो डेंसिटी उसकी, टेम्परेचर कम तो डेंसिटी उसकी ज्यादा, तो ज्यादा डेंसिटी वाली चीजें नीचे और जो कम डेंसिटी वाली चीज है वो ऊपर। बायंसी का भी थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो जो गर्म चीज है वो ऊपर, ठंडी चीज नीचे, इस तरह से लिक्विड का फ्लो होने लगता है लूप्स के फॉर्म में, और इनको बोलते हैं कन्वेक्शन लूप्स। और इस तरीके से जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। लिक्विड्स और गैसेस में डोमिनेंट मैकेनिज्म कन्वेक्शन होती है, सॉलिड्स में हीट के ट्रांसफर की डोमिनेंट मैकेनिज्म कंडक्शन होती है, लिक्विड्स और गैसेस में डोमिनेंट मैकेनिज्म कन्वेक्शन होता है, ठीक। अच्छा, एक और हीट के ट्रांसफर की मैकेनिज्म है जिसको कोई मतलब नहीं कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। भाई क्या मेरे सामने ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, सनलाइट आ रही है, क्या इनमें ना सॉलिड लिक्विड गैस, सनलाइट तो वैक्यूम से चल के आती है, ना सॉलिड की जरूरत है, ना लिक्विड की, ना गैस की। तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे ये होता है कि कोई भी बॉडी जब टेम्परेचर उसका ज्यादा होता है तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर जो भी हो ऐसे एब्सोल्यूट जीरो को छोड़ के किसी भी, तो बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सेलरेट होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। तो कोई भी बॉडी ईएम वेव्स के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में जब एनर्जी रिलीज करती है तो उसको रेडिएशन बोलते हैं। हीट के चलने के तीन तरीके, कंडक्शन सॉलिड्स में कोलिजन वाला, कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस में जहां पे कन्वेक्शन लूप्स, मॉलिक्यूल खुद चलने लगता है, लिक्विड गैस में मॉलिक्यूल एनर्जी पाया तो खुद ही लेके दौड़ने लगता है एनर्जी, और रेडिएशन वहां पे मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मॉलिक्यूल्स के बिना भी, क्योंकि वहां पे वेव्स मटेरियल की जरूरत ही नहीं है, मटेरियल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट को अभी एयर के पार्टिकल हैं तो भी है, नहीं है वैक्यूम में तो भी लाइट चल जाएगी, क्यों, क्योंकि वो तो ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से चल रही है, विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको रेडिएशन कहते हैं। तो हम लोग आते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, रेडिएशन कौन सा होता है, वेव्स के फॉर्म में, ये वेव्स के फॉर्म में ये वाला जो है ये रेडिएशन है। तो हीट के ट्रांसफर की तीन मैकेनिज्म, कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन, हमको इनसे रिलेटेड क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालनी है, बट हम पूरा हीट की बेसिक डिस्कस करने लगे, चलो कोई बात नहीं, अगर हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे तो आप याद कैसे रखोगे। कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन करते हैं, कंडक्शन पे आते हैं, कंडक्शन में कौन कौन से रूल यूज होते हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज यूज होती हैं, क्योंकि देखिए मुझे ये वाला जो है खत्म करना था, थर्मल कंडक्टिविटी करना है, फिर इसके बाद इसमें रेड और कुछ तो नहीं है लेकिन मैं आपको और भी क्वांटिटीज बताऊंगा, इसमें तो खाली थर्मल कंडक्टिविटी है, बट कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन में जो जो क्वांटिटीज यूज होती हैं क्लास 11th 12th के लेवल पे वो मैं सारी आपको करा दूंगा, यहीं पे डायमेंशन निकलवा दूंगा। कंडक्शन पे आते हैं, मान लीजिए कोई रॉड है,
ये वाला एन T1 पे, ये वाला T2 पे, और ये लेंथ इसकी L है। टेम्परेचर ग्रेडियंट है T1 माइनस T2 बाई L। तो जो हीट के कंडक्शन की रेट होती है, रेट का मतलब एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, जो हीट के कंडक्शन की रेट होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, हीट कंडक्टेड पर यूनिट टाइम जूल पर सेकेंड या वॉट में, उसका फॉर्मूला होता है के ए T1 माइनस T2 अपॉन L, जहां पे ए क्या है, ए है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड, ये है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड। T1 T2 के हैं, T1 T2 टेम्परेचर हैं एंड्स के, T1 हाई टेम्परेचर, T2 लोअर टेम्परेचर, हीट T1 से T2 चल रही है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। L क्या है, L T1 और T2 जिन पॉइंट्स के टेम्परेचर दे रखे उनके बीच का गैप है, एक तरीके से लेंथ ऑफ द रॉड है। A ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एन T1 पे, ये T2 पे, ये लेंथ L है। A ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हीट किधर से जा रही है, T1 से T2 जा रही है। कितनी जा रही है, तो पर यूनिट टाइम में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी जा रही है। तो अब जितनी हीट भाई देख रहे हो T1 माइनस T2 अपॉन L, टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा चलेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, मोटे भाई रॉड ऐसी होगी तो ज्यादा हीट जाएगी, बिल्कुल जाएगी। और किस चीज पे डिपेंड करेगी, तो भाई खुद ही बताओ, एक वुड की रॉड है और एक है मेटल की रॉड, तो किसमें हीट ज्यादा कंडक्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली मेटल में, मेटल हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। तो यानी कि मेटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, मेटल टू मेटल भी वेरी करता होगा। तो जो मेटेरियल की बताने वाली प्रॉपर्टी है वो कहलाती है थर्मल कंडक्टिविटी, वो क्या कहलाती है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी के की डायमेंशन हमको निकालनी है, किसकी डायमेंशन निकालनी है, थर्मल कंडक्टिविटी के करते हैं। तो भाई के की डायमेंशन निकालते हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, हीट पर यूनिट टाइम, ये हीट लिखी मैंने ML2T-2, टाइम लिखा टी, इधर LHS निपट गया, एरिया अपॉन लेंथ L स्क्वायर अपॉन L, तो L स्क्वायर ये भी लेंथ है ना, और ये एरिया L स्क्वायर, तो L स्क्वायर अपॉन L कट गया, तो L बचा, L नीचे ले आए। T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस, याद रखना टाइम नहीं, टी मत लिख लेना, टेम्परेचर के से लिखते हैं डायमेंशन में, के क्या कटेगा भाई, देखो ये बन गया M, L स्क्वायर से L कटा तो L, T-2 से एक गया तो T-3, K-1 ये आ गया, जिनमें ये M आ रहा है तो M की पावर 1 लिख लो, L आ रहा है तो L की पावर 1 लिख लो। तो बताओ थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन क्या निकली, M टू द पावर 1, L टू द पावर 1, T-3, K-1, तो ये हो गया हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। तो हीट के कंडक्शन में यही हो जाता है, ये देखिए एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -3, K-1। कैसे निकाला हम लोगों ने, हीट के कंडक्शन के फॉर्मूले से, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन L, इसके थ्रू हम लोगों ने निकाला। आगे बढ़ते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी का हो गया, मैंने बोला था कि कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों के करवाऊंगा। कंडक्टिविटी में एक तो आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट पता होना चाहिए T1 माइनस T2 बाई L, दूसरा थर्मल कंडक्टिविटी एज ए के कांस्टेंट उसका पता होना चाहिए, वो भी बता दिया, हीट आपको पता ही है, टेम्परेचर आपको पता ही है। कन्वेक्शन में कोई फॉर्मूला हम लोग 11 12 के लेवल पर नहीं पढ़ते, तो वहां पे हम लोग जा नहीं रहे, रेडिएशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो रेडिएशन में कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालते हैं। रेडिएशन जो EM वेव्स के फॉर्म में होता है उसमें जो जो क्वांटिटीज होती हैं इन्वॉल्व, उन सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालते हैं। रेडिएशन में जो जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं उन सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालते हैं, करते हैं रेडिएशन में वॉट एवर क्वांटिटीज इन्वॉल्व। तो पहले तो रेडिएशन के फॉर्मूले जान लेते हैं भाई। रेडिएशन में सबसे पहला फॉर्मूला यूज होता है कि अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब सबसे अच्छी रेडिएटर है, जो सबसे अच्छी एब्जॉर्बर होती है वो सबसे अच्छी रेडिएटर होती है, ब्लैक सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना रेडिएशन करेगी, कितना एनर्जी रेडिएट करेगी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए होता है सिग्मा ए टी टू द पावर 4। सब सारे टर्म्स की मीनिंग बताता हूं। मान लीजिए कोई बॉडी है तो ए है उसका सरफेस एरिया, याद रखना क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बोला, क्या बोला, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब पूरा सुपरफिशियल, जैसे ये बॉडी है तो इस बॉडी का पूरा सरफेस एरिया ऐसे पूरा चारों तरफ से कवर करने वाला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ए। टी क्या है, तो टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में, टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है, ये स्टीफेंस लॉ है, लिख देता हूं। रेडिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम क्या होती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है,
सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बॉडी रेडिएट उतना ज्यादा करेंगे, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा बॉडी रेडिएट ज्यादा करेंगे, टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 की पावर 4 16 टाइम्स रेडिएशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है। तो एरिया, टेम्परेचर, और दूसरा मैंने क्या बताया भाई, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी टेम्परेचर की 4th पावर, बॉडी का सरफेस एरिया, और एक कांस्टेंट आता है सिग्मा जिसको बोलते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट ऐसे याद रखना। तो ये जो आपका कांस्टेंट है ये है हमारा स्टीफेंस कांस्टेंट 5.67 × 10⁸, इसकी वैल्यू होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केल्विन टू द पावर 4, बट अभी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हमें, तो डायमेंशन पे आना है इसकी। तो स्टीफेंस कांस्टेंट की डायमेंशन अगर पूछे तो कैसे निकालोगे, तो स्टीफेंस कांस्टेंट की डायमेंशन इफ यू आर आस्क्ड हाउ डू वी डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट देन व्हाट वी हैव टू डू, राइट डाउन दिस फॉर्मूला फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4, देन रीअरेंज द टर्म। हाउ डू वी रीअरेंज द टर्म, ये तो एनर्जी पर यूनिट टाइम है, तो ML2 T-2 अपॉन टाइम को लिखा मैंने T, गेटिंग इट, ML2 T-2 अपॉन T, सिग्मा वी हैव टू फाइंड आउट, A इज एरिया L स्क्वायर, टेम्परेचर याद रखना टेम्परेचर T की पावर 4 T मतलब लिख देना डायमेंशन ML T, ML T में M मास, L लेंथ, T टाइम होता है, ये टेम्परेचर है, K से लिखना K। तो बताओ क्या हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया और K इधर आ जाएगा, तो सिग्मा की डायमेंशन आ गई M T-3 K-4, ये हो गया हमारा स्टीफेंस कांस्टेंट की डायमेंशन M T-3 K-4। अच्छा, रेडिएशन में एक और टर्म यूज होता है इमिसिविटी, वो क्या चीज होती है, तो जो बॉडीज परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती, क्योंकि तो हर बॉडी थोड़ी ना परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो गया, ऑब्वियसली परफेक्ट ब्लैक बॉडी खुद ही एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो जो बॉडीज परफेक्ट ब्लैक बॉडीज नहीं होती तो उनका जो रेडिएशन होता है वो क्या करता है, तो वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ये फॉलो करता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ई सिग्मा ए टी टू पावर 4 फॉलो करता है। तो सिग्मा तो स्टीफेंस कांस्टेंट, ए हो गया एरिया, टी हो गया टेम्परेचर, ई कहलाती है बॉडी की इमिसिविटी, ई क्या कहलाती है बॉडी की इमिसिविटी। तो इमिसिविटी एक कांस्टेंट होता है और एक मटेरियल टू मटेरियल बदलने वाला 0 से 1 के बीच का एक नंबर समझ लो, एक नंबर है। तो क्या होता है कि बाकी जो बॉडीज हैं वो ऑब्वियसली परफेक्ट ब्लैक बॉडी से तो कम ही करेंगी, जैसे मान लीजिए किसी के लिए E.5 है तो इसका परफेक्ट ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में वो हाफ उसी कंडीशन में उसी एरिया उसी टेम्परेचर में हाफ रेडिएशन दे रही है पर यूनिट टाइम। तो ई अगर एक कॉफिशियंट है 0 से 1 के बीच का नंबर है और इसको हमें कुछ बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ इमिसिविटी बोलते हैं वैसे इसको, तो कॉफिशियंट ऑफ इमिसिविटी या कॉफिशियंट ऑफ इमिटिविटी, तो ये देखिए एक नंबर है और नंबर होते हैं डायमेंशनलेस, तो इसकी डायमेंशन हो गई M0 L0 T0। तो रेडिएशन में मैंने आपको एक तो स्टीफेंस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना बताया और एक कॉफिशियंट ऑफ इमिसिविटी या कॉफिशियंट ऑफ इमिटिविटी बताया। तो हीट का कंडक्शन का भी करा दिया, कन्वेक्शन का भी करा दिया, रेडिएशन की भी मैंने करा दी। रेडिएशन में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी होता है बट उसमें कोई नई क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं होती तो उसमें कोई नया हमें टर्म जानने की जरूरत नहीं है। तो एक और आपको शायद पढ़ सकती है रेडिएशन में, तो देखिए रेडिएशन में एक स्टीफन लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और एक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसमें भी एक कॉन्स्टेंट आता है और नीट वगैरह में पूछ सकते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और इसमें एक कांस्टेंट आता है वीन्स कांस्टेंट, वो हम लोगों को करना है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी रेडिएट कर रही है, कई सारी वेवलेंथ रेडिएट कर रही है, कोई भी बॉडी रेडिएट करती है वेव्स तो कोई एक वेवलेंथ ही नहीं करती, तो जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो प्रेजेंट होती है इंटेंसिटी जिसकी सबसे ज्यादा होती है उसको बोलते हैं डोमिनेंट वेवलेंथ, करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। अब जैसे कोई येलो कलर का बल्ब है जिससे येलो कलर की लाइट निकली तो उसका येलो उसकी डोमिनेंट है भाई। जो हम लोगों का रिमोट होता है उससे रेड कलर की जो एक छोटी सी LED लगी होती है उसका मतलब उसमें डोमिनेंट कलर रेड है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। बाकी ऐसा नहीं कि रेड ही होगी, बाकी भी कलर होंगे बट उनकी इंटेंसिटी इतनी कम होगी कि डोमिनेटेड कर रही है। तो जो डोमिनेंट वेवलेंथ होती है वो पाया गया कि बॉडी के टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
जो डोमिनेंट वेवलेंथ होती है वो बॉडी के टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हम टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, उसकी जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो रेडिएशन का नेचर है वो चेंज होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो डोमिनेंट वेवलेंथ होती है वो घटती है। ऑब्वियसली जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा एनर्जी की वेव्स निकलेंगे, और ज्यादा एनर्जी E=h, ज्यादा फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी जब बढ़ती है तो वेवलेंथ घटती है। तो फिर से बोल रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा, फ्रिक्वेंसी बढ़ी तो वेवलेंथ घटी। तो टेम्परेचर बढ़ने पर वेवलेंथ घटना मतलब प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसी लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/T इनवर्स रिलेशनशिप को वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं लैम्डा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/T, टी इधर ले और प्रोपोर्शनल डेटा के कांस्टेंट लगा दो, तो लैम्डा एम टी = b। इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये स्टेटमेंट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, इसमें जो b होता है इसको बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट। और इसी के लिए तो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि हमें इसी की डायमेंशन निकालनी है, वीन्स कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए। हमें किसकी डायमेंशन चाहिए? हमें वीन्स कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए। वीन्स कांस्टेंट की डायमेंशन, वीन्स कांस्टेंट की डायमेंशन, ये सब मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे वीन्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना, ये जेई मेंस और नीट में पूछ सकते हैं, जेई एडवांस लेवल का तो क्वेश्चन नहीं है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको जैसे किसी क्वेश्चन में यूज कर लिया। अभी मैं डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वांटिटी क्यू है वो Q1 Q2 Q3 पे डिपेंड करती है, बताओ क्यू का Q1 Q2 Q3 के टर्म में एक्सप्रेशन क्या होगा। डायमेंशनल एनालिसिस के जो नीट में क्वेश्चन आते हैं, जेईई में क्वेश्चन आते हैं, वो हमेशा ऐसे ही होते हैं कि एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी ले लेंगे क्यू, वो डिपेंड करती है इस पे इस पे इस पे, बताओ इनके टर्म में उसका एक्सप्रेशन क्या है। चार ऑप्शन दिए होंगे अलग अलग पावर्स के साथ, और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्वांटिटी की वो जो Q1 Q2 Q3 उनकी डायमेंशन ही नहीं पता होगी तो आप वो डिराइव ही नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मैं बता रहा था, आपको वीन्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना पता होना चाहिए। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ मैंने बताया, वीन्स कांस्टेंट इसमें क्या है, तो बी है, बी बी एक कांस्टेंट है, तो वीन्स कांस्टेंट की डायमेंशन, बी की डायमेंशन निकालते हैं। लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ मैंने कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं, लेंथ है तो उसकी डायमेंशन एल होगी। तो ये देखिए, ये लिखा L की पावर 1, T टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की क्या होगी भाई, टेम्परेचर केल्विन के, तो ये बन गया L की पावर 1 K की पावर 1, वीन्स कांस्टेंट की डायमेंशन, L की पावर 1 K की पावर 1, और जो नहीं है उनकी पावर 0 लिखनी होती, तो m0, L की पावर 1, T की पावर 0, K की पावर 1, ये हो गया वीन्स कांस्टेंट की डायमेंशन। तो आई थिंक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जिन जिन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ सकती थी, हीट बताया, टेम्परेचर ग्रेडियंट बताया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताया, लेटेंट हीट बताया, थर्मल कंडक्टिविटी बताया, स्टीफेंस कांस्टेंट बताया, वीन्स कांस्टेंट बताया, तो आई थिंक मैंने सारी जितनी भी क्वांटिटीज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में यूज हो सकती थी सारी करा दी। मैकेनिक्स की सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन करा दी। अगर किसी को कोई लग रहा है कि रह गई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, मैं अभी कमेंट बॉक्स से आपका देख के बताता हूँ। अभी मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, पानी पीऊंगा, आपके कमेंट बॉक्स रीड करूंगा कमेंट, और मैं सारी बता दूंगा। तो मैकेनिक्स की मैंने सारी करा दी, हीट ने थर्मोडायनेमिक्स की सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन करा दी। अभी के अभी 2 मिनट के ब्रेक के बाद आपको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सारी क्वांटिटीज की कराऊंगा, फिर मॉडर्न फिजिक्स में अगर कोई यूज होती है तो कराऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में इटसेल्फ बहुत सारी क्वांटिटीज यूज होती हैं, वो सारी की सारी मैं अभी कभी कराऊंगा, और उसकी काफी यूज भी होती है, काफी इंपॉर्टेंट भी होती है। तो मैं ब्रेक ले रहा हूं, 1 मिनट का, पानी पीऊंगा और आपके कमेंट रीड करूंगा, और कमेंट्स में अगर कोई आपको चीज पूछनी है तो अभी कभी पूछ लो। आई थिंक मैंने कमेंट बॉक्स रीड किया,
सम गाय वॉज आस्किंग अबाउट इंग्लिश कॉपी चेकिंग. आई डोंट नो वाई ही वॉज आस्किंग. अभी तो हम लोग फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस की क्लास ले रहे हैं, तो ये हमारा मेन इशू है. बट इंग्लिश की कॉपी चेक क्या हो रही है उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं. बट गिव मी सम टाइम, आफ्टर दिस क्लास आई कैन रिस्पॉन्ड. किसी को डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड कोई डाउट हो, रिलीवेंट पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. किसी ने रिलीवेंट पूछा था कि नीट के प्रीवियस ईयर का वो क्वेश्चन वगैरह, तो मैं बता दूंगा, उसमें भी आ जाऊंगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे. इनफैक्ट नीट और जेई मेन्स में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं जरूर बताऊंगा, और उनको जरूर जो है इसकी एक सीरीज ही बना दूंगा वीडियो लेक्चर्स की, नीट और जेई मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के. बट स्टिल चलो आगे बढ़ते हैं. आई थिंक आवाज़ तो आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज़ तो आ रही है ना सबको? किसी को कोई दिक्कत साउंड की? ठीक, चलो मूव ऑन कर जाते हैं नेक्स्ट. इस पे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, सारी क्वांटिटीज. हम लोग आगे बढ़ते हैं. बल्क मॉडल्स मैंने करा दिया था, सेंटीपेटल एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन है, एल टी माइनस टू होगा, स्टीफन कॉन्स्टेंट करा दिया, वीन्स कॉन्स्टेंट करा दिया, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट. चलिए भाई बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट भी कर लेते हैं. बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट होता क्या है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये एक हमारा रह गया था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, ये भी कवर कर लेते हैं. बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट की डायमेंशन निकालनी है. बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ कर दूं, तब बताऊंगा उसके डायमेंशन. बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट देखो होता क्या है कि जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं किसी बॉडी को, हम जब हम बोलते हैं ना बेटे टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर कम है, तो उसका मतलब क्या है? टेम्परेचर कहीं ना कहीं बॉडी के मॉलिक्यूल्स के मोशन से रिलेटेड होता है. किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स जितना फास्टली चलेंगे उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, वैसे वर्षा टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स उतना फास्टली चलेंगे. टेम्परेचर इज फास्टनेस और स्लोनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के मोशन से रिलेटेड है, ये सही बात है. और मॉलिक्यूल का जो मोशन होगा तो मॉलिक्यूल की कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, सही में होती है. और मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशन रोटेशन जुड़ जुड़ के, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही तो सारी कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी की. तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस करते हैं. अभी मेरा पर्पज ये बताना कि अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी देखें, किसी एक मॉलिक्यूल की, और सिर्फ ट्रांसलेशन की देखें, रोटेशन वोटेशन की ना देखें, तो किसी एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन की वजह से जो एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफकोर्स टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है, टेम्परेचर की वजह से ही आती है. टेम्परेचर अगर जीरो कर दो, एब्सोल्यूट जीरो, -273.15 डिग्री सेल्सियस, कोई मोशन नहीं, कोई एनर्जी नहीं, समझ में आया? और टेम्परेचर भी जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पे मोशन भी जीरो, मोशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के इंटर रिलेटेड प्रोपोर्शनल फिनोमेना है. तो एनर्जी एक मॉलिक्यूल की 3/2 kBT, 3/2 कांस्टेंट है. के बी जो आ रहा है, टी ऑफ कोर्स टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, के बी जो आ रहा है वही है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ये बोल्ट्जमैन एक तरीके से आप समझते हैं बोल्ट्जमैन का कंट्रीब्यूशन था मॉलिक्यूल्स के मोशन को समझाने में. बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी हम लोग करते हैं जब KTG पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी करते हैं. तो उसमें ये जो के बी यूज होता है ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए, करते हैं भाई. तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी की डायमेंशन बनेगी ए अपॉन टी, ए एनर्जी है तो बनेगा ML2T-2, और टी टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को के लिखना, गलती मत करना, टेम्परेचर को टी ना लिख के छोड़ देना, टी यहाँ पे टाइम होता है, के ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा ML2T-2K-1, ML2T-2K-1, ML2T-2K-1. तो ये डायमेंशन किसकी बन गई? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की. किसकी बन गई? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन. ठीक, तो आई थिंक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन भी हम लोग सीख गए. देखते हैं भाई और कौन कौन सा बच्चा है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हो गया, देखिए ML2T-2K-1. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अब आप उसको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करो, चाहे आप उसको केमिस्ट्री से रिलेट करो, चाहे आप उसको गैसेस लॉ से रिलेट करो, कहीं हर जगह, बहुत जगह यूज होता है. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने को जब भी आए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो इक्वेशन आनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग निकालें वो आ भी चुकी होगी, तो वो है PV=nRT. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना आना चाहिए. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर
जब भी बात चलेगी तो आपको इक्वेशन याद ही आ जाएगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में हमें आर की डायमेंशन चाहिए। किसकी डायमेंशन चाहिए? आर। करते हैं आर के डायमेंशन, पीवी अपॉन एनटी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग भी रख सकते हो, रखेंगे भी, बट एक ट्रिक बता रहा हूं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डायमेंशनली क्या बताता है? पी डेल्टा वी, वर्क डन बताता है। तो पी डेल्टा वी सीधे सीधे वर्क एमएल टू टी माइनस टू रख सकते हो, रख सकते हो, ना रखना चाहो तो अलग अलग रख लो भाई। प्रेशर एमएल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम एल क्यूब, बात वही, देखो एल क्यूब से एल माइनस वन जाएगा थ्री माइनस वन, तो ये एमएल टू टी माइनस टू वही तो आ गया, वर्क एनर्जी का, प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क के डायमेंशन के इक्वल है। ये हो गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एन टी, एन क्या हो गया मोल, टी है टेम्परेचर, तो क्या लिख लिया के, तो ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया एम एल टू टी माइनस टू मोल माइनस वन के माइनस वन। देखिए ऐसी क्वांटिटी है आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो पांच फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, बस ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं यूज हो रहा है और करंट नहीं यूज हो रहा है, बाकी तो सब आ रहा है इसमें। क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन? एम एल टू टी माइनस टू मोल माइनस वन के माइनस वन। तो ये कैसे निकाला? PV इज इक्वल टू एनआरटी। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी आई थिंक समझ गए होंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना। मूव ऑन करते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया। मैंने बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्ज से। चार्ज, करंट डेंसिटी, वोल्टेज रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और कौन कौन सी है, और कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईएमएफ, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, परमिटिविटी, कंडक्टेंस, पावर, इम्पीडेंस, एडमिटेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, भाई बहुत सारी है। प्लैंक कांस्टेंट तो कर ही लिया था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फोकल ऑप्टिक्स की आ जाएंगी कुछ। तो एक काम करते हैं, एक एक करके निपटाना स्टार्ट करते हैं, तभी हो पाया। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, उन सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालने जा रहे हैं वन बाई वन। सबसे पहले स्टार्ट, बिल्कुल ऑर्डर से चलेंगे, बिल्कुल परेशान मत होना, ऑर्डर से चलेंगे। सबसे पहले वो क्वांटिटीज करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती हैं, वन बाई वन सारी करेंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी। सबसे पहली जो हम लोग क्वांटिटी पढ़ते हैं वो है चार्ज। जब भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म की बात चलेगी, जो सबसे पहली क्वांटिटी आएगी वो है चार्ज। चार्ज, चार्ज फंडामेंटल जरूर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ करंट बाद में आई, चार्ज पहले आए, करंट होता ही फ्लो ऑफ चार्ज है, लेकिन फिजिक्स में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसमें करंट को रखा गया है, चार्ज को नहीं रखा गया है, क्योंकि करंट इजीली मेजरेबल है, ऑब्जर्वेबल है। भाई चार्ज हमारा इतनी इजीली मेजरेबल है, ऑब्जर्वेबल तो ही ना है, बट करंट हम लोग मेजर भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, इसलिए करंट को फंडामेंटल रखा गया, बट चार्ज चाहिए तो फंडामेंटल यानी कि करंट के टर्म से लिखना पड़ेगा। तो चार्ज और करंट में क्या रिलेशन है? तो देखिए भैया, चार्ज की डायमेंशन निकालने के लिए करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी यूज कर लें। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू यानी कि जो चार्ज है वो I डेल्टा टी हो गया, I डेल्टा टी, I एम्पियर, A डेल्टा टी टाइम, T पावर वन ही आ रही है, ए की पावर वन, डे की पावर वन। तो ये हो गया हमारा चार्ज की डायमेंशन। क्या होगी चार्ज की डायमेंशन? ए टू द पावर वन टी टू द पावर वन। चार्ज की डायमेंशन ए टू द पावर वन टी टू द पावर वन, चार्ज की डायमेंशन निकल आई ए टू द पावर वन टी टू द पावर वन। आगे बढ़ते हैं, चार्ज के बाद हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। जिस तरीके से, जिस ऑर्डर में हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, उसी ऑर्डर में मैं कराऊंगा। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो भाई, नहीं उसी ऑर्डर में चलते हैं। तो अगली हम लोग जो क्वांटिटी करेंगे, मैंने बताया ना चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, तो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स क्या करना है भाई? कूलम फोर्स हो चाहे कोई भी फोर्स, फोर्स तो न्यूटन
और उसकी डायमेंशन एमएलटी माइनस टू ही होनी है। तो यहां पे मैं कूलम फोर्स से रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी करने वाला हूं। कूलम फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 r2 जो होता है कूलम फोर्स का फॉर्मूला, F=1/4πε0 Q1 Q2 r2, F=1/4πε0 Q1 Q2 r2, यही होता है फॉर्मूला। करते हैं इसमें क्या, फोर्स हमको पता है, Q1 Q2 चार्जेस पता है, r डिस्टेंस पता है, तो पता क्या नहीं है, 4π, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.86 न्यूटन पर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन अगर पूछी जाए, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी की डायमेंशन के लिए जब भी आए तो आप कूलम्स लॉ लिखो, पर अब मुझे एप्सिलॉन की डायमेंशन निकालनी है। एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट में डिफरेंस इतना है कि एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम का है, एप्सिलॉन इन जनरल टर्म है जो किसी मीडियम के लिए हो सकता है। ये बताऊंगा एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो डायमेंशनलेस नंबर होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन सेम है। तो एप्सिलॉन की डायमेंशन अगर पूछे तो इधर ले आओ, Q1 Q2 दोनों चार्ज है तो 80, 2 × 80 तो a² d² r² l² फोर्स नीचे लाओगे तो एमएलटी माइनस टू क्या बन गया, m^-1 m हट गया और अडो भाई क्या क्या हट जाएगा, m हट गया, l l यहां पे l क्यूब बन चुका होगा, ऊपर आएगा तो l^-3 चलो ये हट गया, टाइम ये उधर आके जुड़ जाएगा तो t^4 और a^2 ये रहा a^2। तो ये हो गई परमिटिविटी की डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, m^-1 l^-3 t^4 a^2। रटने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद नहीं याद है और मैं तुमको सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि तुम उसको याद करो या रटो। तुमको सिर्फ इतना करना है कि तुमको फॉर्मूला याद रखना है कि कहां से डिराइव किया गया। तो परमिटिविटी आएगा तो भैया क्या याद रखोगे, f=1/4πε0 Q1 Q2 r2 याद रखना। और फॉर्मूले में f=1/4πε0 Q1 Q2 r2 में Q1 Q2 रखना, R रखना, F रखना, तो एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी निकल आएगा। चाहे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पूछे चाहे परमिटिविटी पूछे सिर्फ, तो दोनों में सेम बताना। अब जब मैं परमिटिविटी बता ही रहा हूं तो एक और चीज बता दूं, जब किसी मीडियम में जाते हैं तो एप्सिलॉन नॉट बनता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। जब हम किसी मीडियम में जाते हैं तो एप्सिलॉन बनता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसकी डायमेंशन क्या होती, तो कैसे निकालोगे भाई, भाई ये तो सेम डायमेंशन होते, ये एक नंबर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी सभी डिनोट करते हैं, वन से इंफिनिटी का नंबर होता है, नंबर क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। तो ये वाला टर्म है डायमेंशनलेस, आई डोंट नो इस कलर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो कलर भी चेंज करता रहता हूं, ये वाला है डायमेंशनलेस। इनकी दोनों की डायमेंशन सेम है, जो भी कूलम्स लॉ से निकाली थी वही वाली डायमेंशन इनकी डायमेंशन है। तो हम लोगों ने किसकी किसकी कर ली, चार्ज की कर ली, परमिटिविटी कर लिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कर लिया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कर लिया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर लिया। अगली क्वांटिटी पे मूव करते हैं, तो अगली क्वांटिटी के लिए मैं पेज जोड़ता जाता हूं, जितने पेज जोड़ने जोड़ो भैया, डोंट वरी बी हैप्पी। तो अगला करते हैं हम लोग बिल्कुल उसी ऑर्डर में कर रहे हैं, इस ऑर्डर में अपने सिलेबस में करते हैं एनसीईआरटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम अगली चीज पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि भाई ठीक है भाई, कूलम्स लॉ, फोर्स वगैरह सब सही है, हमको मालूम है कि किसी चार्ज के चारों तरफ का जो रीजन होता है जिसमें चार्ज फोर्स लगा सकता है, उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस रीजन को जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज,
ऑब्वियसली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वेयर टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज एज्यूम टू बी पॉजिटिव, ये पूरी डिफिनेशन होती है, बट मैथमेटिकली मैं फोकस करने वाला था क्योंकि मुझे तो खाली डायमेंशन ही चाहिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, इसकी मुझे डायमेंशन चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज की मुझको डायमेंशन चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज की डायमेंशन चाहिए. करते हैं फोर्स एमएलटी माइनस टू. फोर्स क्या कर रहे हैं बोलो, एमएलटी माइनस टू डिवाइड बाई चार्ज. चार्ज को क्या लिख लें, 80. चार्ज को क्या लिख लें, 80. सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन. ये हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन. कैसे निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, इसकी डायमेंशन निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. आगे बढ़ते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ रहे, चार्ज हो गया, परमिटिविटी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई. नेक्स्ट टर्म हम लोग क्या करते हैं, तो नेक्स्ट टर्म हम लोग अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जैसे लाइन चार्ज की निकालते हैं, याद है कुछ, 2k λ/r, प्लेन शीट की निकालते हैं, σ/2ε0, कंडक्टिंग की σ/ε0, पॉइंट चार्ज की k³/r², अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग एक लॉ यूज करते हैं, गॉस लॉ. और गॉस लॉ का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगली हमारी क्वांटिटी उसी से रिलेटेड है, क्योंकि गॉस लॉ लगाने के लिए एक वर्ड यूज करना पड़ता है, एक टर्म यूज होता है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. इलेक्ट्रिक फ्लक्स बस यही निकालना था मुझे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आती है गॉस लॉ को यूज करने में. भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन चाहिए. क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, उससे फील्ड लाइंस पास कर रही है, नॉर्मली हिट करते हुए जा रही हैं, तो जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सरफेस को हिट करते हुए जाएं, परपेंडिकुलर हिट करते हुए अक्रॉस जाएं सरफेस के, ऐसे यूं हिट करते हुए जाएं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही फ्लक्स होता है. यह अलग बात है कि मैथमेटिकली निकालते हैं φ = E×A, ये एरिया यहां पे परपेंडिकुलर एरिया है, और अगर कुछ एंगल बनना होता है तो फ्लक्स EA cos θ, डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं E.A. अब वो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे डायमेंशन चाहिए, तो मैं EA cos θ लिख के क्या करूँ फायदा, अभी मुझे प्रॉपर डिफिनेशन नहीं करनी है, तो खाली डायमेंशन के लिए मुझे बेसिक पे फोकस करना है. φ = E लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, तो क्या करें बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन अभी निकाली, रख दें मल्टीप्लाई बाय एरिया. अब तुम बोलोगे मुझे याद थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, भाई जैसे तुमको नहीं याद रहती मुझे भी नहीं याद रहती, हो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है. वॉट यू हैव टू डू, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायमेंशन निकालना आना चाहिए, फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो लिखो फोर्स एमएलटी माइनस टू, चार्ज 80, और एरिया ये ए मत लिख देना, एरिया एल स्क्वायर. क्या करें, एम एल की पावर 3, टी की पावर -3, ए की पावर -1. सॉल्व कर लिया, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है. ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू कीप इन माइंड विच फॉर्मूला यू हैव टू यूज. अब इसे फ्लक्स है तो E×A, आपने E भी मैंने याद नहीं रखा, भाई E भी मैंने अभी देखो आपके सामने तो निकाला, E निकाला, A एल स्क्वायर एरिया रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया. और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी. तो जो पहला चैप्टर है 12 की फिजिक्स का, उसमें देखिए चार्ज हो गया, परमिटिविटी हो गया, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, गॉस लॉ बता रहा था मैं. तो गॉस लॉ क्या होता है, इंटीग्रल E.ds = Q(εO)। फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है. अब देखो फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट में फ्लक्स आपको पता है, चार्ज की डायमेंशन पता है, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पता है. अगर आप रख के देखोगे तो LHS और RHS की डायमेंशन सेम भी आएगी, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, बिल्कुल सही बात है. तो यहां तक तो आपको सब पता है, तो यहां तक मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे बढ़ते हैं, नए चैप्टर में आते हैं, तो उसमें बहुत सारी क्वांटिटी मिलेंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले में. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पहली क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी.
दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर। दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो आपको ये जो है निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर। एक तो तरीका ये कि आप के रखो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, खुद हेडेक का काम। क्यू वन क्यू टू रखो फिर आर रखो तब निकालो। भैया दूसरा तरीका भी तो है ज्यादा आसान, भैया एनर्जी है, एनर्जी एनर्जी कोई भी हो एक ही डायमेंशन रहेगी, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। क्या रखोगे एनर्जी की डायमेंशन? एम एल टू टी माइनस टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टू टी माइनस टू। लाइक ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कोई नई चीज तो ना कर रहे हैं, हर फॉर्म ऑफ एनर्जी यही होती है एम एल टू टी माइनस टू। आगे बढ़ते हैं क्योंकि तो अगला वाला इससे यूज होना है और बड़ा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल। जब पोटेंशियल एनर्जी पहुंच जाते हैं तो पोटेंशियल की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको पोटेंशियल पूछा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जरूर इंपॉर्टेंट है और 100% आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन निकालना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी, अब मैं अगर पूछूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ फॉर्मूला डिफिनेशन, तो डिफिनेशन लोग बताने लगेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू द डेड पॉइंट, पता नहीं क्या क्या बताने लगेंगे। तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इतना बोल दो बहुत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी जूल में, चार्ज किस में? कूलम में। तो क्या बनी? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट। जूल पर कूलम को वोल्ट बोल देते हैं साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए वोल्ट, पर कोई जरूरत नहीं है, तुम उसको किलोग्राम मीटर सेकंड और एम्पियर वेम्पियर के टर्म में लिख सकते हो, लेकिन हम लोग वो अपने हेडेक बचाने के लिए डिराइव क्वांटिटीज को भी कुछ कुछ हम लोग नाम देते रहते हैं। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो लिखो V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U अपॉन चार्ज, क्या लिखो? Q। V को लिखो U बाई Q, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? ML2 T माइनस टू। चार्ज क्या लिखोगे? AT। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ML2 T माइनस टू, चार्ज क्या लिखा? AT। क्या बन गई डायमेंशन? क्या बन गई डायमेंशन? तो देखो एम एम एल टू एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये हो गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन। एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन? एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन से ज्यादा, आपको क्योंकि याद तो नहीं पाओगे कितनी क्वांटिटीज की डायमेंशन रटोगे, तो आप ये याद रखो पोटेंशियल की डायमेंशन निकाली कैसे। आपने निकाली पोटेंशियल की डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज से, बस इतना याद रखना। ऊपर एनर्जी है एमएल टू टी माइनस टू, चार्ज एटी रख दोगे तुरंत का तुरंत निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो उस चैप्टर में जब हम पोटेंशियल पे आते हैं तो पोटेंशियल से रिलेटेड और टर्म्स की जरूरत पड़ती है। पोटेंशियल से रिलेटेड और टर्म की भाई क्या जरूरत पड़ती है? अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। अब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था और मैं कैसे स्किप कर गया पता नहीं, लेकिन अब कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट, इसकी डायमेंशन निकालनी है। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? डायपोल दो पोल, एक माइनस एक प्लस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल सेपरेशन, स्मॉल डिस्टेंस, डायपोल कहलाता है। क्या होता है डायपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल सेपरेशन डायपोल कहलाता है। टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल सेपरेशन, ये सिस्टम क्या कहलाता है? डायपोल। तो माइनस क्यू प्लस क्यू पास पास रखें, डायपोल है। मान लेते हैं चार्जेस के बीच में सेपरेशन एल है। कई बुक्स में एनसीईआरटी में 12 लिया कर रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एल मान लो 12 मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेपरेशन मेन चीज है सेपरेशन। तो जो डायपोल मोमेंट होता है पी,
डायपोल मोमेंट को पी से नोट करते हैं, वो होता है इनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्यू लिख लूं, सेपरेशन को एल लिख लूं, तो डायपोल मोमेंट होगा क्यू इंटू एल। डायपोल मोमेंट क्या होगा? क्यू इंटू एल, तो क्यू चार्ज इंटू सेपरेशन। तो क्यू 80 लिख लो, सेपरेशन एल लिख लो, तो बन गया एल की पावर 1, टी की पावर 1, ए की पावर 1, और जो नहीं आ रही वो 0। डायपोल मोमेंट हो गया, खल्लास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी। तो हम लोगों ने देखे काफी सारी क्वांटिटीज निपटा डाली, चार्ज निपटा डाला, परमिटिविटी निपटा डाली, इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया, फिर हम लोगों ने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किया, पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आधा चैप्टर कैपेसिटर के भी ऊपर है, तो जो कैपेसिटर वाले सेगमेंट में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ते हैं और कैपेसिटर्स के बारे में समझते हैं कि कैपेसिटर्स एक चार्ज होल्डिंग डिवाइस है, एनर्जी होल्डिंग डिवाइस है। कंडक्टर्स होते हैं जो चार्ज होल्ड करते हैं, चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी स्टोर करते हैं। तो कैपेसिटर्स की इस चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस, जैसे रजिस्टर का रजिस्टेंस, इंडक्टर का इंडक्टेंस, वैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है। तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कैपेसिटर है, दो कंडक्टर से मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के सिस्टम पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वी। तो कैपेसिटेंस का बेसिक इक्वेशन, बेसिक फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू सी वी। कैपेसिटेंस की बेसिक इक्वेशन होती है क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो क्यू इज इक्वल टू सी वी में सी हमें निकालना है, तो सी कैसे निकालेंगे? क्यू अपॉन वी करके। सी कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस की डायमेंशन? क्यू अपॉन वी करके। तो क्यू अपॉन वी करते हैं, तो क्यू लिखेंगे चार्ज 80, ए की पावर 1, टी की पावर 1, वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फिर भूल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप भी भूल सकते हो, मैं भी भूलूंगा, और याद रखना भी नहीं है भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन कितने की रटोगे, लेकिन तरीका याद रखो। क्या बताया था अभी दो मिनट पहले? बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये बड़े लिख लोगे, पोटेंशियल एनर्जी को लिखो ML2T-2 अपॉन चार्ज को लिख लो 80। आसानी से हो गया पोटेंशियल। अब देखो कैपेसिटेंस निकालना है, क्या करें? लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में बोलो क्या करें? M और कहीं M नहीं है, ऊपर आ गया M-1। L की पावर 2 और कहीं है क्या? नहीं है, L-2, ये नहीं पड़ गया। T-2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, वैसे ही दो यहाँ पे हैं, तो T की पावर 4। A की दो जुड़ जाएंगी, A की पावर 2। तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, M-1 L-2 T टू द पावर 4 A टू द पावर 2। ये आपके डायमेंशनल फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तक सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल ली। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट और उसके बियॉन्ड जो चैप्टर्स हैं उनमें जो जो क्वांटिटीज होती हैं उनके भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला आज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसी के बाद में विद इन 2 आवर 3 आवर एक अगली क्लास करेंगे जिसमें अगली क्वांटिटीज की डायमेंशन करेंगे, बिकॉज आई एम हंग्री नाउ। तो हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे और डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोगों ने कई सारी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालना सीख लिया था। आई थिंक आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियोस को फॉलो किया होगा, लेक्चर्स को फॉलो किया होगा। हम लोग अभी इसके आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी क्वांटिटीज रह भी गई थी। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की आई थिंक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ तक कर लिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके बियॉन्ड की क्वांटिटीज हम लोगों को करनी थी, करते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हर बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए। मैंने बताया था डायमेंशंस होती क्या हैं। वेन एवर वी राइट डिराइव क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, पावर्स और एक्सपोनेंट्स विच आर रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। डायमेंशंस वो पावर होती हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पे रेज करते हैं टू एक्सप्रेस द डिराइव क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए जो पावर यूज करते हैं वो डायमेंशन होती हैं। फिर हम लोगों ने क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखा और उसमें छोटी छोटी बातें भी सीखी कि डायमेंशन क्वांटिटी का बेसिक नेचर होता है। ये अगर सिमिलर टाइप की नेचर की क्वांटिटीज होती तो डायमेंशन सेम होती है, बट अगर डायमेंशन सेम हो तो क्वांटिटी का नेचर सेम होना जरूरी नहीं है।
डायमेंशन का यूनिट के साथ रिलेशन जरूर है, बट ऐसा नहीं कि यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है, बट डायमेंशनलेस है तो जरूरी नहीं कि यूनिटलेस भी हो, ऐसा कोई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो इट मे और मे नॉट हैव ए यूनिट। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालनी सीखी, और मैकेनिक्स की सारी कर ली थी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की सारी कर ली थी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आई थिंक कैपेसिटेंस तक सारी कर ली थी। उसके आगे बढ़ते हैं, उसके बियॉन्ड मूव करते हैं और कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालने की बात तक रुकेंगे नहीं, क्वांटिटीज जो बची हैं उनकी डायमेंशन निकाल लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी सीखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन सीखेंगे, और डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन ही हैं जो नीट और जेई में पूछे जाते हैं। मैं नीट में आए हुए, जेई में आए हुए क्वेश्चंस भी कराऊंगा, नीट में आए हुए और जेई में आए हुए क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो हम पूछे गए हैं, तो सारी चीजें करेंगे हम लोग, बट उससे पहले हम लोग जो है जो बची खुची क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई थिंक हम लोगों ने कर लिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आगे बढ़ते हैं। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ बताओ, ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ हाय, ओके हाय। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्कडन पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं। ईएमएफ भी समझ लो ऐसे ही है, ईएमएफ किसी सेल के लिए ऑफकोर्स बात की जा रही है, तो ईएमएफ किसी सेल का ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक चार्ज को अगर हम किसी सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में चलाएं तो जो भी वर्कडन पर यूनिट चार्ज होगा वो उस सेल का ईएमएफ होता है, और ईएमएफ किसी भी सेल का अगर हम उसके एंड्स के अक्रॉस हम लोग उसके वोल्टेज मेजर करने की कोशिश करें, तब जब सेल में कोई भी करंट पास ना कर रही हो, सेल ओपन सर्किट हो, तो उसको ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ इज द ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो इसकी डायमेंशन भी पोटेंशियल की होगी, तो EMF यानी कि पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे निकालोगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कैसे निकालोगे वर्क डन पर चार्ज की डायमेंशन? वर्क डन यानी कि एनर्जी, ML टू T माइनस 2, और चार्ज को क्या लिखोगे? Q इज इक्वल टू IT से AT, तो ML टू T माइनस 2 डिवाइडेड बाई AT, तो ML टू T माइनस 3 A माइनस 1, ये हो गई हमारी EMF की डायमेंशन। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, कैपेसिटेंस की बात चल रही है ऑफकोर्स। कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस की डायमेंशन? Q इज इक्वल टू CV से, Q इज इक्वल टू CV से, C इज इक्वल टू Q बाई V करके निकाल चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं निकाला। आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अभी नहीं निकाला था हम लोगों ने, रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालते हैं। ठीक, चलो करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जैसे ही बोलेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी कंडक्टर में जब करंट चलती है तो करंट के चलने में जो अपोजिशन आता है, किसी कंडक्टर से जब करंट चलती है तो करंट के चलने में जो अपोजिशन आता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। कैसे निकालते हैं? तो रेजिस्टेंस हम लोग ओम्स लॉ से निकालते हैं। वैसे तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला रो एल अपॉन ए है, रेजिस्टिविटी, बट रेजिस्टिविटी भी हमें डायमेंशनली नहीं पता है, हम तो वो यूज करेंगे जो हमें नोन है। तो वी इज इक्वल टू आई आर में वी वोल्टेज नोन है, आई करंट नोन है, R की डायमेंशन निकाल सकते हैं, बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो ऐसा हम लोगों को इक्वेशन ढूंढनी थी, बाकी जिसमें पता हो खाली R ना पता हो, तो V इज इक्वल टू आई आर बेस्ट है उसके लिए। V इज इक्वल टू आई आर करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, R की डायमेंशन निकालनी है तो R को लिखा मैंने V अपॉन आई। V हर बार जब भी V आता है तो मैं भूल जाता हूं डायमेंशन, और आप भी भूल जाओगे, तो इसीलिए तो कह रहा हूं याद करने की जरूरत ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, भूलो चाहे याद करो, समझ लो। तो बताओ कैसे? V वर्कडन पर यूनिट चार्ज, ये रहा वर्कडन, ML टू T माइनस 2, वर्कडन और एनर्जी की डायमेंशन ML टू T माइनस 2, चार्ज Q इज इक्वल टू IT, AT, और I ये तो करंट है, इसकी भी डायमेंशनली A से लिखेंगे, A एम्पियर। तो क्या बन गया ये? ML टू T माइनस 3 ये माइनस 1 और A माइनस 2, ML टू T माइनस 3 A माइनस 2, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन। सिर्फ इतना याद रखना V इज इक्वल टू आई आर करना है, और उसके बाद V और I की तो पता ही है, R के निकाल लेंगे। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अभी तक किसी को डाउट? जितने भी लोग हैं ऑनलाइन, राठौड़ सुखमंतला, ओके, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट टाइप इट आउट, आप उसको चैट में टाइप कर दो, वट एवर डाउट विल बी देयर आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो अभी तक आई थिंक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही तो डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, नथिंग एल्स। मूव ऑन करते हैं हम लोग अगली क्वांटिटी पे। मैंने बोला था कि आर एक बार निकल आया,
तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से हम लोग रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं. लेट्स ट्राई इट आउट. आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. आर हमको पता है, एल पता है, ए पता है. क्या ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, तो उस वायर का, उस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. क्या करें बताओ. आर अभी हम लोगों ने निकाली, आर अभी हम लोगों ने निकाली, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू. रो हमको निकालना है, रो हमको निकालना है. एल अपॉन ए ऊपर लेंथ, नीचे एरिया एल स्क्वायर. एल से एल स्क्वायर कट जाएगा, काट देते हैं एक एल, एक एल बचेगा इधर ले आओगे तो बन जाएगा एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू. रेजिस्टिविटी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो रेजिस्टिविटी की डायमेंशन निकल आएगी. आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. आगे बढ़ते हैं अगली क्वांटिटी. ये भी हो गया भाई रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, तो जो मटेरियल ज्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस कम होती है, ये तो बोलते हैं. ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस कम होती है उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है. तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस एक दूसरे के इनवर्स फिनोमेना है. तो रेजिस्टिविटी अभी हम लोगों ने निकाला रो, तो कंडक्टिविटी सिग्मा उसका इनवर्स होती है. तो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो. कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्स होती है. सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो. तो अगर आपको रो पता है तो सिग्मा भी निकल आएगा. सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो से. तो क्या करें, रो भी हम लोगों ने निकाला था भैया, ये रहा रो. सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी, इसका इन्वर्स कर दें तो इन्वर्स करने में क्या बड़ी चीज करनी है, जहां एम की पावर वन है वो एम की पावर माइनस वन बन जाएगा, एल की पावर थ्री है ये एल की पावर माइनस थ्री बन जाएगा, टी की पावर माइनस थ्री है टी की पावर प्लस थ्री बन जाएगा, ए की पावर माइनस टू है ये ए की पावर प्लस टू बन जाएगा. तो हमारे पास कंडक्टिविटी भी आ गई और रेजिस्टिविटी भी आ गई. तो इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में किनकी जरूरत पड़ती थी भाई, सेल के ईएमएफ हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया. ज्यादा ज्यादा एक और टर्म जरूरत पड़ सकती, करंट डेंसिटी. क्या होती है करंट डेंसिटी, निकेश हरिकेश प्रजापति, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी. हरिकेश प्रजापति जस्ट मैंने अभी, जो जस्ट मैंने क्लास अभी ली थी उसमें डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी की थी, बट अगर तुम पूछना चाहते हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ. देखो विस्कोसिटी निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओ स्टोक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई एटा आर वी. अगर आपको विस्कस फोर्स, लिक्विड की लेयर के बीच में विस्कस फोर्स एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई एटा आर वी का फॉर्मूला पता है, तो आप विस्कोसिटी बड़ी इजीली निकाल सकते हो. एफ एम एल टी माइनस टू, सिक्स पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, ईटा निकालना है, आर है रेडियस एक बॉल की, रेडियस स्फेरिकल बॉल की, तो एल लग दो, वी है वेलोसिटी जितने से वो चल रही है, एल टी माइनस वन, सॉल्व कर लो ईटा निकल आएगा, आता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन अभी हम लोगों ने इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में निकाली थी, तो हम लोग वो कर चुके हैं. मैकेनिक्स की निकाल चुके हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी काफी कुछ निकाल चुके हैं. अभी ने बताया ना, सेल का ईएमएफ हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, रेजिस्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई, कंडक्टिविटी हो गई, मैं बात कर रहा था करंट डेंसिटी की. ठीक, तो आई थिंक हो गया होगा. प्रजापति जी आपका हो गया, राठौर जी कोई डाउट, आगे बढ़े. ठीक चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. हो गया ना, समझ में आ गया डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी. रिकेश प्रजापति, यस नो, जो भी वो बता दो. ठीक है आगे बढ़े, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली क्वांटिटी लेते हैं. मैं बता रहा था करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में करंट जा रही है आई, क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, तो करंट डेंसिटी जे इज डिफाइंड एज करंट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया. जितनी करंट जा रही है इसको नॉर्मल अक्रॉस ऐसे कट करते हुए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो जितनी करंट जा रही है पर यूनिट एरिया आई अपॉन ए, उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं.
क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो करंट डेंसिटी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं खाली। करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, बताओ क्या हुई डायमेंशन। तो कोई भी डायमेंशन याद नहीं रखनी भैया, ओनली थिंग यू हैव टू डू इज जस्ट रिमेंबर द बेसिक इक्वेशन, बेसिक फॉर्मूला, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इक्वेशन यू कैन डिराइव डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी। बट स्टिल वी आर डूइंग फॉर ऑल क्वांटिटीज, क्लास 11th क्लास 12th में जितनी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है स्टिल मैं सबकी डायमेंशन निकलवा रहा हूँ, जस्ट फॉर द मेयर फैक्ट कि एक बार हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरी चीज है कि हमें जरूरत पड़ेगी डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन करने में, जो आज मैं हर हालत में खत्म करके रहूंगा, सब कुछ कराऊंगा। तो करंट डेंसिटी बताओ क्या हुई, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आई को मैंने रखा ए, नीचे एरिया ए रखा एल स्क्वायर, तो ए अपॉन एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा तो एल की पावर माइनस टू, तो एल टू द पावर माइनस टू, ए टू द पावर जीरो, एल टू द पावर माइनस टू, ए टू द पावर जीरो, ये हो गई हमारी करंट डेंसिटी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सी क्वांटिटीज बची, कंडक्टिविटी हो गई, परमिटिविटी पहले ही करा दिया था, कंडक्टेंस वन अपॉन रेजिस्टेंस, और हम लोगों ने करंट डेंसिटी अभी कर ली। इलेक्ट्रिकल पावर, पावर पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर एक इलेक्ट्रिकल सोर्स है, सेल बैटरी कुछ भी, वो कितनी एनर्जी दे रहा है पर यूनिट टाइम, वो उसका इलेक्ट्रिकल पावर है। बट एक बात बताओ, इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर, मैकेनिक्स में भी पावर करते हैं हम लोग वर्क डन पर यूनिट टाइम, यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर कर रहे हैं, तो क्या पावर का कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, तो क्या पावर एज ए नेचर क्वांटिटी भी बदल जाएगी। अब इसे एनर्जी है, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, अलग अलग टाइप की चीजें हैं, बोलो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, एनर्जी डिफरेंट टाइप्स के, एनर्जी के फॉर्म्स जरूर वेरी करते रहते हैं, बट एनर्जी बदलने से क्या नेचर बदल जाएगा, और नेचर नहीं बदलेगा तो क्या नहीं बदलेगा, नेचर नहीं बदलेगी तो डायमेंशन नहीं बदलेगी, नेचर नहीं बदलेगा तो क्या नहीं बदलेगा, डायमेंशन। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, टॉर्क की भी डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू होती है, एनर्जी की भी डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू होती है, बट एनर्जी को जूल में लिखते हैं, टॉर्क को कभी जूल में नहीं लिखते है कि नहीं। तो भाई डायमेंशन क्वांटिटी का नेचर होता है, डायमेंशन क्वांटिटी का नेचर है। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नेचर आपका पावर, चाहे इलेक्ट्रिकल पावर हो चाहे मैकेनिकल पावर हो, पावर का नेचर हर जगह एक ही जैसा है, और अगर पावर का नेचर हर जगह एक ही जैसा है तो जो मैकेनिकल पावर की डायमेंशन होती थी वही इलेक्ट्रिकल पावर की होगी। क्या होती थी मैकेनिकल पावर, वर्क डन अपॉन टाइम, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी, टी ऊपर आ गया तो एम एल टू टी माइनस थ्री। पावर कहीं पे भी आएगा, कहीं पे भी पावर, कहीं पे भी आए, इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल पावर, सबकी डायमेंशन वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी, एम एल टू टी माइनस थ्री होगी इलेक्ट्रिकल पावर, एम एल टू टी माइनस थ्री। मैकेनिकल पावर भी यही होता, एम एल टू टी माइनस थ्री, पावर की डायमेंशन ही एम एल टू टी। ये अलग बात है कि पावर का फॉर्मूला आप बोलो पी इज इक्वल टू वी आई से क्यों नहीं करके देख रहे, अरे करने की जरूरत ही क्या है यार, वो तो बेकार में अपना जो है सर फोड़ना है, बट करना चाहो तो वी आई रख के देख लो, आ जाएगा भाई। वी आई पी इज इक्वल टू वी आई से कर लो, चाहे आई स्क्वायर आर से कर लो, चाहे वी स्क्वायर बाई आर से कर लो। इलेक्ट्रिकल पावर के अगर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो तो वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर भी होता है, बट कुछ भी लगा लो यही आना है। पावर का फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस थ्री। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, इम्पीडेंस तो हम लोग कुछ अल्टरनेटिंग करंट में पहुंच गए, एसी के चैप्टर में पहुंच गए। तो जो लोग 11th के हैं तो उन लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा इम्पीडेंस, बट जो लोग 12th कर चुके हैं या 12th में हैं उन लोगों को पता होगा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एसी सर्किट है जिसमें रजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, तो करंट के फ्लो में जो ओवरऑल अपोजिशन होता है, रजिस्टेंस भी अपोजिशन पैदा करता है, रजिस्टेंस, कैपेसिटर भी करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर भी करता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो जो ओवरऑल अपोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ओवरऑल अपोजिशन को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इसमें कोई दिक्कत, इम्पीडेंस क्या होता है, तो इम्पीडेंस होता है करंट के फ्लो में टोटल अपोजिशन। बीच बीच में आप लोगों के कमेंट चेक करता रहता हूँ इधर देखते हुए मेरा कंप्यूटर इधर लगा हुआ है। तो इम्पीडेंस होता है करंट के फ्लो में अपोजिशन। तो भाई करंट के फ्लो में अपोजिशन रेजिस्टेंस भी होता है, तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी एक इम्पीडेंस टाइप की क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस भी एक टाइप का इम्पीडेंस ही है, और अगर रेजिस्टेंस भी एक टाइप का इम्पीडेंस है तो सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर है तो डायमेंशन भी सेम होगी।
तो जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकाली थी वही इम्पीडेंस की डायमेंशन, और रेजिस्टेंस की कैसे निकाली थी, वी अपॉन आई, अभी जस्ट निकाली थी थोड़ी देर पहले, तो उसको दोबारा नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिकल एडमिटेंस, एडमिटेंस इम्पीडेंस का इन्वर्स होता है, एडमिटेंस इम्पीडेंस का इन्वर्स, जैसे कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, वैसे एडमिटेंस एडमिटेंस इम्पीडेंस का इन्वर्स, यानी कि रेजिस्टेंस का इन्वर्स है। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस पे आते हैं, बट सेल्फ इंडक्टेंस से पहले और देख लेते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया था, इज इक्वल टू 3/2 KBT से बताया था, स्टीफेंस कांस्टेंट हो गया था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये नहीं हुआ था। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहां यूज होता है, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन बताते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम, तो इधर फ्रिक्शन फोर्स, इधर नॉर्मल रिएक्शन, इधर म्यू एस आ रहा है, तो म्यू एस तो एक नंबर होता है ना, 0.2, 0.5 ऐसे तो दिया रहता, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नंबर है, नंबर डायमेंशनलेस होते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस। डायलेक्टिक कांस्टेंट कर चुके हैं, डायमेंशनलेस। प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू एच नू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कल ही बताया था, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दो टाइप की स्पीड का रेशियो, डायमेंशनलेस। फोकल लेंथ, लेंथ है एल की पावर 1। पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस, पावर क्या होता है, किसी भी लेंस की पावर क्या होती है, 1/f, तो 1/l, l माइनस 1। वेव नंबर, वेव नंबर ऐसे समझ लो कि फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर फ्रीक्वेंसी, वैसे तो फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 2π/λ, तो 1/length, 1/length l की पावर माइनस 1। तो बचा खाली क्या इसमें, इस पूरे जो टेबल बनी हुई है इसमें एक इंडक्टेंस बचा, तो अभी इंडक्टेंस कर लेते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ, इंडक्टेंस पता है सबको, इंडक्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा है बताओ, जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, इंडक्टर का इंडक्टेंस, एक क्वांटिटी है जो उसको बताएगा कि क्या। तो इंडक्टर कहाँ यूज होता है, इंडक्टर होते हैं करंट कैरिंग कॉइल, जब करंट इनसे पास करती है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील आती है। इमेजिन करो एक सोलेनोइड है, बता रहा हूं इंडक्टेंस बताने जा रहा हूं, और इंडक्टेंस पढ़ा नहीं रहा हूं, खाली इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहा हूं। ठीक, कोई किसी को कोई डाउट अभी तक नहीं, इंडक्टर का खाली इंडक्टेंस का बेसिक फॉर्मूला निकाल रहा हूं। क्या करो, एक सोलेनोइड कॉइल इमेजिन करो, सोलेनोइड कॉइल, सोलेनोइड कॉइल में करंट पास जब करती है तो इसमें करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो जब करंट घटाते बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड घटती बढ़ती है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड घटती बढ़ती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटता बढ़ता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसे पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेज देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और उस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है LdIdt। अभी मत बोलना माइनस LdIdt, माइनस साइन का यहां डायमेंशन में कोई काम नहीं, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, उस लॉ को बोलते हैं फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी को कोई डाउट अभी तक, ऋषिकेश, हरिकेश, हरिकेश राठौड़, शकुंतला राठौड़, कोई डाउट, और किसी को कोई डाउट नहीं। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी कॉइल में, इस टाइप की कॉइल्स को इंडक्टर कॉइल्स कहते हैं, इनमें अगर करंट चेंज करो तो इनमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना से, और ई इज इक्वल टू LdIdt इज द गवर्निंग इक्वेशन। इसमें ई है इंड्यूस्ड ईएमएफ, DiDt है, DI मतलब करंट में चेंज, DT है टाइम, और L है इंडक्टेंस, तो ई इज इक्वल टू LdIdt। अब ई इज इक्वल टू LdIdt में ई ईएमएफ है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन रखेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैंने बताया ना पोटेंशियल डिफरेंस V कभी याद नहीं रखना है, मुझे भी नहीं याद है, तो क्या करता हूँ मैं ये याद रखता हूँ कि V पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पीरियड चार्ज है, वर्क डन लिखता हूँ ML2T-2 चार्ज AT लिख देता हूँ। L निकालना है, ठीक, DI/DT ऊपर एम्पियर नीचे टाइम T करते हैं। L यहाँ पे लेंथ नहीं है याद रखना, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, तो सेल्फ इंडक्टेंस L की डायमेंशन क्या बन जाएगी, L इज इक्वल टू M, और तो कहीं आ नहीं रहा L, ये लेंथ वाला है, और कहीं नहीं, L2 T, T की पावर -2,
ये टी इस टी से कट गया, ये भी टाइम था ये भी टाइम था, तो बचा टी माइनस टू, और क्या बचा ए, तो ए यहां पे नीचे ए स्क्वायर ऊपर आएगा तो ए माइनस टू, ए माइनस टू। तो कॉफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एक और होता है कॉफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो तो इंडक्टेंस में करेंगे क्या दोनों में डिफरेंस होता है, एक ही कॉइल है तो सेल्फ इंडक्टेंस, एक कॉइल की वजह से दूसरे में देखते तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, बट अभी हमारे किसी काम का नहीं है, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, डायमेंशन दोनों की इसी यही होती है, सेम होती है, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। तो आई थिंक हम लोगों ने इंडक्टेंस भी निकाल लिया। तो अब उस टेबल पे वापस आते हैं, कोई बचा क्या, पोटेंशियल डन, ईएमएफ डन, कैपेसिटेंस डन, रेजिस्टेंस डन, रेजिस्टिविटी डन, कंडक्टिविटी डन, परमिटिविटी डन, कंडक्टेंस डन, पावर डन, इंपेडेंस, एडमिटेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, म्यू, डायलेक्टिक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ, पावर, वेव नंबर, सारे के सारे डन। एक बचा था सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी हो गया हमारा। तो आई थिंक सारी हो चुकी है, बट स्टिल कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई हैं जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ वो यहाँ पे यूट्यूब के लेक्चर्स में मिस हो। जैसी मैंने क्लास में मैंने क्लास अपनी जो फिजिकल क्लास थी वहाँ पे पढ़ाया था, बिल्कुल चाहता हूँ कि यहाँ पे भी वैसी ही क्लास हो, किसी का कोई भी मिस ना हो, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर आप ये वीडियो देख लो तो आपको कहीं और क्लास करने की जरूरत ना हो। हु इज दिस भव्या उपाध्याय, विच आईटी सर? भव्या, आई थिंक यू शुड फोकस ऑन द क्लास एंड नॉट ऑन विच आईटी, बट व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट विच आईटी, यू आर टॉकिंग अबाउट माई आईटी। ओके, I graduated from IIT BHU 2007 civil engineering, and let's focus on the work itself. तो हम लोग focus करते हैं work पे, हम लोग focus कर रहे हैं dimensions निकालने पे, और ये मैंने class की pic आपको share की है जहां पे हम लोगों ने dimension निकाली थी। तो obviously हम बहुत सारी quantities निकाल चुके हैं तो हम repeat नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ इतना करेंगे कि चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार कि कोई रह तो नहीं गई है, और जो जो रह गई है उसमें कुछ रह गई इसलिए मैंने ये पिक डाली यहाँ पे, जो जो रह गई है क्वांटिटीज उनकी डायमेंशन निकालते जाएंगे, और जो हम लोग कर चुके हैं एटलीस्ट उनको रिवाइज कर लेंगे। चलो एक एक से करते हैं। एरिया, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। नेक्स्ट वॉल्यूम एल क्यूब। स्पीड, कलर बदल लेता हूं, कुछ ऐसा ले लेता हूं जो दिखे। स्पीड एल टी माइनस वन, वेलोसिटी एल टी माइनस वन कर चुके हैं। एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, फोर्स एम एल टी माइनस टू। डन यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? हरिकेश प्रजापति सर, आपकी क्लास की टाइमिंग कितने बजे? हरिकेश सी, यू नो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो मेरी फिजिकल क्लास तो अभी नहीं हो रही है, और जो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती है इनकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती, तो मैं क्या करता हूँ जो भी लाइव क्लास होती है उसका एक अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा, तो आप जस्ट सब्सक्राइब कर लो और वो जो भी लाइव क्लास होती है उसकी टाइमिंग में लिख देता हूँ। जैसे ये वाली क्लास मैंने टाइमिंग लिख दी थी कि दिस टाइम दिस क्लास विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मोमेंट, या जो भी टाइम है वो मैं एडवांस में बता दूंगा। तो आप अगर वो सब्सक्राइब कर लोगे तो रिमाइंडर आपके पास पहुंच जाएगा, बेल आइकन दबा देना वो आपके पास पहुंच जाएगा, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम बी एम एल टी माइनस वन। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर कर चुके हैं, एमएल टू टी माइनस टू। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच, कोई भी एनर्जी हो यार एमएल टू टी माइनस टू। थीटा ओमेगा, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल भी डायमेंशनलेस, चाहे वो प्लेन एंगल हो चाहे सॉलिड एंगल हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉस सेक थीटा, सब डायमेंशनलेस, सब रेशियो होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायमेंशनलेस। पावर्स डायमेंशनलेस। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है अभी डिस्कशन में कहीं पे मिस कर गया हो, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशनलेस होते हैं। साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री, इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं? एंगल होते हैं। जब हम साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, इसको उल्टा करके लिख दो, साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इनवर्स फंक्शन एंगल बताते हैं, तो इनवर्स फंक्शन एंगल बताते हैं, एंगल डायमेंशनलेस होते हैं, तो इनवर्स फंक्शन भी डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कौन से फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स डायमेंशनलेस, ई टू द पावर एक्स डायमेंशनलेस, क्योंकि ये भी नंबर है, यूलर्स नंबर 2.718 कुछ वैल्यू होती है, तो भाई नंबर के ऊपर कुछ पावर चढ़ा भी दोगे तब भी नंबर आएगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डायमेंशनलेस। ठीक, नेक्स्ट, अगर कोई भी रेशियो प्योर रेशियो, प्योर रेशियो मैंने बताया था ना, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्निफिकेशन, सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज के रेशियो, एफिशिएंसी,
ये सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज के जो रेशियो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, प्योर रेशियो डायमेंशनलेस। लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑब्वियसली डायमेंशनलेस, लॉग एक्स डायमेंशनलेस। एंगुलर वेलोसिटी करा चुका हूं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एल टी माइनस वन, टी माइनस वन वेलोसिटी नहीं, एल टी माइनस वन नहीं, एंगुलर वेलोसिटी थीटा डायमेंशनलेस नीचे टाइम टी माइनस वन। एंगुलर एक्सेलरेशन टी माइनस टू, फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम पीरियड टी माइनस वन। टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम एल टू टी माइनस टू। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, एम वी आर एम वी एल टी माइनस वन आर एल एम एल टू टी माइनस वन एम एल टू टी माइनस वन। मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम आर स्क्वायर एम एल स्क्वायर, आर को एल लिख दो एम एल स्क्वायर। इम्पल्स, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। मेरे साथ रिवाइज करते रहो, अगर ये कर लोगे तो मैं डायमेंशनल से और कहीं पढ़ने की ज्योति नहीं पड़ेगी, एक क्वेश्चन पक्का, चाहे जेईई हो चाहे नीट, एक चैप्टर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आएगा ना। तो बोलो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, लीनियर इम्पल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन रखेगा एम बी एम एल टी माइनस वन। एंगुलर इम्पल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एम बी आर एम वी एल टी माइनस वन आर एल तो एम एल टू टी माइनस वन। नेक्स्ट सर, मैंने एक चीज बताई थी क्लास में, यहां बता दो, सिमिलर नेचर की क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होती है, ऑल फोर्सेस चाहे टेंशन हो चाहे नॉर्मल एक्शन फ्रिक्शन सब एम एल टी माइनस टू रखोगे। सारी एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल फ्रिक्शन सॉरी काइनेटिक पोटेंशियल इलास्टिक लाइट साउंड हीट सारी एनर्जी की डायमेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबकी डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू। लेकिन अगर नेचर, मैंने बोला सिमिलर नेचर का डायमेंशन सेम है, बट क्या अगर डायमेंशन सेम है तो नेचर भी सेम होगा। देखो सिमिलर नेचर में डायमेंशन सेम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट इफ डायमेंशन इज सेम देन नेचर मस्ट बी सेम ना। टॉर्क की भी डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू है, एनर्जी की भी डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू है, इनके डायमेंशन सेम है बट इनका नेचर सेम नहीं है, तो ये चीज बतानी थी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाली, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग को एक्स अगर तुम खींचो स्ट्रेच करो या एक्स कंप्रेस करो, एक्स उसमें चेंज इन लेंथ हो तो स्प्रिंग फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स, स्प्रिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो जब हम उसके अगेंस्ट खींचते हैं उसको स्प्रिंग को या कंप्रेस करते हैं नेचुरल लेंथ से तो स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कितनी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, कैसे निकालोगे डायमेंशन के की, एफ इज इक्वल टू के एक्स से के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स कर दो, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल कर दो, एल से एल कट जाएगा एम टी माइनस टू। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की डायमेंशन क्या होती है एम टी माइनस टू। तो हाफ के एक्स स्क्वायर अगर हम रख दें, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं, के रख दें एम टी माइनस टू, एक्स स्क्वायर में रख दें एल स्क्वायर, तो एम टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर तो एम एल टू टी माइनस टू आ तो गया भाई। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे दुनिया की कोई भी एनर्जी हो डायमेंशन तो यही आनी है एम एल टू टी माइनस टू। एफ इज इक्वल टू के एक्स, के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बता दिया एम टी माइनस टू। पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी एम एल टू टी माइनस थ्री। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, अक्सर ये मिलती है क्वांटिटी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, जैसे डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, वो मास डेंसिटी होती है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कई टाइप की डेंसिटी होती है, जैसे मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे चार्ज डेंसिटी होती है। ट्वेल्थ वालों को पता होगा चार्ज डेंसिटी रो, तो वैसे एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एनर्जी डेंसिटी, कहां कहां पढ़ा है कुछ याद आ रहा है एनर्जी डेंसिटी? अगर किसी ने पढ़ रखा हो तो 11th की फिजिक्स में एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में आता है टर्म, एक वायर को स्ट्रेस स्ट्रेन डिफॉर्म कर रहे हैं तो वायर में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एनर्जी डेंसिटी तो होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लिक्विड अगर किसी ने पढ़ा हो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स तो वहां पर पढ़ा होगा बर्नौली इक्वेशन P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये टर्म क्या बताते हैं है? ये सब टर्म क्या बताते हैं, ये सब टर्म बताते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो वी स्क्वायर कैसे बना, हाफ रो वी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी बन गया हाफ रो वी स्क्वायर, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी है, समझे? एनर्जी डेंसिटी यहां पे भी है। और बताता हूं एनर्जी डेंसिटी के एग्जांपल, अगर 12th की फिजिक्स पढ़ रखी हो तो आपने पढ़ा होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। भव्या हैव यू हर्ड अबाउट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर टर्म, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कहां पे यूज होता है, कैपेसिटर में एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
याद आया कुछ? एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो स्पेस में तो वहां पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होती है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। और कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड हो तो वहां पे कितनी होती है बताओ भाई कमेंट करके। कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसकी एनर्जी डेंसिटी, किसी ने पढ़ रखा हो 12 की फिजिक्स, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी नहीं बताओगे? मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। ये सारे एनर्जी डेंसिटी के टर्म में बता क्यों रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं भैया कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पूछे तब भी, बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट पूछे तब भी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन पूछे तब भी, बर्नौली इक्वेशन का कोई भी टर्म पूछे, पी पूछे, हाफ रो वी स्क्वायर पूछे, रो जी पूछे, तब भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करना है। तुमको फर्क ही नहीं पड़ता हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, घंटा फर्क पड़ता है तुमको। तुमको कल करना क्या है? एनर्जी ML2T-2 वॉल्यूम एल क्यूब से डिवाइड कर दो। तो ML2T-2 को एल क्यूब से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा ML-1T-2। ये देखो ML-1T-2 एनर्जी डेंसिटी। प्रेशर की भी डायमेंशन है, हाफ रो स्क्वायर की भी, रो जी एच की भी, हाफ स्ट्रेस इंटेस्टेन की भी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की भी है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन जेई नीट एम्स हर जगह पूछा गया है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर टर्म की डायमेंशन बताओ तो जो बेवकूफ लोग होते हैं वो क्या करते हैं एप्सिलॉन नॉट निकालने लगते हैं, ई निकालने लगते हैं और उनके टाइम लग जाता है भाई इतना करने के ही नहीं। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है क्या? एनर्जी डेंसिटी एनर्जी ML2T-2 वॉल्यूम एल क्यूब से डिवाइड कर दो तो ML-1T-2 हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन जेई नीट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने क्लास में बताया था हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, पी हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच, बी स्क्वायर बाय टू मी नॉट, ये सब एनर्जी डेंसिटी है। फिर इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो करा चुका हूं एनर्जी ML2T-2 एरिया एल स्क्वायर टाइम टी तो आ जाएगा MT-3। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एफ इज इक्वल टू जी M2 बाय आर स्क्वायर, जी से निकाल लो, ये निकाल चुका हूं बट स्टिल M-1 L3T-2। कोई मुझसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछ रहा था, हरिकेश आई थिंक तुम पूछ रहे थे, तो तब मैंने ऐसे थ्योरेटिकली बता दिया था। देख लो भाई हरिकेश, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये F is equal to 6πeta rV, मैंने बताया था स्टोक्स लॉ। F MLT-2 6π कुछ है नहीं, R को रखो L, वेलोसिटी रखो LT-1, तो ये सॉल्व कर लोगे आ जाएगा ML-1T-1 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन ML-1T-1। कैसे निकाला? F is equal to 6π eta rV से निकालो, सबसे बढ़िया है। वैसे एक और फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने के लिए, F is equal to eta a delta v upon delta x, उससे भी निकाल सकते हो बट बेटर ये कि F is equal to 6π eta rV से निकाल लो। प्लैंक कांस्टेंट E is equal to h nu, E is equal to h nu से निकाल लो, H is equal to E by nu, E एनर्जी, nu फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी T-1, ML2T-1 आ गया। स्ट्रेस स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सब बता चुका हूं। चलो अगले में आते हैं, कोई बची तो नहीं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताया हुआ है, लेटेंट हीट बताया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी कर दिया, सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट हो गया, वीन्स कांस्टेंट हो गया, सोलर कांस्टेंट रह गया था, सोलर कांस्टेंट करा देते हैं। सोलर कांस्टेंट होता है सन से जब अर्थ में एनर्जी आती है तो ऑब्वियसली सोलर रेडिएशन अर्थ की सरफेस में हर जगह एक जैसा नहीं पहुंचता, कहीं कम कहीं ज्यादा, और कहीं किसी एक पॉइंट पे एक जैसा भी तो नहीं रहता, डे पे कुछ और है, नाइट पे कुछ और है, टाइम टू टाइम सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है। सोलर कांस्टेंट होता है एवरेज रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अर्थ, एवरेज रेडिएशन एनर्जी ऑफ सन रिसीव्ड ऑन अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ऊपर तो देखो सोलर रेडिएशन की एनर्जी है ML2T-2, नीचे एरिया है L स्क्वायर और टाइम है यानी कि टी, तो ML2T-2
अपॉन एल स्क्वायर टी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एल स्क्वायर कट गया, एम टी माइनस थ्री, ये आ गया हमारा सोलर कॉन्स्टेंट। सोलर कॉन्स्टेंट की वैसे वैल्यू की यहाँ कोई जरूरत नहीं, हम तो डायमेंशन निकाले, बट बता देता हूँ 1360 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 1.4 अगर राउंड ऑफ कर दे तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तुमसे कोई पूछे भाई सन से तो एनर्जी आती रहती है हर समय, कितनी एनर्जी आती रहती है सन से अर्थ की सरफेस पे, तो आप बोलोगे 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर ऑन एवरेज एनर्जी आती रहती है। ये होता है सोलर कॉन्स्टेंट। एक कॉन्स्टेंट है मतलब क्योंकि एवरेज है, तो एवरेज में तो इक्वेटर, पोल्स, डे, टाइमिंग, सीजन, इन सबका एवरेज निकालने के बाद ये है 1360 वॉट पर मीटर स्क्वायर सोलर कॉन्स्टेंट। तभी तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि एवरेज वैल्यू है। अगला पढ़ते हैं, PV इज इक्वल टू NRT यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। PV इज इक्वल टू NRT यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट कैसे निकाल लोगे, तो R इज इक्वल टू PV अपॉन NT से, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, N नंबर ऑफ मोल्स, T है टेम्परेचर, और ये मैंने निकाला था कल तो दोबारा नहीं निकाला, ML2T-2 मोल माइनस 1 K-1 यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट मैंने बताया था एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KBT से कर लो, ठीक। फेज, फेज एक टर्म, इसकी डायमेंशन फेज, फेज एंगल होता है, तो एंगल डायमेंशनलेस होता है तो फेज भी डायमेंशनलेस, परेशान नहीं हो रहे। बट ये देखो एक इक्वेशन लिखी है वाई इज इक्वल टू A sin ωt, कोई बता सकता है इसमें फेज क्या है, वाई इज इक्वल टू A sin ωt, साइनोसॉडल फंक्शन लिखा हुआ है, साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन साइनोसॉडल कहलाता है, तो वाई इज इक्वल टू A sin ωt में ये चीज फेज है, ये चीज फेज है ओमेगा टी। वाई इज इक्वल टू A sin ωt + 5, वाई इज इक्वल टू A sin ωt + -kx + -y, कई टाइप से आपको इक्वेशन मिल सकती है। तो साइन के भीतर जो लिखा रहता है ब्रैकेट में वो जो एंगल है, साइन के भीतर क्या लिखा होगा, साइन 30, साइन 60, साइन 90 एंगल ही तो लिखा होगा, तो जो अंदर लिखा होता है वो फेज होता है, और फेज एंगल डायमेंशनलेस होता है। तो अंदर जो भी है ओमेगा टी भी डायमेंशनलेस है, ओमेगा टी प्लस फाइव भी डायमेंशनलेस है, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव भी डायमेंशनलेस है। आगे बढ़ते हैं, चार्ज Q = IT a^1 t^1 e^1 t^1 इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये अभी मैंने पिछले वीडियो में कराया था, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी डायमेंशनलेस, एप्सिलॉन आर के दो नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नंबर होता है, कितने से कितने, 1 से इन्फिनिटी। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 किसके लिए होता है, एयर के लिए, इन्फिनिटी किसके लिए होता है, मेटल के लिए, नंबर होता है, डायमेंशनलेस। एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे निकालोगे, कूलम्स लॉ से, F = 1/4 πε0 Q1 Q2 / r2, तो एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हो, यहां से फोर्स ले लो, आर स्क्वायर ले लो, डिवाइडेड बाई Q1 Q2 कर लो, डायमेंशन निकल आएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऊपर रखो वर्क या एनर्जी ML2T-2, नीचे रखो चार्ज a^1 t^1, तो पोटेंशियल की डायमेंशन निकल आएगी। कैपेसिटेंस Q = CV, सिर्फ आपको गवर्निंग इक्वेशन याद रखनी है, आप कैपेसिटेंस का डायमेंशन थोड़ी ना रखते फिरोगे। Q = CV में क्यू रखो at, वी पोटेंशियल रखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल की डायमेंशन नहीं याद रहेगी, बिल्कुल नहीं याद रहेगी, तो वी रखो क्यू रखो सी निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस V = IR, म्यू मोबिलिटी, ये भाई मैं बोर्ड के लिए भूल गया था, मोबिलिटी तो आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की डायमेंशन पूछी ही पूछी जाती है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मोबिलिटी होती क्या है, जब हम किसी कंडक्टर में करंट एस्टेब्लिश करते हैं, तो करंट एस्टेब्लिश करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके एक दूसरे से नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से टकरा के चलने लगे, तो इलेक्ट्रॉन एक ऑन एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं, बैटरी हमने जिधर लगाई है करंट जिधर जा रही है उसका पूरी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कहां से आती है, तो इलेक्ट्रॉन चले क्योंकि बैटरी लगी, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया फोर्स, तो कहीं ना कहीं जो बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वही इलेक्ट्रॉन को चलाती है, वही इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी देती है, ना बैटरी होती ना सोर्स होता तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट भी ना करता। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहलाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहलाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहलाती है। तो मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी म्यू क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से लिख दें, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ई से लिख दें। तो म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई, म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी ही है, तो LT माइनस वन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपल एक वेलोसिटी है, तो क्या डायमेंशन रखोगे, LT माइनस वन। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्टिंग, अब आप बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई याद तो होगी नहीं, मुझे नहीं याद है, मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं, तो आपको भी याद नहीं और आपको याद करने की जरूरत भी नहीं। भाई रटने लगोगे तो फिर तो गड़बड़ होने लगेगी, रटना बिल्कुल नहीं, समझ के करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन बेसिक से क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज, ये रखा फोर्स मैंने एम एल टी माइनस टू अपॉन चार्ज ए टी, ये रहा ए टी ऊपर। देखो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, सीधे अब निकाल लेते हैं डायमेंशन, एम माइनस वन और तो कहीं आ नहीं रहा है, एम खत्म, एल से ये कटा एल और कहीं एल आ नहीं रहा है, टी की पावर माइनस वन, टी की पावर प्लस वन से कट गया, टी ए ऊपर आ गया, टी की पावर प्लस टू और ए की पावर वन, एम माइनस वन टी की पावर प्लस टू ए टू द पावर वन, ये हम लोगों ने निकाल ली इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। ठीक, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी सीख गए, आगे बढ़े वीडी अपॉन ई करके। नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये तो अभी तक डिस्कस ही नहीं करी थी भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंट फोर्स सबने सुना है, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, लॉरेंट फोर्स, प्रोवाइडेड कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में ना हो, चल रहा हो, और सबसे अच्छा तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा हो, बट अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना चल रहा हो तो हम उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं और क्या फार्मूला लगाते हैं, तो देखो लॉरेंट फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। लॉरेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, वैसे ज्यादा अच्छा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, बट मैं ये साइन थीटा कॉस थीटा अभी डायमेंशनल एनालिसिस में इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा डायमेंशनलेस होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें बी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालना, भाई मैग्नेटिक फील्ड बी की अगर डायमेंशन पूछे तो कैसे निकालोगे, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एफ एम एल टी माइनस टू, क्यू चार्ज AT, V velocity, LT minus 1, B मुझे नहीं पता तो नहीं पता तो नहीं पता, साइन थीटा डायमेंशनलेस, B की डायमेंशन क्या, M L T minus 2 divided by A, T की पावर प्लस 1, T की पावर माइनस 1 से T की पावर 0 बन गया तो हटा दो, L बचा, L इधर ले आओ, L से L कट गया तो कितना बचा, M T minus 2 A minus 1, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ये याद करने की तब भी जरूरत नहीं, जो भी है आंसर वो इररिलेवेंट है, रिलेवेंट सिर्फ इतना है, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है, सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि आपको निकालना आना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि कैसे निकाले। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी से भी निकाल सकते हो, करंट कैरिंग वायर पे लगने वाले फोर्स एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा से भी निकाल सकते हो, बट आई थिंक लॉरेंट फोर्स सबको पता होगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो इसी से ही करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक तो ये वाला पेज डन, और कौन सा बचा है, और कौन सी डायमेंशन बची है, तो एक और है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू आर से म्यू नॉट, परमिटिविटी जैसे हम लोगों ने निकाला था परमिबिलिटी निकालते हैं, परमिबिलिटी म्यू नॉट की डायमेंशन निकालते हैं, इसके लिए मैं अलग से पेज ले लेता हूं, नए पेज में करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा था जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करते हैं तो वहां पे टर्म आता है एप्साइलन, एप्साइलन होता है परमिटिविटी, वैसे ही जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं
तो वहां आता है म्यू, परमिबिलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी होता है और मैग्नेटिक फील्ड में परमिबिलिटी होता है। तो कैसे निकालेंगे एप्सिलॉन, तो मैंने बताया था कूलम्स लॉ से निकालना, एप्सिलॉन परमिटिविटी कूलम्स लॉ से निकालना। F इज इक्वल टू 1/4 πε0 Q1 Q2 r2। तो परमिबिलिटी कैसे निकालोगे भैया? तो देखो, परमिबिलिटी निकालने के लिए हमको क्या करना है, परमिबिलिटी निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना जहां पे म्यू आता हो। कहां पे आता है म्यू? तो बायो सावर्ट लॉ में आता है। मैं बता रहा हूं कहां कहां म्यू आता है। बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ होता है कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट हो आइडियल का, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू 0 IdL sin theta by r square। B is equal to 0 upon 4 πIdL sin theta by r square। तो इसमें B निकाल लो, IdL sin theta r square ये सब पता है, तो म्यू निकल आएगा। एक तो ये तरीका है, बता रहा हूं तरीके, तुमको जो सबसे अच्छा लगे वो लगा लेना। और कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है। और कहां आता है म्यू? जहां जहां म्यू आता है वो मैं बता देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो उसके सेंटर पे फील्ड होती है B इज इक्वल टू 0 I/2r, 0 I/2r। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? B इज इक्वल टू 0 I/2r। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0 I/2r। और अगर स्ट्रेट वायर हो तो कितनी? तो स्ट्रेट वायर की वजह से होती है, अगर डी डिस्टेंस हो, 0 upon 2 πI/d। तो अब और भी है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले, और भी हैं, बहुत तरीके हैं करने के, बट इनमें से कोई एक लगा लेते हैं। इतना समझ में आएगा कि बायो सावर्ट लॉ से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग एम्पेयर्स लॉ लगा लें, इंटीग्रल बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई, उससे भी निकल आएगा बहुत इजीली म्यू नॉट का। या ये सर्कुलर लूप वाला फॉर्मूला यूज कर ले, तो मैं सर्कुलर लूप वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। तो मैं सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, बी इज इक्वल टू 0 I/2r, और मैं म्यू निकालने वाला हूं, परमिबिलिटी निकालने वाला हूं। बी, अब फिर वही बी, बी आ गया, बी की डायमेंशन या तो हमें अभी जो निकाली थी वो यूज कर लें, या तो हम, फिर वही बात है, बी हमें याद तो होगा नहीं, तो बेसिक से डिराइव करो भैया, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। जैसे ही बी बोला तो तुम तुरंत दिमाग में लाना एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो बी क्या लिखेंगे? एफ अपॉन क्यू वी। म्यू नॉट मुझे चाहिए, आई एम्पियर, अपॉन टू की कोई डायमेंशन नहीं, आर की डायमेंशन होगी, लेंथ होगी। अब निकाल ले म्यू नॉट, लास्ट स्टेप, फोर्स को लिखा MLT-2, फोर्स को लिखा MLT-2, क्यू वी, क्यू लिखा चार्ज 80, वी लिखी वेलोसिटी LT-1, आर लेंथ है ऊपर आ गया, आई करंट एम्पियर नीचे आ गई। सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट स्टेप बचा है खाली, एम लेंथ L की पावर 1, L की पावर 1 जुड़ के L की पावर 2, बट एक L कट गया तो L की पावर 1 ML1, T की पावर -2, T की पावर +1 -1 कट गया तो T की पावर -2, A की पावर 1 A की पावर 2 नीचे ऊपर आएगा तो -2। ये हमारा आ गया म्यू नॉट, परमिबिलिटी की डायमेंशन। म्यू पूछे परमिबिलिटी एब्सोल्यूट, म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, तो दोनों की डायमेंशन एक ही है। और अगर म्यू आर पूछे रिलेटिव परमिबिलिटी, तो वो डायमेंशन लेस होता है, और उससे मिलता जुलता एक और टर्म है रिलेटिव परमिबिलिटी से, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी भी एक नंबर होता है, वो भी डायमेंशन लेस होता है। रिलेटिव परमिबिलिटी, वो भी डायमेंशन लेस होती है। म्यू म्यू नॉट पूछे परमिबिलिटी, तो उनकी डायमेंशन ये होती है ML1 T-2 A-2। तो आई थिंक परमिबिलिटी वाला पार्ट डन। तो मिला लेते हैं भाई क्या क्या हो गया, बी हो गया, म्यू नॉट हो गया, म्यू आर हो गया, काई ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी मैंने बता दिया नंबर होता है, काई डायमेंशन लेस होता है, ससेप्टिबिलिटी हो गया डायमेंशन लेस। ठीक, आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायपोल मोमेंट करा दिया था, चार्ज इंटू लेंथ, तो चार्ज 80, लेंथ L, A^1 T^1 L^1। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायमेंशन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कोई भी मैग्नेट होगा
तो उसकी स्ट्रेंथ कैसे देखोगे? कोई भी मैग्नेट होगा तो उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए कोई तरीका तो होना चाहिए। तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ देखने का तरीका होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेट की स्ट्रेंथ देखने का तरीका होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू पोल सेपरेशन। करंट कैरिंग कोई लूप है, कोई लूप है, ये एक लूप है करंट कैरिंग, ऐसे रेक्टेंगुलर लूप है, करंट ऐसे जा रही है एंटी क्लॉक क्लॉक उस जैसे लूप में चल रही है। तो इसका होता है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो M इज इक्वल टू NIA, नंबर ऑफ टर्न्स करंट एरिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहे थे। तो नंबर ऑफ टर्न्स नंबर है, डायमेंशनलेस, करंट A, एरिया L स्क्वायर, तो ये आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट A L स्क्वायर, A टू द पावर 1, L टू द पावर 2, A टू द पावर 1, L टू द पावर 2, किसकी डायमेंशन हो गई? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायमेंशन। तो वी आर डन विद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाला था, मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो होता फ्लक्स चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक हो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का ही इंडिकेटर होता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई सरफेस है और ये सरफेस इस तरीके से और फील्ड लाइंस इसको हिट करते हुए जा रही हैं, अक्रॉस ऐसे हिट करते हुए चली गई, तो जितनी फील्ड लाइंस ऐसे इसको अक्रॉस हिट करते हुए नॉर्मली चली जाती हैं उन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए, अगर एंगल बनना हो तो ये कॉस थीटा ई डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स बी इंटू ए, बी मैग्नेटिक फील्ड, बी ए कॉस थीटा या बी डॉट ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी इंटू ए, बी अभी निकाला था एफ अपॉन क्यू वी से लॉरेंट फोर्स से, ए एरिया एल स्क्वायर रख दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस, अभी तो निकाला था सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का मैंने आपको फैराडेज लॉ बताया था, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, उससे बताया था ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एक और तरीका है, एक और तरीका है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का ज्यादा आसान तरीका एक है, एल डी आई बाई डी टी एम डी आई बाई डी टी से कर लो। और दूसरा तरीका है कि देखो इंडक्टर करते क्या है, कैपेसिटर क्या करते हैं, इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो दोनों एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं। कैपेसिटर पे जब हम कुछ वोल्टेज लगाते हैं V, तो कैपेसिटर स्टोर करता है हाफ सी वी स्क्वायर। इंडक्टर में जब हम कुछ करंट पास कराते हैं I, तो इंडक्टर में एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर, एल जहां पे उसका इंडक्टेंस है, तो हाफ सी वी स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर मैच कर रहा है। और सही बात है, मैच करना भी चाहिए, आइडेंटिकल टाइप की चीजें, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर दोनों एनर्जी। तो हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, मैं क्या बोल रहा हूं कि इंडक्टेंस L अगर तुमको निकालना हो, इंडक्टेंस L की डायमेंशन निकालनी हो, तो लंबा तरीका ये है कि तुम लिखो EMF E is equal to L di by dt, इसमें EMF निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो लंबा पड़ेगा। ज्यादा आसान तरीका है तुम ये ना कर लो कि मैं बोल रहा हूं कि इंडक्टर की बेहतर एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर होती है जहां पे आई करंट है, और ये बड़ा आसान है क्योंकि एनर्जी की डायमेंशन सबको याद रहती है, हाफ की कोई डायमेंशन है ही नहीं। तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन क्या बनी, एनर्जी। सेल्फ इंडक्टेंस को मैं काम करता हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस ही लिख देता हूं ताकि लेंथ वाले एल से कंफ्यूजन हो। तो सेल्फ इंडक्टेंस एल की डायमेंशन क्या बनी, एनर्जी एम एल टू टी माइनस टू, हाफ डायमेंशन लेस है, आई स्क्वायर आई इधर आ गया, आई करेंट ए स्क्वायर, इसको ऊपर ले आओ तो बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ये हो गई इंडक्टर के इंडक्टेंस की डायमेंशन, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, इंडक्टर का इंडक्टेंस आ गया। तो ये ज्यादा बेटर तरीका है, बताओ E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी और E इज इक्वल टू E, वहां पे EMF है और ये एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, बेटर कौन सा तरीका हुआ, E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, इससे ज्यादा इजीली निकाल सकते हो इंडक्टर के डायमेंशन।
आगे चलते हैं, कोई बची और कोई, सारी दुकान डाली भाई हम लोगों ने, सारी निपटा डाली ऑलमोस्ट, लेकिन अभी भी बची हैं भाई, अभी भी बची हैं डायमेंशन, हम लोग किसकी निकाल रहे हैं, सारी कर रहे हैं मैराथन, तभी तो है सारी। एक्सएल एक्सी जेड क्या है? जेड है इंपीडेंस, एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सबके सब आर रेजिस्टेंस जैसे ही होते हैं, सबके सब रेजिस्टेंस के नेचर के हैं, और नेचर अगर सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगी। तो आर कैसे निकालोगे? ओम्स लॉ, वी अपॉन आई, बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, एलसी सर्किट, एलसी ऑसिलेशन अगर पढ़ा हो तो एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, 1/2π अंडर रूट एलसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π अंडर रूट एलसी। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अक्सर एक डायमेंशन पूछी जाती है, अक्सर डायमेंशन ऑफ एलसी ये अक्सर पूछी जाती है, एलसी, एल जहां पे इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है। तो एक तरीका है बेवकूफी वाला, क्या है तरीका बेवकूफी वाला? एल की डायमेंशन निकाल लो लंबे चौड़े तरीके से, सी की डायमेंशन निकाल लो लंबे चौड़े तरीके से, फिर एलसी की डायमेंशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बेवकूफ, इतना लंबा करने का टाइम कहां होता है? जेई मेंस और नीट में, नीट में 45 क्वेश्चन, 45 मिनट एक क्वेश्चन, एक मिनट पढ़ना भी है, मार्क भी करना है, सॉल्व भी करना है। जेई में क्वेश्चन, जेई में तो चलो टाइम तब भी बढ़ गया है, 25 क्वेश्चन, 25 तीन घंटे, 25 क्वेश्चन एक घंटे, 25 क्वेश्चन 60 मिनट में, बट कंप्यूटर भी तो रहता है, स्क्रल स्क्रल करो है और रीड करो, जेई में तो थोड़ा ऑप्शन भी थोड़ा सा तकी रहते हैं, तो टाइम नहीं है भाई। तो आसान तरीका क्या है एलसी की डायमेंशन निकालने का? आसान तरीका ये है भैया कि फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखो 1/2π अंडर रूट एलसी, फॉर्मूला कोई भी लगा लो डायमेंशन तो सेम ही आनी है, एलओसी अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करो तब भी वही आनी है, चाहे फॉर्मूले से कर लो तब भी वही आनी है। तो इसमें क्या है देखो, 1/2π तो नंबर है तो डायमेंशन है नहीं कुछ, फ्रिक्वेंसी टी माइनस वन होता है, 1/2π की कुछ है नहीं, तो 1/√LC आ गया। अगर 1/√LC आ गया तो रूट एलसी ऊपर ले आओ, तो 1/t-1t बन जाएगा, तो एलसी की डायमेंशन हो जाएगी भैया स्क्वायर कर लो, तो एलसी की डायमेंशन हो गई टी स्क्वायर, एलसी की डायमेंशन हो गई टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। ये है एलसी की डायमेंशन निकालने का तरीका, शॉर्टकट तरीका, लॉन्ग कट है एलओसी अलग निकालो, तो एलसी की डायमेंशन टी स्क्वायर। क्लास में भी पढ़ाता हूँ और बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, बोलता भी हूँ एलसी जब भी निकालने की बारी आए तो 1/2π एंड रूट एलसी से करो। आगे बढ़ते हैं, टाइम कांस्टेंट, हाउ कैन आई मिस दिस थिंग मैन, टाइम कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होता है? टाइम कांस्टेंट तो जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा, उन्हीं को पता होगा, अर्पित, भव्या, हरिकेश एंड शकुंतला राठौड़, हैव यू हर्ड अबाउट टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट क्या होता है? आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, एलआर सर्किट भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस मिक्स सर्किट, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस इंडक्टिव सर्किट्स, इन सर्किट्स में टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें अगर हम चार्ज को बिल्डअप करा रहे हैं आरसी में, करंट को बिल्डअप करा रहे हैं आरएल में, 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज या 63% ऑफ द मैक्सिमम करंट तक पहुंचने का टाइम टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो वो जो टाइम कांस्टेंट होता है वो एक टाइम का टाइम, टाइम ही तो है, टाइम इंटरवल है, और टाइम इंटरवल है तो टी की पावर 1 होना चाहिए। तो नाम चाहे जितना भी बड़ा बोल दो, टाइम कांस्टेंट और 63% चार्जिंग आरएल सर्किट आरसी सर्किट, आपको सिर्फ इतना करना है ये टाइम है तो टी की पावर 1 लिखना है, ठीक। अच्छा, फॉर्मूले बस ऐसे रिवीजन के लिए, ये फॉर्मूला होता है आरसी सर्किट की चार्जिंग का, क्यू इक्वल टू सीवी 1-e^(-t/rc), डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू क्यू नॉट e^(-t/rc), आरएल सर्किट में करंट के बिल्डअप का फॉर्मूला होता है e/r 1-e^(-rt/l), करंट के डीके का फॉर्मूला होता है e/r e^(-rt/l). बट इन सब फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टाइम कांस्टेंट टाइम है, और टाइम कांस्टेंट होता कितना है? तो आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है आरसी। तो अगर आपसे डायमेंशन पूछे आरसी की, ठीक है, तो आरसी की डायमेंशन पूछे
तो आपसे वो टाइम कांस्टेंट की डायमेंशन पूछ रहा है, और टाइम कांस्टेंट जो होता है टाउ वो टी की पावर वन का होगा, आरसी इज ए टाइम कांस्टेंट। अच्छा सिमिलर इसी तरीके से आपका जो है आर बाई एल, सॉरी एल बाई आर, आरसी की डायमेंशन पूछे टी की पावर वन, एल बाई आर की डायमेंशन पूछे तो भी टी की पावर वन, ये भी टाइम कांस्टेंट है, ये भी टाइम कांस्टेंट है, दोनों टाइम कांस्टेंट्स हैं। फिर से बोल रहा हूं आपको, कई बार क्या होगा इस टाइप से डायमेंशन पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा बताओ डायमेंशन आरसी की, एल बाई आर की, एलसी की, ये तीन अक्सर आपसे डायमेंशन पूछे जाते हैं। फिर बोल रहा हूं आपसे इन तीन क्वांटिटीज की डायमेंशन पूछी जाती है आरसी, एल बाई आर और एलसी। क्या करोगे, एलसी अगर पूछें, अगर आपसे एलसी पूछें तो आप ये फॉर्मूला लगाना एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एलसी। बेवकूफी मत करना कि एल निकालो अलग, सी एल निकालो अलग, वो मल्टीप्लाई करो ना, ये फॉर्मूला टी माइनस वन फ्रीक्वेंसी, इसकी कुछ है नहीं अंडर रूट एलसी, तो अंडर रूट हट गया टी माइनस टू, अंडर रूट गया वन अपॉन एलसी, एलसी इधर ले आओ, टी माइनस टू का इनवर्स कर दो टी स्क्वायर, एलसी खत्म, एलसी की डायमेंशन आ गई टी स्क्वायर। अब आते हैं आरसी और एल बाई आर, आरसी टाइम कांस्टेंट होता है, एल बाई आर टाइम कांस्टेंट होता है। आरसी एक सर्किट में कैपेसिटर और रेजिस्टर लगे हो तो 63% चार्ज के बिल्डअप होने के टाइम को उस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं, वैल्यू होती है आरसी। तो टाइम होता है तो ये भी टाइम की डायमेंशन रखेगा टी की पावर वन। अगर किसी सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टर हो, एल और आर हो, तो वो एल आर सर्किट कराता है और उसका टाइम कांस्टेंट, उसका टाउ जो होता है वो एल बाई आर के इक्वल होता है, ये भी टी की पावर वन टाइम ही है, 63% करंट के बिल्डअप होने का टाइम टी की पावर वन। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आरसी और एल बाई आर को मल्टीप्लाई करो तो आरसीआर कट जाएगा, आरसी को एल बाई आर से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आरसीआर कट जाएगा, तो बचेगा एलसी, तो ये टी की पावर वन है, ये टी की पावर वन है, तो टी स्क्वायर ही तो आना चाहिए। तो देखो यहां से भी वही आ रहा है, एलसी की डायमेंशन टी स्क्वायर आ रही है, एलसी की डायमेंशन क्या आ रही है टी स्क्वायर, आनी भी चाहिए। तो आई थिंक हम लोगों ने ये सारे कर लिए, आरसी कर लिया, एल बाई आर कर लिया और एलसी कर लिया, तो ये हो गए। तो एक लास्ट और बचा है मेरा फेवरेट, क्या फेवरेट पूछते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायमेंशन बताओ। बेवकूफी वाला तरीका, म्यू नॉट निकालो अलग से, एप्सिलॉन नॉट निकालो अलग से, मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट करो, इन्वर्ट करो, पगला जाओगे भैया इतनी देर में। इसलिए हमेशा कभी भी वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, सी इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। कहाँ आता है ये फॉर्मूला, जब हम ईएम वेव्स का चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12 की फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, तो लाइट की वेलोसिटी का फॉर्मूला ये, इसी की वैल्यू सॉल्व करके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आती है, सी इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसी की वैल्यू सॉल्व करके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आती है, सी इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या करना है, वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी, यानी कि एल टी माइनस वन, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी चाहे कहीं की वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो एल टी माइनस वन ही होगी, सीधे सीधे आ गया वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पूछे तो एल टी माइनस वन। अगर आपसे अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पूछे, यानी कि म्यू नॉट टू द पावर हाफ, एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ पूछे, तो क्या करोगे भैया, इसका इनवर्स कर दोगे तो एल माइनस वन टी की पावर वन हो जाएगा। और अगर आपको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पूछे तो और ज्यादा स्क्वायर कर दो, हटा दो, तो एल की पावर माइनस टू टी की पावर प्लस टू हो जाएगा। तो दिस इज द स्मार्ट वे टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हम लोगों ने आरसी निकाल लिया, एल बाई आर निकाल लिया, एलसी निकाल लिया, वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट निकाल लिया। आई डोंट थिंक कि अब कोई भी क्वांटिटी की डायमेंशन हमारे लिए बची है। मैंने जितनी भी क्वांटिटीज 11th और 12th में यूज होती हैं, जितनी भी क्वांटिटीज 11th और 12th में यूज होती हैं, आई थिंक सबकी डायमेंशन बता डाली है, सबकी डायमेंशन बता दी है, जितनी भी क्वांटिटीज 11th और 12th में यूज होती हैं सबकी डायमेंशन बता दी है। तो 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 5-10 मिनट्स का,
और उसके बाद हम लोग करेंगे डायमेंशनल्स, तो पता चल गई, अब उसके बाद क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट है हम इन डायमेंशंस को अप्लाई करके डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस के क्या, डायमेंशंस के निकाल के फायदे क्या हैं? तो डायमेंशंस के फायदे हैं कि हम उससे किसी अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं, यूनिट चेंज होने पर नया मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे जस्ट अगली क्लास में। 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, मैं पानी वानी पी लेता हूँ और फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंथुजियाज्म के साथ। थैंक यू।